हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान सर और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। गाइज, जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आ गया, बहुत स्पेशल वीडियो आ गया आप लोग के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग को इंतजार था एमसीक्यूज का, तो यार मैं एमसीक्यूज लेके आ गया हूं आपके लिए। चल तो रही है हमारी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, पर फिलहाल हम क्या करने वाले हैं एमसीक्यूज में, फिलहाल हम करने वाले हैं क्लास 11th के रिविजन टॉपिक में चैप्टर 6, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर 6 के हम एमसीक्यूज देखेंगे, फिलहाल रहेंगे स्टैंड अलोन क्वेश्चंस, मतलब कि सिर्फ ये क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा होगा, चार ऑप्शंस लिखे होंगे, उसका आपको आंसर करना होगा। डेफिनेटली उन स्टेटमेंट्स में प्रोग्राम भी आ सकता है, पर दीज आर नॉट केस बेस्ड और एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चंस और एसर्शन रीजन क्वेश्चंस कवर करेंगे। डन है? तो अभी फिलहाल हमारे लिए स्टैंड अलोन क्वेश्चंस है, और ये है किस क्लास के लिए यार, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए। डेफिनेटली क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं, बिकॉज क्लास 11th का ही तो रिवीजन चल रहा है। जैसे आप लोग को पता है कि क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के टर्म 1 के पेपर में अगर मैं कहूं तो क्या आ रहा है आपका, आपका रिवीजन भी आ रहा है 11th का। तो ये आपका जो रिवीजन आ रहा है वो ही आप देख रहे हो, ठीक है। सीबीएसई टर्म 1 का जो रिवीजन आ रहा है ना, रिवीजन सॉरी सीबीएसई टर्म 1 में जो रिवीजन आ रहा है ना 11th का, वही हम देख रहे हैं। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो डेफिनेटली 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। 12th के लिए क्योंकि पेपर में आ रहा है, 11th वालों का तो टॉपिक ही है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यार इस चैप्टर में क्या है हमारे लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है फ्लो ऑफ कंट्रोल से, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पाइथन प्रोग्राम अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ओके, आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन मतलब बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है कि एक पाइथन प्रोग्राम में एक कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है। अ कंट्रोल स्ट्रक्चर डू व्हाट, डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम, क्या ये डायरेक्ट करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, या डिक्टेट करता है व्हाट हैपेंस बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड आफ्टर इट टर्मिनेट्स। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले क्या होगा या स्टार्ट होने के बाद, सॉरी बिफोर प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड आफ्टर इट टर्मिनेट्स, खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या ये डिक्टेट करता है वो। डिफाइन करता है प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स को, क्या डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है प्रोग्राम स्पेसिफिक, या मैनेजेस द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कंट्रोल कैरेक्टर, या ये इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल कैरेक्टर्स के इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, क्या ये काम करता है। तो मैनेजमेंट का तो काम नहीं है यार इसका, इनपुट आउटपुट ऑफ कैरेक्टर सॉरी कंट्रोल कैरेक्टर्स का तो काम नहीं है, है ना, ये नहीं करता है। क्या ये डिफाइन करता है स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर को, नहीं है, स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स को मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स को भी डिफाइन करने का काम नहीं करता। तो जैसे अगर हम पाइथन में बात करें तो बहुत सारे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स भी, जैसे कि लिस्ट हो गया, है ना, टपल हो गया, है ना, डिक्शनरी हो गई, ये इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर डिक्टेट्स व्हाट हैपेंस बिफोर एंड आफ्टर द आफ्टर प्रोग्राम, मतलब स्टार्ट होने से पहले प्रोग्राम कर एंड होने के बाद क्या बताता है, नहीं ये भी नहीं बताता है। तो फाइनली करता है क्या ये, तो एक्चुअली में डायरेक्ट करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को, कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल का टारगेट क्या था हमारा, कि हम अभी तक प्रोग्राम को सीक्वेंशियली चलाते आ रहे थे, है ना, एक एक लाइन जो है सॉरी एक एक स्टेटमेंट जो है लाइन बाय लाइन चल रहा था, ठीक है, ये अभी तक हम चलाते आ रहे थे। बट अब हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट नाउ इज, हमें चाहिए अपने हिसाब से चीजें चलाना है। कैसे अपने हिसाब से चीजें चलानी है, हो सकता है एक स्टेटमेंट को रिपीट करना हो, हो सकता है एक कंडीशन को चेक करना हो, ट्रू है तो रन करो, फॉल्स है तो मत रन करो, या कुछ और रन करो। तो वो सब चीजें करना ही एक्चुअली में टारगेट है फ्लो ऑफ कंट्रोल का। सो पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो आपके क्या है, कंडीशनल्स है और इटरेटिव स्टेटमेंट्स है, है ना, इटरेशंस है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, मतलब वो डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कैसे होगा, क्या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं प्रोग्राम में, कौन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, सो टिक ऑन ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1, अंडरस्टूड, गॉट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सॉरी। Now, which one of the following is a valid Python if statement? So, Python का valid if statement क्या है? Simple सा एक syntax याद रखना है, if keyword आएगा, अच्छा if भी कैसे आएगा वो भी ध्यान रखना, lower case में i, lower case में if, ठीक है, इसके बीच में indentation नहीं होना चाहिए पहले, this is also necessary कि जो भी आप फाइल बना रहे हो उस फाइल में स्टार्टिंग से शुरू हो,
हो सकता है कि किसी और स्टेटमेंट के अंदर आ रहा हो तो डेफिनेटली इंडेंटेड हो सकता है, पर टेक केयर कि जब आप फर्स्ट इनिशियल इफ बना रहे हो बिल्कुल प्रोग्राम में तो फाइल से जुड़ा हुआ हो, पर अगर किसी और कंडीशन के अंदर आ रहा है ये कंडीशन के या लूपिंग के अंदर तो डेफिनेटली इटरेटिव सॉरी इंडेंटेड हो सकता है, तो इसको हम कंडीशनल नहीं मानेंगे कि यार इंडेंटेड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी के अंदर आ रहा तो हो सकता है इंडेंटेशन हो, राइट, बट फ्रेश लिख रहे हो फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो डेफिनेटली इंडेंटेड नहीं रखना आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर क्या देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को मिलता है कंडीशन कि क्या आपको कंडीशन चेक करनी है, सो दैट इज द कंडीशन यू नीड टू राइट हियर, ठीक है। भले ही आप ब्रैकेट्स में लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे तो टपल बन जाएगा, बट वो नहीं बनाना हमें, तो नॉर्मल कंडीशन लिखो और फिर यहां लगा देना आपको कॉलन। कॉलन इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज कॉलन नहीं लगाओगे तो चलेगा नहीं काम, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट एंटर मारोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप इंडेंटेशन आ जाएगा आपका और इंडेंट हो जाएगी स्टेटमेंट्स, फिर आप जो भी रन करोगे वो चल जाएगा। तो देख लो यार क्या सही है, इफ ए आपको एक कंडीशन दे रखी है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, सो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू कॉलन भी लगा हुआ है, सही दिख रहा है मुझे स्टेटमेंट। दूसरा वाला अब ये मत कह रहा सर दूसरे वाले में तो ब्रैकेट की प्रॉब्लम है, ब्रैकेट की प्रॉब्लम नहीं है भाई, कॉलन नहीं है, कॉलन नहीं है, इस वजह से गलत है, ठीक है। सी में देखो ब्रैकेट्स अलाउड है, ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम नहीं है, कॉलन की प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट में भी देखो, नेक्स्ट में भी कॉलन की प्रॉब्लम है, तो ये तीनों में ही क्या है कॉलन्स की प्रॉब्लम है, कॉलन इज नॉट देयर। तो अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए, दैट इज इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू विद अ कॉलन। तो सही आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू कॉलन के साथ, सही है, समझ में आया। चलो, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टू, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच सेज An empty or null statement in Python is, तो एक null या फिर empty statement क्या होता है Python में, go होता है, pass होता है, over होता है, colon होता है, semicolon होता है, या फिर तो semicolon नहीं यार, इनमें से क्या होता है pass होता है एक null statement, ठीक है। null statement कैसे होता है pass, तो null statement ऐसे होता है कि pass आप use करते हो उन situations में जब आपको कुछ भी लिखना नहीं होता, जैसे suppose मुझे लिखना है if a is greater than 2, ठीक है, colon लगाया, अब मुझे जब भी a जो है 2 से बड़ा है तो कुछ चीजें करनी है, ठीक है, बट अभी फिलहाल मैंने सोचा नहीं है क्या करनी है, तो मैं एरर ना आए प्रोग्राम में मैं यहां लिख सकता हूं पास, या सपोज ऐसा हो सकता है कि ए अगर 2 से बड़ा तो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि एरर आए तो मैंने पास लिख दिया, और एल्स में मुझे जो भी चीज लिखनी है तो मैं एल्स में लिख सकता हूं यार, जो भी चीज मुझे करनी है सपोज, ठीक है, तो एल्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो पास क्या है, एक नल या एम्प्टी स्टेटमेंट है जो करता कुछ भी नहीं है, ना कुछ आउटपुट देता है, ना कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ इसका एक काम है क्या, स्पेस फिल करने का, ठीक है, कि अगर यहां पे कुछ भी प्रेजेंट है तो एम्प्टी का एरर नहीं आएगा, अंटिल एंड अनलेस अगर आप पास, मतलब अगर आप पास पास नहीं करते हो, पास को पास नहीं करते हो, देते नहीं हो, राइट नहीं करते हो, सो अगर आपने ऐसे चलाया तो आपको एरर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कुछ लिखो तो सही भाई, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम पास यूज करते हैं, तो इफ आई विल से कि यहां पे एम्प्टी या नल स्टेटमेंट क्या है, तो एम्प्टी या नल स्टेटमेंट आपका हो गया क्या, आपका एम्प्टी और नल स्टेटमेंट हो गया पास, तो करेक्ट आंसर इज पास, समझ में आया, इज दैट करेक्ट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इनमें से क्या एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, इज विच ऑफ द होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो क्या नहीं है बताओ, इफ एलिफ है डेफिनेटली है ना, फॉर नहीं है भाई, फॉर एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं है, फॉर किस लिए, इटरेशन के लिए, लूपिंग के लिए है, कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करना है, ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, सो फॉर इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बट हाँ इफ एलिफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है आपको, राइट, पर्टिकुलर एक कंडीशन ट्रू है तो ये करो, पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो ये करो, तो वो सब करने में आपको कौन हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, पर क्या नहीं है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बी इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कहूं तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फॉर स्टेटमेंट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, समझ में आया। So this was your question number fourth. Next is question number five. Fifth, which says the order of statement execution in the form of top to bottom is known as dash construct. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स का जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो अगर टॉप टू बॉटम हो, मतलब ये फाइल है तो ऊपर से नीचे चलना है आपको, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलना है, ठीक है,
सो टॉप टू बॉटम इज नोन एज डैश कंस्ट्रक्ट. तो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, रेपिटेशन भी नहीं हो सकता, सीक्वेंस होता है. ठीक है, सिलेक्शन क्या हो गया? सिलेक्शन मतलब आप पर्टिकुलर कंडीशन को चूज करके फिर सेलेक्ट कर रहे हो कौन सा स्टेटमेंट रन करना, तो सिलेक्शन नहीं है. ठीक है, रेपिटेशन मतलब आप लूप्स का यूज कर रहे हो, इटरेशंस का यूज कर रहे हो कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना, तो ये नहीं है. सीक्वेंस सही है. सीक्वेंस इज व्हाट? सीक्वेंस इज अ प्रोसेस या इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच. टॉप बॉटम अप्रोच इसे कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन रन होते हैं. स्टेटमेंट सही रन होगा, फिर सही, फिर रन 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 होता चला गया. एक भी एरर आ गया बीच में, सिंटैक्स एरर कुछ भी आ गया एरर, ठीक है, रन टाइम एरर आएगा, कंपाइल एरर आ गया, कुछ भी एरर आ गया, तो वहीं पर रुक जाएगा प्रोग्राम, राइट? तो वो सीक्वेंस में होता है, फ्लो में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आपका सी, दैट इज सीक्वेंस. सो सी, अच्छा मुझे अपना एरो हटाना है ताकि आंसर का एरो आ सके, राइट? तो सीक्वेंस इज द करेक्ट आंसर. तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी, दैट इज सीक्वेंस, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन. व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू कंसोल? तो इनमें मतलब ये कोड लिखा हुआ है एक, ठीक है, दिस इज अ कोड रिटन फॉर यू. इस कोड का आउटपुट बताना है. तो यार देखो, फ्लो ऑफ कंट्रोल से ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, ठीक है, कोड पे बेस्ड, मतलब एक बहुत सीधा साधा सा सिंपल सा कोड लिख देंगे और पूछेंगे कि इसका आउटपुट क्या है, ठीक है. या फिर हो सकता है कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस में ब्लैंक डाल दे और पूछेगा इस ब्लैंक को कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है. तो यूजुअली इससे क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, पर हाँ डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी यहां पर भी है, ठीक है, वो ध्यान रखना. तो आपसे कहा गया इफ ट्रू तो आपको ये प्रिंट करना है, इफ मतलब एल्स आपको ये प्रिंट करना है, ठीक है. अच्छा ये देखना, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट होगा, ठीक है. सो इफ ट्रू, तो अगर सही है तो यार ट्रू तो हमेशा ही ट्रू, मतलब ट्रू ट्रू के लिए देखो मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी ट्रू की स्टेटमेंट की बात करनी है तो ट्रू के स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर नन, फॉल्स एंड जीरो. एक्सेप्ट फॉर दीज थ्री एवरीथिंग इज ट्रू. आप यहां नेगेटिव वैल्यू पास कर सकते हो, आप यहां पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहां क्या क्या पास कर सकते हो, आप चाहो जीरो पास, सॉरी जीरो कह रहा हूं, आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू पास करो 2, 3, 4, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू पास करो -1, -2, -3, आप चाहे डेसिमल वैल्यूज पास कर लो 2.3, 3/5.8 कुछ भी पास कर लो, आप चाहे तो फ्रैक्शंस पास कर लो 2/3, 4/9 इस तरीके से, राइट? सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आप ऐसे पास कर सकते हो वैल्यूज में, और साथ में आप ट्रू भी पास कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ट्रू भी पास कर सकते हो. दीज आर ऑल ट्रू कंडीशंस. तो डेफिनेटली आपने ट्रू पास कर रखा है तो दिस इज अ ट्रू कंडीशन. ट्रू कंडीशन है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वही एग्जीक्यूट कराया जाएगा, राइट? तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट. तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? तो आंसर आ जाएगा प्रिंट का, प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा, पहला प्रिंट स्टेटमेंट, तो 1001 रन हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज 1001. लेट्स सी, तो ए 1001 इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपने सही गेस कर लिया होगा, दैट वाज इजी, इसन्ट इट? मतलब ये सिर्फ ट्रू के ऊपर क्वेश्चन था ये, ठीक है, ट्रू के ऊपर क्वेश्चन था. चलो, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. द नेक्स्ट इज द डैश कंस्ट्रक्ट अलाउज टू चूज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन. तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पे हमें अलाउ करता है चूज करना कि क्या चीज एग्जीक्यूट होनी है. तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्या सिलेक्शन कहते हैं, क्या रिपीटेशन कहते हैं, क्या सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस तो हमने देखा भी, सीक्वेंस इज रॉन्ग, राइट? सीक्वेंस अभी अभी क्वेश्चन में कवर किया कि अगर टॉप डाउन अप्रोच है, सीक्वेंशली चीजें चल रही हैं, तो होता है वो सीक्वेंस, ठीक है. रेपिटेशन भी आपको पता है, रेपिटेशन मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो इटरेशन का काम कर रहे हैं रेपिटेशन में, राइट? और अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन इज एक्चुअली व्हाट दे आर आस्किंग, कि क्या एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करना है और फिर उस कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पे आपको रन करना है. तो क्या सही आंसर हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर, सिलेक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी फ्लो नहीं हो सकता. तो सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, दैट इज सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट allows to choose statements to be executed depending upon the result of a condition. Clear है? आगे बढ़े 7th question के बाद, 8th बढ़ते. तो यार देखो यही 3 construct आ सकते हैं, ध्यान रखना, selection, repetition और sequence. Sequence मतलब normal execution, repetition मतलब एक statement को repeat करके run करना, looping जैसे होती है. और selection में क्या हो गया? अच्छा इस repetition में पता है आपके function calling भी repetition वाली आ जाएगी. Functions को आप एक बार दोबारा दोबारा call कर सकते हो ना, वो भी इसमें repetition में आएगी, ठीक है. तो इटरेशन मतलब होता है वो लूपिंग यूज करना, ठीक है. नाउ सिलेक्शन इज व्हाट? सिलेक्शन इज व्हाट? अगेन कंडीशन चेक करके, ट्रू है तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन करना है, फॉल्स है तो दूसरे स्टेटमेंट को रन करना है. सो दैट इज व्हाट दैट कम्स अंडर सिलेक्शन,
ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8th व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक अ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट. तो इनमें से क्या एक सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट बना देगा. सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट अभी हमने देखा क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करना है, अगर वो ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने, फॉल्स है तो नहीं करने. तो इफ करता है क्या सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, डेफिनेटली इफ को यूज करते हो आप, इफ एल्स को यूज करते हो, डेफिनेटली इफ एल्स को भी यूज करते हो आप. इफ खाली इफ यूज कर रहे हो तो आप सिलेक्शन को मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कर रहे हो, अगर वो ट्रू है तो आप रन कर रहे हो क्या होना चाहिए, ठीक है. आप एल्स वाले पार्ट में रन नहीं कर रहे, मतलब ट्रू नहीं है तो नहीं कर रहे, बट ट्रू है तब तो कर रहे हो ना. बाकी इफ एल्स की अगर मैं बात करूं तो इफ एल्स में ये होता है कि एक कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, अगर ट्रू नहीं है तो नहीं किया जाएगा, तो दूसरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराया जाएगा एल्स में, ठीक है. पर दोनों ही ए और बी दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही आपके क्या होंगे, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट होंगे. सो बोथ ए एंड बी आर सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट. तो सही आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी, इफ बी और इफ एल्स दोनों ही सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट है, कंडीशन चेक करके एग्जीक्यूट कराने के काम आते हैं, राइट. चलो नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मेक अ रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट. तो इनमें से क्या एक रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट बनाता है, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके रन करना है, ठीक है. तो रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट फॉर बनाता है, वाइल बनाता है, डेफिनेटली फॉर और वाइल दोनों बनाते हैं और यही यूज होते हैं पाइथन में. तो बोथ ए एंड बी वुड बी करेक्ट कि बोथ जो है आपके रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट बनाते हैं. तो इसका सही आंसर क्या हो गया 9th क्वेश्चन का, इसका आ गया सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. Is that fine? समझ में आया. चलो आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे. Now what will be the output of the following Python code? एक लंबा चौड़ा सा Python code लिखा हुआ है. Let's first understand that and then we'll answer the question. The question is एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन, इसमें एक बहुत लंबी चौड़ी सी लिस्ट है 3, 2, 5, 6, 0, 7, 9 इसमें पास कर रखा है हमने. हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं, सम इज इक्वल टू 0 एंड सम 1 इज इक्वल टू 0. मतलब सम और सम 1 बनाए दो वेरिएबल्स, उनमें वैल्यूज है 0, 0. ठीक है. नाउ फॉर एलिमेंट इन लिस्ट वन, तो एलिमेंट आपको लिस्ट वन में एलिमेंट पे जाना है, एक एक एलिमेंट पे जाना है और आपको एक कंडीशन चेक करते हुए रन करना है, ठीक है. अब कंडीशन क्या है, देखो, इफ एलिमेंट इज डिविजिबल बाय 2, मॉड्यूलो 2 मतलब, मॉड्यूलो 2 मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हो, 0, 0, 0, इज इक्वल टू 0 मतलब कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है कि नहीं. सो इफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 2, इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन आपको करना क्या है, आपको सम करना है, मतलब सम में एलिमेंट को ऐड करना है, सम में जो 0 है 0 में एलिमेंट को ऐड करना है, सम में स्टोर कर देना, और फिर ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है. अच्छा, जैसे ये मिले तो कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू मतलब स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में चले जाओ, राइट. फिर क्या करो, नेक्स्ट इफ चलाओ, है ना. नेक्स्ट अगर ये नहीं होता है तो नेक्स्ट इफ चलेगा, क्योंकि कंटिन्यू लगा हुआ है ना, तो नेक्स्ट इफ चलेगा. इसमें आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है. फिर सम 1 में सम 1 को एलिमेंट को ऐड कर दे रहे हो, दैट्स ऑल. तो प्रिंट सम कर रहे हो, एंड के बाद फिर सम 1 कर रहे हो प्रिंट, ठीक है. तो डेफिनेटली व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आगे होनी चाहिए शायद कंडीशन, क्योंकि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब दिस इज अ बिग क्वेश्चन. तो नेक्स्ट पेज पे होने चाहिए आपके, नेक्स्ट स्लाइड में होने चाहिए आपके ऑप्शंस. बट द केस इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, आपको ये समझ में आ गया कि 2 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है. सम में 2 की डिविजिबिलिटी ऐड कर रहे हैं, सम 1 में 3 की डिविजिबिलिटी ऐड कर रहे हैं. तो ढूंढ लो यार 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2, 6, ठीक है. सो 2, 6 क्या हो गया आपका, 2, 6 हो गया. अच्छा, 2, 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है. और कोई तो डिवाइड तो मुझे दिख नहीं रहा है, 0 होगा, बट 0 को ऐड करने का मतलब नहीं है. तो 2 + 6, 8 आ गया आंसर. 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, 3 से डिविजिबिलिटी में क्या है, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा. तो 9 + 6 = 15 + 3 = 18 आ जाएगा. तो 818 आंसर होना चाहिए. अगर आपके हिसाब से 818 आंसर है तो भाई गड़बड़ कर दोगे, ठीक है. अगर आपके हिसाब से 818 आंसर आया है ना, कि सर 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं सम और सम 1 में, तो 8 और 18 आंसर आना चाहिए विदाउट कॉमा, है ना, कॉमा नहीं लगा है, एंड में बस स्पेस है. अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा भाई. हमेशा कोड को हल्के में ही लेना, स्टेप बाय स्टेप चलना, एक एक एलिमेंट को जो कराना चाह रहा है वो करना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे. दिखाता हूं गड़बड़ क्या होगा, ठीक है. देखो, अब हम कह रहे हैं एक एक एलिमेंट उठाना है लिस्ट वन में से. तो पहला एलिमेंट उठाते, ठीक है, 3 उठा लिया. अब मैं क्या करूंगा, सम, हमें सम और सम 1 चाहिए ना. तो दो वेरिएबल बना लिए मैंने ऐसे, सम और सम 1, इनकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं ऐड करते हुए चलूंगा यहाँ पे, ठीक है. मतलब क्या क्या है वो कट करके वैल्यू डालता रहूंगा. चलो, तो हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले एलिमेंट उठाया 3, क्या 3 डिविजिबल है 2 से, नहीं है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगा. क्या 3 से डिविजिबल है, डेफिनेटली है, तो सम 1 में एलिमेंट ऐड हो जाएगा. तो सम 1 अब क्या बन जाएगा, 0 से 3 बन जाएगा. पहले 0 था, है ना, इनिशियली 0 था, 0 में 3 को ऐड किया तो ये क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है. अब ये लूप फिर से चलेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओगे आप, 2 पे आ गए, ठीक है. अब 2 पे आए अपन, अब चेक करें क्या 2 से डिविजिबल है, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है. तो सम में एलिमेंट को ऐड कर दिया, तो जो 0 था पहले, अब 0 से 2 हो गया, ठीक है. अब कंटिन्यू कर दिया हमने, तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि आगे के स्टेटमेंट्स रन नहीं करने हैं,
आगे के स्टेटमेंट्स रन नहीं करें, सीधे सीधे नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, आगे बढ़ो आप, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब है आगे के स्टेटमेंट्स रन नहीं करने, तो आप टू से क्या हो जाओगे, आप फाइव पे पहुंचोगे सीधे, ठीक है। अब फाइव पे आए, फाइव पे फिर यहां से चेक करना शुरू किया, ठीक है, क्या फाइव टू से डिविजिबल है, नहीं है यार, तो यह वाले स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। यहां पे आए, क्या फाइव थ्री से डिविजिबल है, नहीं है यार, तो यह वाला स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, नेक्स्ट पे चलो। अब फाइव के बाद आ गए आप सिक्स पे, ठीक है। अब यहां पे आए सिक्स में, तो सिक्स क्या टू से डिविजिबल है, डेफिनेटली टू से डिविजिबल है, ठीक है। तो सम में क्या हो जाएगा, आपका सिक्स ऐड हो जाएगा, तो टू में सिक्स ऐड करोगे तो क्या बनेगा, टू में सिक्स ऐड करोगे तो एट बनेगा और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो एट आंसर आ गया, पर देखो आगे क्या लगा हुआ है, कंटिन्यू लगा हुआ है। कंटिन्यू से क्या होगा, आप स्टार्टिंग में पहुंच, सॉरी वापस पहुंच जाओगे कंडीशन चेक करने, आगे के स्टेटमेंट्स रन होंगे, नहीं होंगे, पर सिक्स तो थ्री से भी डिविजिबल है, राइट, टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है, तो दो बार चेक नहीं करना है, यही गलत हो जाता है, यहीं पे यही गलती होती है, ये चीज संभालनी है, यही चीज देखनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू नहीं करना है, सॉरी कंटिन्यू क्योंकि लिखा हुआ है, तो आप वापस पहुंच जाओगे और आगे नहीं रन होगा, तो ये चीज नहीं चलेगी। आप सिक्स से फिर आगे जीरो पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जीरो में वापस से चेक किया जाएगा, जीरो को कोई मतलब नहीं, सम करोगे ही नहीं, क्योंकि जीरो ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, वही आएगा, तो देयर इज नो यूज ऑफ जीरो। तो हम आगे बढ़ते हैं, सेवन चेक करते हैं, क्या सेवन टू से डिविजिबल है, नहीं है, क्या सेवन थ्री से डिविजिबल है, नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ नाइन पे, देखो क्या नाइन टू से डिविजिबल है, नहीं है, क्या नाइन थ्री से डिविजिबल है, बिल्कुल है। सो नाइन को थ्री से डिवाइड किया तो क्या आया, सही क्या आया, नहीं, आपको सीधे सीधे एलिमेंट को ऐड करना है, एलिमेंट को सम वन में ऐड करना है, तो नाइन में थ्री ऐड करोगे तो क्या आएगा, नाइन में थ्री ऐड करोगे तो ट्वेल्व आ जाएगा, राइट, नाइन में थ्री ऐड करोगे तो ट्वेल्व आ जाएगा, थ्री कट जाएगा। तो अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, देखो तो फाइनल वैल्यू आपकी जो प्रिंट करनी है, पहले सम करना है, तो दिस इज सम, तो पहले एट आएगा और फिर सम वन आएगा, तो सम वन इज ट्वेल्व, तो आंसर क्या हो गया, एट और ट्वेल्व, ना कि एट और एटीन, समझ में आया। तो कोई भी प्रोग्राम करो आप ऐसे इस तरीके से सॉल्व करो, है ना, क्रैक करो, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड वे में सारा पूरा प्रोग्राम रन करो, देखो कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है, सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में समझा रखे हैं, हर चीज की इंपॉर्टेंस समझा रखी है, क्या है, कंटिन्यू बता रखा है, ब्रेक पास वगैरह सब कुछ समझा रखा है डिटेल में, ठीक है। तो उन चीजों को ध्यान से समझ के पकड़ के चलना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एट ट्वेल्व आंसर होना चाहिए, ठीक है, बट डेफिनेटली आई थिंक 818 भी होगा ऑप्शन में, पर क्या होना चाहिए आंसर, 812 होना चाहिए, ठीक है। सो 812, ओके 818 नहीं है, 812 है, तो 812 ही करेक्ट है, 89 नहीं है, 83 नहीं है, 23 नहीं है, क्या आंसर है, 8 और 12 इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, डी हो गया, दैट इज 8 एंड 12। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए ऑप्शन ला दिए गए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, वो स्लाइड में नहीं आ रहा था, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ नल स्टेटमेंट। सो नल स्टेटमेंट का ऑल्टरनेट नेम क्या, तो यार मैंने आपको पूछा भी ये क्वेश्चन, नल और डैश स्टेटमेंट जो क्या है आपका पाइथन में, पाइथन में है पास, तो क्या है भाई, नल और नो स्टेटमेंट, नहीं भाई ये क्या मतलब हुआ, स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, empty statement, तो yes, null and empty statement, ठीक है, null statement और empty statement, ठीक है। zero statement मत बोलना, zero statement मतलब आप कुछ statement दे रहे हो, zero एक खुद में एक number है, ठीक है, तो कुछ zero आप statement कह सकते हो, zero statement ये भी कह सकते हो, कोई भी statement नहीं है, तो but zero को बहुत ध्यान से treat करेगा, zero एक number है, ठीक है, जो एक literal है python में, zero एक number है, तो जीरो स्टेटमेंट ध्यान से बात करेगा, और वॉइड स्टेटमेंट रिटर्निंग के ऊपर होता है कि कोई कुछ रिटर्न कर रहा नहीं कर रहा फंक्शन, तो ये वॉइड स्टेटमेंट भी सही नहीं है वर्ड, तो एक्चुअली में नल स्टेटमेंट क्या होता है, नल स्टेटमेंट एम्प्टी स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर कहूं तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, सर मुझे समझ में आया। चलो आगे इस 12th क्वेश्चन, व्हिच सेज व्हाट सिग्निफाइज द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट ब्लॉक और सूट इन पाइथन। तो क्या जो है, व्हाट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ब्लॉक और सूट इन स्टेटमेंट, ओके, व्हाट दे आर आस्किंग, सपोज आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा इफ डैश कॉलन और यहां इंडेंटेशन में स्टेटमेंट्स लिख गए, अब कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक जो है एंड हो गया है, तो सिंपल सा तरीका यार, इसके बाद मतलब इंडेंटेशन के बाद जो पहली लाइन मिलेगी जो इंडेंटेड नहीं है, अनइंडेंटेड लाइन जैसी मिलेगी इस स्टेटमेंट के बाद, वही हमारा क्या होगा, एंड को रिप्रेजेंट करेगा स्टेटमेंट ब्लॉक के, ठीक है। तो देखते हैं यार, सो अ लाइन दैट इज इंडेंटेड लेस देन द प्रीवियस लाइन, ओके, तो प्रीवियस लाइन से कम इंडेंटेड जो भी लाइन है दैट विल मार्क द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। सो व्हाट सिग्निफाइज द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट ब्लॉक और सूट इन पाइथन, सो प्रीवियस, इफ प्रीवियस लाइन इज व्हाट, प्रीवियस लाइन से कम इंडेंटेड है, देन दैट सिग्निफाइज दैट द स्टेटमेंट यू आर यूजिंग हैज एंडेड, राइट, एंड यू नीड टू यूज व्हाट, यू नीड
you are actually out of the body of that statement, right? So what signifies that thing? So your what? Your indentation specifies that. Okay, the previous line say if you are using less indented statements, then that is what? That is the end of the statement. So correct answer kya hoga iska? Correct answer to this question is D. Right? Understood? Chalo, aage badhte hain. Next is 13th question. Which one of the following if statement will not execute successfully? So in mein se kaun sa if statement hai jo successfully execute nahi hoga? ठीक है. अच्छा एक बात बता रहा, ये तो tuples है, तो tuple चलते हैं क्या? हाँ यार, tuple चलते हैं python में. ठीक है, tuple चलते हैं python में. So if 1, 2 है ना, print f double o करना है आपको, तो क्या ये execute करेगा? नहीं यार, ये execute नहीं करेगा. reason क्या? colon नहीं है. ठीक है, if 1, 2 colon print f o, yes this will work. इसमें मुझे कुछ error नहीं दिख रहा. print statement सही है, colon लगा हुआ है, condition सही है, if सही है, this is true. If 1, print fo, ये भी perfectly दिख रहा है मुझे, all right है. Now the above question ही नहीं है, दो अलग अलग options हमारे पास. Which one of the following if statement will not execute successfully? इनमें से क्या successfully execute नहीं होगा? So A execute नहीं होगा यार, A is the correct answer. ठीक है, A successfully execute नहीं होगा. So A is the correct answer to your 13th question. Colon is very important, colon का ध्यान रखिएगा guys. If statement में, for में, ठीक है, सब में जो है colon की बहुत importance है. चलो नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इसमें से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? ठीक है, लेट्स सी दैट. तो देखो यार, फाइल में इंडेंटेशन प्रॉपर देखना. ये फाइल है आपकी, ठीक है, ये इफ है, कंडीशन है, कॉलन है, प्रिंट स्टेटमेंट है, एल्स है, कॉलन है, प्रिंट स्टेटमेंट और फिर दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट, अन इंडेंटेड है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. ठीक है, नाउ इफ 4+5 इज इक्वल टू 10, तो 4+5 इज 9. अगर 9 10 के बराबर है, तो नहीं है, तो ये चलने का तो मतलब ही नहीं होता. क्या 4+5 9 क्या 10 के बराबर है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट चलने का बात ही नहीं है, तो ये चल जाएगा एल्स में, विच मीन्स प्रिंट फॉल्स. तो फॉल्स तो पहले प्रिंट हो गई होगा, तो जहां जहां फॉल्स दिख रहा है वो तो मार्क कर ही लो फॉल्स. ठीक है, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया. ठीक है, अच्छा डी अभी भी गलत नहीं है, दूसरे पर डिपेंड करता है. ठीक है, फिर ट्रू तो रन हो गई होगा, तो ट्रू तो रन हो गई होगा, तो मुझे दिख रहा है यार ये ट्रू, ये रहा फॉल्स के बाद, तो ए इज द करेक्ट आंसर. तो नन का ऑप्शन ही नहीं आया, तो सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए. ठीक है, ए दैट इज फॉल्स फिर ट्रू, तो ए इज द करेक्ट आंसर, फॉल्स और फिर ट्रू. समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे. कंसिडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज 10, 5, -3 और फिर आप चल रहे हो. तो एक्चुअली में होता क्या है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और ये जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है इसको ऐड करते चलते हैं और यहाँ 5 मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है वहां तक पहुंचना होता है हमें. ठीक है, तो हमें करना क्या है, 10 से शुरुआत करेंगे, 10 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे, 10 -3 करेंगे तो क्या होगा, 10 -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, 7 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा. ठीक है, तो 10, 7, 4 आ गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप रन. तो एक्चुअली में क्या होगा, जब आप 4 की बात करोगे तो 4 वाला नहीं चलेगा, राइट? 4 आ गया, तो यहां पे एक बात चेक करना, फॉर आई इन रेंज ये, तो इसने एक्चुअली में क्या किया है, इसने 10 से लेके 7 तक के इटरेशंस बना दिए, 4 काउंट ही नहीं होगा, 4 चलेगा ही नहीं. ठीक है, तो 10 और 7 दो इटरेशंस है आपके पास, तो दो इटरेशंस है तो दो बार ही चलेगा, है ना, दो ही है सीक्वेंस में, दो एलिमेंट्स है तो डेफिनेटली दो बार चलेगा, तो 10 और 7 के लिए चलेगा. तो ये दे आर आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप रन, सो इट विल रन फॉर 2 टाइम्स. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दो बार चलेगा, और एक्चुअली इनको 3 भी ऑप्शन में देना चाहिए था. ठीक है, तो फिर तो कुछ बात होती. ठीक है, बट इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन. What is the following Python program display? बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं यार क्या है. तो ये जो Python program है क्या display करेगा, that is what they are asking. ये Python program क्या display करेगा? आपने एक variable बनाया x = 3, बहुत सही यार, एक variable है 3, sorry एक value है 3 जिसको reference कर रहे हैं हम x, बहुत सही. ठीक है, if x = 0 print this. क्या x 0 के बराबर है? नहीं यार, हमारा x तो 3 के बराबर है, तो ये नहीं चलेगा. फिर एलिफ x = 3, क्या 3 के बराबर है? सही, मैंने एक्चुअली गलत बोला. ठीक है, क्या x 0 के बराबर है?
तो नहीं है यार, x जीरो के बराबर तो ये नहीं चलेगा, मैं देख रहा हूँ बट बोल गलत रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। क्या x जीरो के बराबर है? नहीं है, x जीरो के बराबर नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्या x थ्री के बराबर है? डेफिनेटली x थ्री के बराबर है, x थ्री के बराबर है तो ये चल जाएगा यार, ठीक है। और क्या देखो प्रिंट हो जाएगा, देखना, तो ये अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और स्पेस के साथ हेयर क्वेश्चन मार्क, और क्योंकि एंड मैंने क्या कर रखा है, एंड में मैंने स्पेस दे रखा है, ठीक है, सिंगल इंवर्टेड कॉमा से स्पेस दे रखा है तो पॉइंटर वहीं रह जाएगा। फिर एल्स में पास कर दिया मैंने, फिर प्रिंट कर दिया ओवर हेयर हमेशा, तो ओवर हेयर तो हमेशा ही चलेगा, ठीक है, ओवर हेयर तो हमेशा ही चलेगा। तो और ओवर हेयर अगर हमेशा चलेगा तो यहाँ पर हम स्पेस दे के लिख सकते हैं और ओवर हेयर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो सही देखो क्या हो गया, एम आई हेयर नहीं, और हेयर नहीं, एम आई हेयर, और हेयर नहीं, और हेयर और ओवर हेयर, सो दिस वन इज करेक्ट, डी सॉरी क्या हो गया, डी वन इज करेक्ट, अंडरस्टूड, डी वन इज करेक्ट, समझ में आया ना, क्लियर है ना डी वन, सो दैट इज द केस, ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन। तो 16 क्वेश्चन का सही क्या हो गया, डी हो गया, और हेयर या और ओवर हेयर, सही है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, वट की वर्ड वुड यू यूज टू एड एन ऑल्टरनेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट। तो इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट में आपको एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट एड करना है, सो वट यूल यूज, यू विल यूज वट, यू विल यूज एल इफ स्टेटमेंट, राइट। एल्स इफ कुछ नहीं होता, एल्स इफ कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब एल्स इफ स्पेस का कुछ नहीं होता, एल्स इफ बिना स्पेस कुछ नहीं होता पाइथन में। पाइथन में अगर आपको एल्स इफ लिखना है, आपको एल इफ लिखना पड़ेगा, ई एल आई एफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, एल इफ इज द करेक्ट आंसर टू योर 17th क्वेश्चन, तो एल इफ इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 18th पे, इफ द यूजर इनपुट्स टू एंड एंटर, ओके, यूजर ने अगर टू दिया और फिर एंटर की दबा दी, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट प्रिंट। तो ये जो कोड स्निपेट है ये क्या प्रिंट करेगा, तो एक्स एक्चुअली में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं ले रहा, एक्चुअली इनपुट ले रहा है और उसको हम टाइपकास्ट कर दे रहे हैं फ्लोट में, ठीक है, बहुत सही, हम फ्लोट में टाइपकास्ट कर दे रहे हैं। सो वी आर चेकिंग इफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो यस प्रिंट करना है, ठीक है, पर अभी हमने टू लिया है तो एक्चुअली में क्या होगा, एक मेमोरी में टू वैल्यू बन जाएगी, इसको हम इनपुट कर, सॉरी इसको रेफरेंस करा रहे हैं एक्स से हम, ठीक है, तो एक्चुअली में ये 2.0 बन जाएगा, ठीक है, 2.0 बन जाएगा। तो क्या एक्स 1 के बराबर है? 1 के बराबर तो नहीं है, तो ये नहीं चलेगा भाई। फिर एलिफ, क्या एक्स 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है? क्या 2 से बड़ा या 2 के बराबर है? तो 2 से बड़ा तो नहीं है बट हाँ 2 के बराबर जरूर है, तो 2 के बराबर तो एलिफ चल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा मे बी। तो ये फर्क नहीं पड़ता आपका डेसिमल में है या फिर इंटीजर में है, जब भी आप उसे कंपेयर कर रहे हो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है ना, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होकर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी वो वैल्यू और फिर चेक किया जाएगा, राइट। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, मे बी शुड बी द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड, सी ओनली इज द करेक्ट आंसर, मे बी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। तो एल्स की तो बात ही नहीं आई जब एक कंडीशन मिल गई तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अगेन द आउटपुट दे आर आस्किंग फॉर इज, सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है लर्न पाइथन, ओके, लर्न पाइथन एक स्ट्रिंग है, str2 एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, str3 एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं फॉर x इन str1, तो इस स्ट्रिंग, इस ये जो स्ट्रिंग बनी हुई है इसके अंदर हम एक एक करके ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, फॉर x इन str1 हम कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू r, n और p, ठीक है, या तो x r हो, या तो n हो, या तो p हो, तो क्या करना है आपको, कुछ करना है फिर पास कर देना, ठीक है, नाउ द खेल, सॉरी नाउ द गेम इज ऑफ पास ओनली, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू e और x इज इक्वल टू a है तो str3 चल जाएगा, है ना, प्लस इक्वल्स टू x है, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू मतलब इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, str2 plus x, ऐसे यहां पे क्या लिखेंगे, str3 plus x, और फाइनली हम str2 और str3 को साइड बाय साइड प्रिंट कर रहे हैं बिकॉज एंड लगा हुआ है, ठीक है। अब वही गलती जो मैंने आपसे बताई थी वो मत करना, एक एक करके कोड करो, मतलब एक एक करके सर्च करो, ठीक है। तो एक्चुअली में str2 और str3 क्योंकि एक क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है, देख रहे हैं क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक एक सबसे पहले तो ट्रैवर्सल करो, ठीक है, किसका, मतलब एक एक ट्रैवर्सल करो, फिर देखते हैं क्या है।
सबसे पहले देखना है आपको मतलब आर एन पी यहां सर्च करना है, यहां पे आर ई और ए सर्च करना है, ठीक है। सो एक एक ट्रावर्सल कर रहे हैं तो एल देख रहे हैं, तो पहले एल आया, इसमें चेक किया कि आर एन पी तो नहीं है, आर एन पी नहीं है, आर ई ए में से कुछ भी नहीं है तो किसी में भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ई पे आएगा अपन, ठीक है, ई पे, तो ई में यहां पर आर एन पी नहीं, आर ई ए तो ई दिख रहा है मुझे, तो एस टी आर थ्री में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐड हो जाएगा, एक्स जो इसको आप ट्रावर्सल कर रहे हो, तो एस टी आर थ्री में सबसे पहले क्या जाएगा, ई आ जाएगा, समझ में आया। अब ना द गेम इज ऑल अबाउट दिस पास, तो पास को हमेशा ध्यान रखना, पास क्या है, पास कुछ भी नहीं करता, ये ब्रेक और कंटिन्यू की तरीके से नहीं होता, ब्रेक तो स्टेटमेंट लूप को ही ब्रेक कर देता है, कंटिन्यू को वापस जाने में फोर्स करता है, पास कुछ नहीं करता, ठीक है, एम्प्टी है, नल कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब नल कैरेक्टर नहीं है, नल की तरीके से काम करता है, कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ई हो गया, अब ए पे देखो यार, ए इसमें ए, आर एन पी नहीं, इसमें ए, हाँ इसमें ए दिख रहा है, तो इसमें ए और ऐड हो जाएगा एस टी आर थ्री में, ठीक है। फिर ए के बाद आर पे पहुंचे, आर देखो इसमें से कुछ डेफिनेटली आर दिख रहा है मुझे, तो आर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो गेम आया, क्या पास क्या करेगा, जाने देगा, तो आर यहां पर भी चेक किया जाएगा, ठीक है, तो आर यहां पर भी चेक किया जाएगा, और एक्चुअली मैंने इससे पहले गलत किया, एस टी आर टू में करना था और अब एस टी आर थ्री में ऐड होगा, यहां एस टी आर थ्री में, यहां एस टी आर टू में था, राइट। अच्छा इस चीज से कंफ्यूज मत होना सर, इसके एक एक आगे कैसे बढ़ जा रहा है, कंकैटिनेशन कर रहे ना यार, दो स्ट्रिंग्स को जब हम ऐड करते हैं तो कंकैटिनेट हो जाते हैं, राइट। चलो आर के बाद हम आए एन पे, तो एन देखो क्या है, एन पहला दिख रहा है मुझे, तो एस टी आर टू में ही कंकैटिनेट हो जाएगा, तो यहां एन आ गया, ठीक है, आर एन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तो एन नहीं दिख रहा, तो आगे बढ़ो यार, फिर स्पेस का मतलब नहीं है, पी का देखो, पी यहां दिख रहा है मुझे, पी यहां दिख रहा है, तो आर एन पी आ जाएगा यहां पे, ठीक है, एस टी आर टू में कंकैटिनेट हो गया पी। वाई इधर नहीं दिख रहा, अच्छा पी इधर भी चेक कर लेना, पी इधर नहीं दिखा मुझे, ठीक है। फिर वाई देखा, वाई इधर नहीं है, वाई इधर नहीं है, फिर टी देखो, टी इधर नहीं है, टी इधर भी नहीं है, एच देखो, एच इधर भी नहीं है, एच इधर भी नहीं है, ओ देखो, ओ इधर भी नहीं है, ओ इधर भी नहीं है, एन देखो, एन इधर है, इधर नहीं है, ठीक है, तो इधर है, तो आर एन पी आ गए यहाँ पे, सॉरी आर एन पी एन आ गए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, तो एस टी आर टू और फिर एस टी आर थ्री, तो आंसर क्या हो गया। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं यार अपन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका, आर एन पी एन और ई ए आर, ठीक है, आर आर एन पी एन और फिर ई ए आर, ठीक है, आर एन पी एन और फिर ई ए आर, समझ में आया। सो दिस शुड बी द आंसर, लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आर एन पी एन, ठीक है, ई ए तो नहीं, दिस इज रॉन्ग, आर एन पी एन ई आर इज करेक्ट, आर एन पी ई ए इज रॉन्ग, आर एन पी ई ए इज, तो क्या आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हो गया आपका बी, दैट इज आर एन पी एन ई ए आर, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आर एन पी एन ई ए आर, यही देखा था ना, देखो यहाँ पे आर एन पी एन ई ए आर, समझ में आया कैसे आया। तो इस तरीके से करना पड़ेगा यार, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे लूप में जब, सॉरी प्रोग्राम के बेस पे जो आते हैं, ठीक है, जिनका आउटपुट आपको बताना होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, विच सेज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है, तो x अगर 3 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, हमने कहा इफ एक्स इज इक्वल, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 6। अच्छा इसमें हमेशा देखना यार, ये जो कंडीशन आती है ना और एंड के साथ, ठीक है, तो और एंड के साथ इसकी मतलब अगर प्रेसिडेंस कहूँ तो एंड की ज्यादा होती है, तो एंड पहले इक्वेट होता है फिर और इक्वेट होता है, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो इसमें से हमें सबसे पहले इक्वेट क्या करना है, सबसे पहले करना है एंड को इक्वेट, ठीक है। चलो दोनों ही तरीके से इक्वेट करके देखते हैं कि क्या क्या आंसर आएगा, इसको पहले करेंगे और फिर पहले उसको करेंगे, देखेंगे क्या है। तो एंड पहले इक्वेट होगा, तो एक्स इज लेस देन 5 बिल्कुल है, 3 है तो लेस देन 5 तो है, ठीक है, तो यहां से टी आया मेरे पास, ठीक है, यहां से टी आया, क्या एक्स 6 के बराबर है, तो यहां से मेरे पास फॉल्स आया, नहीं है यार, तो टी एंड एफ का जो भी आउटपुट है वो क्या होता है, एंड है, तो एंड मतलब दोनों में टी चाहिए, राइट, दोनों में टी चाहिए, नहीं तो एफ हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया एफ। अब इसका एफ है और इसका देखो क्या, एक्स टू जो है, सॉरी एक्स जो है क्या 2 से बड़ा है, डेफिनेटली है, 3 है आंसर,
तो टू से बड़ा है तो ये टी है। और का मतलब होता है किसी एक में भी अगर ट्रू आ जाए तो ट्रू कर दो फाइनली, तो दोनों में से मुझे पहले वाले में ट्रू दिख रहा है तो आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। समझ में आया? अगर मैंने एंड को पहले इक्वेट किया, व्हाट इफ अगर मैंने पहले और को इक्वेट किया होता तो क्या होता देखो, ठीक है, तो क्या x3 के बराबर है, सॉरी x3 के बराबर है, हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, क्या x2 से बड़ा है, डेफिनेटली है, तो इससे मिला t, क्या x5 से छोटा है, डेफिनेटली है, इससे मिला t, 2t और t मतलब दोनों में से एक में भी हो जाए या दोनों ही मिल गया तो डेफिनेटली आउटपुट t है, ठीक है। अब यहां है ये जो t है इसको हम इससे कर रहे हैं, क्या x6 के बराबर है, नहीं यार यहां से फॉल्स मिला, ये फॉल्स ये t एंड लगा हुआ है, t एंड f, तो t एंड f का आंसर क्या होता है, f एंड मतलब दोनों में ही चाहिए यार t, तभी आंसर आएगा t, इसका आंसर f होगी। तो अगर आप पहले और इक्वेट कर रहे हो फिर एंड इक्वेट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है f, आप पहले एंड इक्वेट करोगे फिर और इक्वेट करोगे आंसर आएगा t। हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको एंड इक्वेट करना होता है फिर आपको और इक्वेट करना होता है। जो एसोसिएटिविटी है वो किसकी ज्यादा है, वो एंड की ज्यादा है, एंड पहले इक्वेट होगा फिर और इक्वेट होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया टी। तो अगर ट्रू इज करेक्ट मतलब इसका आंसर अगर ट्रू आ रहा है तो डेफिनेटली क्या प्रिंट होना चाहिए, ओके प्रिंट होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ना कि नो आउटपुट होगा। समझ में आया? तो 20th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ओके। समझ में आया? इवन आप इसको जो है एक बार कोड करके भी देखना अपने पाइथन इंटरप्रेटर में, समझ में आएंगी चीजें, सही है। तो 20th क्वेश्चन समझ में आया, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 21st पे, विच सेज प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, फिर से प्रिडिक्ट करना है कोड आउटपुट, मतलब इस कोड का आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू टू कॉमा फोर, क्या मतलब, एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू टू कॉमा फोर, क्या मतलब इसका कि एक्स को टू चला जाएगा वाई को फोर चला जाएगा, मतलब मेमोरी में दो वैल्यू बनेंगे टू और फोर, टू को रेफरेंस कर रहा होगा एक्स, वाई को फोर को रेफरेंस कर रहा होगा वाई। नाउ इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन, अगर x प्लस वाई 10 के बराबर है तो 2 प्लस 4 10 के बराबर है, नहीं है तो ट्रू रन होता, बट नहीं है तो ये रन नहीं होगा, एल्स वाला रन हो जाएगा, फॉल्स रन हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स रन हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 क्योंकि 6 जो है 10 के बराबर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो आंसर हो गया बी, दैट इज फॉल्स। समझ में आया? यस और नो, क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलो 22nd पे चलते, ठीक है। फिर से कोड आपके पास, कंसिडर, ओके बहुत बड़ा कोड एक्चुअली, ठीक है, ये इतना बड़ा कोड है, चलो बढ़िया, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट लेटर विल बी प्रिंटेड एट द यूजर एंटर्स 0 फॉर ए एंड 0 फॉर बी। ओके, अगर ए की वैल्यू भी 0 है, मतलब सिंपल सी बात, मेमोरी में 0 दो बने हैं, ठीक है, ए को भी 0 रेफरेंस कर रहा है, बी को भी 0 रेफरेंस कर रहा है, अब हमें नहीं पता दो अलग अलग वैल्यू बनी है या सिंगल वैल्यू, हम दो अलग अलग ले लेते हैं, ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ए और बी एक्चुअली हमने इनपुट कराया गया है, ओके, तो हमने इनपुट किया है ना, इंट में टाइप कास्ट किया, तो ए को स्टोर किया तो जीरो करा दिया, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि जीरो इनिशियली ए के पास जीरो है, फिर एक और इनपुट लिया, ठीक है, एंटर एन इंटीजर करके बी में टाइप कास्ट करके इंट में फॉर्म में स्टोर कर दिया, बढ़िया। हम कह रहे हैं इफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, अगर ए जो है जीरो या जीरो से कम है तो क्या ए जीरो, ओके यस, ये बी के ऊपर, मतलब ए और बी दोनों के ऊपर खेल है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को दो अलग अलग ए और बी बना के करना, ठीक है। इनिशियली ए क्या है, जीरो के बराबर है, ठीक है, और इनिशियली बी भी क्या है, जीरो के बराबर है। नो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर ए जो है जीरो से, जीरो के बराबर या जीरो से कम हो, तो बराबर दिख रहा है मुझे, तो बी में बी प्लस वन कर दो, तो बी में वन ऐड करो और बी में स्टोर कर दो, तो बी में जीरो है, जीरो में वन ऐड करेंगे वन होगा, ये कट के वन स्टोर हो जाएगा इसमें, तो बी हो गया वन। एल्स में आपको रन करना ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, वो नहीं अभी फिलहाल। फिर एफ में वापस से आ गए, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए भी जीरो से बड़ा होना चाहिए बट ए जीरो से बड़ा नहीं है, बी भी जीरो से बड़ा होना चाहिए पर बी बड़ा नहीं, सॉरी बी तो बड़ा है जीरो से पर ए नहीं है, तो क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ तो दोनों ट्रू चाहिए तो ये नहीं चलेगा, तो एल्स वाला एलिफ वाला चलेगा। एलिफ क्या, देखो ए इज ग्रेटर देन जीरो, क्या ए जीरो से बड़ा है, डेफिनेटली ए जीरो से बड़ा नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इफ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इफ आपको कह रहे, देखो ये तीन ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ये एक ब्लॉक और ये नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, डेफिनेटली बी जीरो से बड़ा है ना, डेफिनेटली बी आपका जीरो से बड़ा है, वन है, तो प्रिंट कर दो वाई को, ठीक है, प्रिंट कर दो वाई को, एल्स प्रिंट कर दो जेड को, तो मुझे दिख रहा है वाई प्रिंट हो जाना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए वाई इसका,
ठीक है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स नहीं है, वाई, जेड, वाई आएगा आंसर इसका. समझ में आया? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाई वुड बी द करेक्ट कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. सो ओनली डब्ल्यू, ओनली एक्स, ओनली वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, ओनली वाई आर, सिर्फ वाई प्रिंट होगा. और इन्होंने पांच ऑप्शन कर दिए चार के बजाय. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पांच ऑप्शन में आपकी टफनेस बढ़ी जाएगी क्वेश्चन की. ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाली ना क्या है, अगर मुझे पास पांच है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली, तो कम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सही होने की, राइट. चलो ये चीज क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े. तो दिस इज व्हाट 22nd का आंसर हो गया, सी दैट इज ओनली वाई इज करेक्ट. ठीक है, तो शुक्र मनाइएगा, मतलब प्रे करिएगा आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना ये मत सोचना अच्छा है, अब बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बढ़िया हमारे पास बहुत सारे आंसर्स के ऑप्शन है, नहीं गलत है ये, गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यार जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो जबकि सही होने की प्रोबेबिलिटी है ना वो कम हो गई. जितने कम ऑप्शंस, दो ऑप्शन अगर है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. ठीक है, भले ही आप उसको भी दो में भी गलत करके आओ वो एक अलग चीज है, बट प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी के गेम में. चलो, सो ओनली वाई इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 22nd. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 23rd इज कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर्स वन फॉर ए एंड वन फॉर बी. ओके, तो ए की वैल्यू भी वन है. ओके, मेरे ख्याल से सेम टाइप का क्वेश्चन है. यस, सेम क्वेश्चन है, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन, मतलब कोड सेगमेंट सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है. तो एक्चुअली इसको जो है केस बेस्ड में उनको दे देना चाहिए था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं. तो ए और बी की वैल्यू तो दे दी, अब ये एक इफ एल्स है, इफ एल इफ है और इफ एल्स है. ठीक है, देखते हैं क्या ए जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर नहीं है, तो ये तो रन नहीं होगा, इसका एल्स पार्ट रन हो जाएगा. मतलब ए में वन ऐड होगा और ए में स्टोर हो जाएगा, तो वन में वन ऐड होगा तो टू हो जाएगा, तो यहाँ टू स्टोर हो जाएगा, राइट. फिर यहाँ पे चेक कर रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए भी बड़ा है जीरो से, बी भी बड़ा है जीरो, ए टू है, बी वन है, दोनों ही बड़े हैं, तो डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा. तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आंसर आ जाएगा. इफ क्योंकि रन हो गया है तो एल एफ का तो रन होने का मतलब ही नहीं बनता, तो एक्स प्रिंट नहीं होगा. नेक्स्ट चेक करते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो प्रिंट वाई, तो अगर बी जीरो से बड़ा है तो बी तो क्योंकि वन है हमारा तो जीरो से डेफिनेटली बड़ा है, तो वाई प्रिंट हो जाएगा, तो हमें वाई देखने को मिलेगा, बट न्यू लाइट में देखने को मिलेगा. अब क्योंकि वाई मतलब एफ चल गया तो एल चलने का मतलब ही नहीं, तो जेड प्रिंट होगा नहीं, तो आंसर आ गया आपका क्या? डब्ल्यू एंड वाई. तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया डब्ल्यू एंड वाई, सही है. चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई है, राइट. वॉट लेटर्स विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर्स वन फॉर ए एंड वन फॉर बी, सेम चीज रिपीटेड है, तो डब्ल्यू और वाई, तो डब्ल्यू और वाई वाला ऑप्शन देखो, डब्ल्यू और वाई वाला ऑप्शन ये है, सो बी इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन. तो अगर मैं कहूँ 23rd का आंसर, तो 23rd का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ. सो बी, डब्ल्यू एंड वाई इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू क्रैक इट, ठीक है, पार्शियली स्टेप बाय स्टेप चल के सॉल्व करना है आपको. चलो आगे बढ़ते हैं. 24th पे विशेष कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट. ओके, सेम कोड है वापस से, ए जो है वापस से आप इनपुट करा रहे हो, ए और बी, ठीक है, पर ए और बी की वैल्यू क्या है वो शायद नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है. व्हाट लेटर्स विल बी प्रिंटेड इफ द यूजर एंटर्स माइनस वन फॉर ए एंड माइनस वन फॉर बी. ओके, ए के लिए भी माइनस वन है, बी के लिए भी माइनस वन है, तो इनिशियली ये भी माइनस वन है और बी भी माइनस वन है. ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट अगेन. यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? इसका ध्यान रखना है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. ठीक है, गड़बड़ मत कर देना. नाउ इफ ए इज ग्रेटर, सॉरी, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, क्या ए वन से छोटा है या फिर बराबर है? डेफिनेटली है, वन से छोटा है ए, सही है, जीरो से छोटा है, वन कह रहा हूँ, जीरो से. क्या ए जीरो से छोटा है? डेफिनेटली ए जीरो से छोटा है, माइनस वन के बराबर है ए, तो जीरो से छोटा है, तो ये चल जाएगा बी इज इक्वल टू बी प्लस वन. तो बी इज इक्वल टू बी प्लस वन मतलब माइनस वन में आप वन को ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा और बी में जीरो स्टोर हो जाएगा, राइट. एल्स वाला पार्ट चलेगा नहीं इसका, ये हो गया अपना. आगे बढ़ो, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या ए जीरो से बड़ा है? नहीं है, बी है पर ए नहीं है, तो डब्ल्यू नहीं चलेगा, एल एफ वाला चलेगा. एल एफ देखो, क्या ए जीरो से बड़ा है? ए जीरो से बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा यार. ठीक है, दोनों ही पार्ट नहीं चलेंगे इसके. नेक्स्ट आ जाओ, इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या बी जीरो से बड़ा है? नहीं है, तो ये पार्ट तो नहीं चलेगा, इसका एल्स चल जाएगा, जेड आ जाएगा आंसर. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा जेड. तो 24th का अगर मैं आंसर कहूँ, तो 24th का आंसर क्या हो गया? 24th का आंसर हो गया जेड. ठीक है, तो ओनली
जेड इज द करेक्ट आंसर. तो ओनली जेड डी में दिख रहा है मुझे. ठीक है, तो सेम कोड पे बेस्ड अलग अलग हम ए बी के इनपुट दे रहे हैं, तो आंसर देखिए क्या आ रहा है. तो इसका आंसर क्या आ गया, डी का आंसर हो गया जेड. सही, 24th का आंसर हो गया डी, दैट इज ओनली जेड. तो डी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, ओनली जेड इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 25th पे. विशेष कंसिडर द फॉलोइंग कोड. ओके, सेम ही कोड है. ओके, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए था, ये केस बेस्ड क्वेश्चन बनाने के बजाय एमसीक्यू बना दिया. चलो कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम. चलिए, तो ए और बी वापस से, बट इनपुट क्या ले रहे हैं वो देखिए. वन और जीरो, ए के लिए वन और बी के लिए जीरो. ठीक है, ए के लिए वन और बी के लिए जीरो हम इनपुट कर रहे हैं. ए के लिए वन और बी के लिए जीरो. ठीक है, तो वापस से चेक करते हैं, क्या ए जीरो से छोटा है. ठीक है, क्या ए जीरो से छोटा है या बराबर है. नहीं है यार, है ना, अगेन ये सेगमेंट को ध्यान रखना. ठीक है, क्या ए जीरो से छोटा है या बराबर है. जीरो से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो ये नहीं चलेगा. एल्स पार्ट चल जाएगा, मतलब ए में वन ऐड हो जाएगा, तो ये वन ऐड होके टू बन जाएगा और ए में स्टोर हो जाएगा. राइट, फिर हम चेक कर रहे हैं इस वाले पार्ट को. इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए तो बड़ा है वन से, सॉरी जीरो से, पर बी नहीं है, तो इसका प्रिंट डब्ल्यू तो नहीं होगा. पर ए बड़ा है क्या जीरो से, डेफिनेटली ए बड़ा है, तो एक्स जरूर प्रिंट हो जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा पहला तो एक्स. आगे देखिए, ये हो गया रन. नेक्स्ट इज इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो बी क्या जीरो से बड़ा है, नहीं है, तो वाई नहीं होगा, जेड प्रिंट हो जाएगा, तो जेड चल जाएगा, तो एक्स जेड आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स और जेड. तो 25th का आंसर इज एक्स एंड जेड. तो एक्स एंड जेड मुझे यहां दिख रहा है डी में, तो इसका सही आंसर क्या होगा 25th का, डी, दैट इज एक्स एंड जेड इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया. आगे बढ़े 26th क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन चेंज हो गया. ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड. अगेन वही सेम कोड दे रखा है और आउटपुट पूछ रहे क्या होगा. तो हमने एक स्ट्रिंग बना रखी है str1 हेलो. ठीक है, तो हेलो करके एक स्ट्रिंग बनी हुई है जिसको हम रेफरेंस किससे कर रहे हैं, str1 से कर रहे हैं. ठीक है, नो c इज इक्वल टू 0, c जो है 0 के बराबर है. ठीक है, नो फॉर x इन str1, तो x इन str1 मतलब हम एक एक कैरेक्टर पे जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू सर्च कर रहे हैं. फॉर x इन str1 इफ x इज नॉट इक्वल टू l एक्चुअली, तो अगर x l के बराबर नहीं है तो c में 1 ऐड कर दो. ठीक है, l इफ l जो है पास कर दो, लास्ट में c को प्रिंट कर दो. तो हम h पे गए पहले, पहले हम h पे गए, तो h पे हमने देखा कि क्या वो l के नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू बोला है, नॉट इक्वल टू ट्रू हो जाएगा तो सी बढ़ जाएगा आगे, तो ये जीरो से वन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जीरो में वन ऐड करोगे तो वन होगा ना, वन ही स्टोर हो जाएगा. फिर आप एच से ई पे चलोगे, तो अगेन ई भी जो है एल के बराबर नहीं दिख रहा है, तो नॉट इक्वल टू है, तो फिर से आगे बढ़ जाएगा, तो ये टू हो जाएगा. फिर आप आगे बढ़ोगे, अब आप एल देखोगे, क्योंकि वो एल के बराबर है तो इक्वल हो गया, तो ये नहीं चलेगा. एल्स में आ जाओगे, पास हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट में आ जाओगे एल. ठीक है, फिर से एल के बराबर हो, ये नहीं चलेगा. एल्स में वापस आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, तो ये भी नहीं चलेगा. ओ में आ गए आप. ठीक है, तो अब स्ट्रिंग में लास्ट में ओ में पहुंच गए, तो क्या एल के बराबर है, नहीं है, एल के बराबर नहीं है डेफिनेटली, तो सी में एक ऐड होकर बढ़ जाएगा आगे, तो ये टू के बजाय थ्री हो जाएगा. ठीक है, फिर एल्स करके पास हो जाओगे, और फाइनली लास्ट स्ट्रिंग पे, क्योंकि आप पहुंच चुके हो, लास्ट कैरेक्टर पे, सॉरी आप पहुंच चुके हो, तो अब आप इससे बाहर आ जाओगे लूप से और प्रिंट सी करोगे, तो प्रिंट सी क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा आंसर यार. राइट, तो क्या जाएगा आंसर, थ्री आंसर आ जाएगा. समझ में आया, दैट इज करेक्ट, क्लियर है भाई, सी कैसा आया, थ्री. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 27th पे. विशेष ओके, एक नया कोड, ए जो है 5 के बराबर है. ठीक है, तो एक 5 वैल्यू है जिसको हम रेफरेंस किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं. नो इफ ए, तो अगर कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ है, मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर यहां पे जो भी कंडीशन में लिखा हुआ है वो एक नंबर है अदर देन जीरो, भले वो नेगेटिव हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, या पॉजिटिव नंबर हो, इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर हो, इसको ट्रू काउंट किया जाता है. तो क्योंकि इसको ट्रू काउंट किया जाएगा तो डेफिनेटली ये रन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज नॉन जीरो. तो देखो सेंस भी बन रहा है, नॉन जीरो को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज नॉन जीरो इज द करेक्ट आंसर. एल्स वाला रन होगा नहीं, ट्रू वाला रन हो जाएगा एक इफ वाला, इफ के अंदर जो है. तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा डी, दैट इज ए इज नॉन जीरो. सही है, क्लियर है, समझ में आया, चलो बढ़िया आगे बढ़े 28th पे. 28th देखते हैं, द डैश क्लॉज कैन अकर
विद एन इफ एज वेल एज विद लूप्स. ओके, इफ के साथ भी लिख सकते हैं, लूप्स के साथ भी लिख सकते हैं. क्या होता है? एल्स होता है ना, राइट? दैट इज करेक्ट. एल्स इज करेक्ट. ब्रेक नहीं यार, कंटिन्यू नहीं, नन नहीं. ठीक है, ये लिख के एक्चुअली गलत है. ब्रेक हम यूज कर सकते हैं, बट बी आर ई ए के ई नहीं होता कुछ भी. सी ओ एन टी आई एन एन यू ई नहीं हो सकता, राइट? तो कंटिन्यू नहीं, नहीं, ब्रेक ही नहीं. क्या होगा? एल्स होगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ए, दैट इज एल्स. सो एल्स इज यूज्ड. तो यार बहुत बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता कि हम लूप्स के साथ भी एल्स यूज कर सकते हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन की स्पेशलिटी है, हर लैंग्वेज की नहीं है. पाइथन की स्पेशलिटी है कि आप लूप्स के साथ एल्स यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिर्फ इफ के साथ एल्स नहीं, लूप्स के साथ भी एल्स यूज कर सकते हो पाइथन में. तो एल्स हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्लॉज जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, पास हो गया. ब्रेक कंटिन्यू का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ब्रेक कंटिन्यू तो लूप में ही यूज होता है स्पेसिफिकली. पर पास हो गया, पास जो इफ और लूप्स दोनों में चलता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वो तो चलो ठीक है, वो तो चलता है, पर एल्स नहीं समझ में आता. एल्स ध्यान रखना. ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ए, दैट इज एल्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29th पे. द डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल लूप. तो होल लूप का एग्जीक्यूशन कौन ब्रेक कर देता है? तो ब्रेक कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कर देता है. तो ब्रेक और कंटिन्यू में यही तो डिफरेंस यार. कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू अगर बीच में कहीं पर भी इनकाउंटर हो, सपोज ये कोई भी कंडीशन लिखी है फॉर आई इन पर्टिकुलर लिस्ट. ठीक है, यहां बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके, और यहां पे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है. अगर यहां ब्रेक आया, किसी भी तरीके से ब्रेक आया, तो भले ही आप इस इटरेशन पे हो, मतलब आप यहां पर हो, तब भी कोड से बाहर, मतलब इस फॉर से बाहर आ जाओगे, पूरे कंडीशन पूरे लूप से बाहर आ जाओगे. पर अगर यहां ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखा होता, तो कंटिन्यू का क्या मतलब होता है यार? कंटिन्यू का मतलब होता है कि आगे के जो भी स्टेटमेंट्स है वो आप एग्जीक्यूट मत करो, पर इसको आगे बढ़ा दो, तो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, अब फिर आगे बढ़ो. ये होता है कंटिन्यू का मतलब. समझ में आया? तो ब्रेक और कंटिन्यू समझ के रखिएगा हमेशा. तो अगर मैं अभी फिलहाल पूछूं, तो फिलहाल के देखो, डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल लूप. तो पूरे लूप का टर्मिनेशन एग्जिट करने का काम कौन करता है? ब्रेक करता है. ठीक है, बी आर ई ए के ई कुछ नहीं होता, एग्जिट इज नथिंग, कंटिन्यू इज यू नो व्हाट इज दैट, डिफरेंट है. ठीक है, तो ब्रेक इज द करेक्ट आंसर, जो मैंने आपको बताया अभी कि कंटिन्यू अलग कैसे. तो ब्रेक इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 29th के बाद 30th. द डैश ऑपरेटर टेस्ट्स इफ अ गिवन वैल्यू इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस और नॉट. एक पर्टिकुलर चीज किसी सीक्वेंस के अंदर है कि नहीं, उसके लिए आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते, दैट इज इन. ठीक है, टेस्ट इफ अ गिवन वैल्यू इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस और नॉट. तो एक सीक्वेंस के अंदर है कि नहीं, वो आप इन का यूज करते हो. नॉट इन का यूज करते हो जब नहीं है कि नहीं, इसका आंसर चाहिए. ठीक है, सो एक्चुअली इन आ जाएगा सही आंसर, सही स्टेटमेंट जो है स्मॉल आई एन. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. सो द इन ऑपरेटर टेस्ट इफ अ गिवन वैल्यू इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस और नॉट. ठीक है, तो ये ट्रू तब देगा जब इन. एक्चुअली इसका मैं कहूं तो आंसर डायलेमा में है, नॉट इन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो नॉट इन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं कह सकता हूं कि ऑपरेटर इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस और नॉट. तो सीक्वेंस में है कि नहीं, तो सीक्वेंस इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस अगर होता तो इन होता सिर्फ, पर और नॉट लिखा हुआ है तो और नॉट तो नहीं आता. ठीक है, बट क्योंकि और नॉट लास्ट में लिखा हुआ है, सो आई विल से कि चलो सीक्वेंस को कंसीडर कर लो, बट क्योंकि और नॉट लिखा हुआ था, नॉट इन और इन दोनों आंसर आ जाएगा, क्योंकि तो ट्रू फॉल्स आंसर करता है ना. मतलब सपोज मैंने कहा टू इन 1 2 3 4, तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि टू है उसके अंदर. ठीक है, पर इसी की जगह अगर मैंने लिखा होता 5 in this, तो डेफिनेटली आंसर फॉल्स आता. तो ये आंसर ट्रू फॉल्स कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इसके अंदर है या नहीं, है ना. वो ये नहीं कह रहा कि मैंने 5 लिखा है तो इसका आंसर आ रहा है नॉट, ये इसके अंदर नहीं है. ठीक है, 2 लिखा होता तो मेरा आंसर आ रहा है कि है, ये नहीं लिखा रहा है, क्या आ रहा है. ठीक है, तो ये एक्चुअली आप इस सेंस में भी ले सकते हो, हाँ, कि अगर सपोज ये नहीं है, मतलब 5 है ना, 5 अगर है इसके अंदर तो फॉल्स आंसर आ रहा है, तो ये भी बता रहा है कि नहीं है इसके अंदर, तो ये भी सही बात है. ठीक है, तो एक्चुअली आप इस चीज को जज कर सकते हो कि क्या चीज पहले आ रही है. इन आ कंटेंट इन आ, मतलब पहले अगर होने की बात आ रही है तो आप इन लिखोगे, और नहीं होने की बात आ रही है तो नॉट इन लिखोगे. ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉट इन लिख दूं, ठीक है, 5 नॉट इन दिस, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले फॉल्स आएगा. ठीक है, मतलब चेक करने के लिए पहले वो आएगा, सॉरी पहले आंसर ट्रू इसका ये आएगा कि नहीं है, और अगर आप 2 चेक कर दोगे
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, तो ट्रू क्योंकि है सही। तो अगर मैं अभी फिलहाल कहूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इन, ठीक है, सो इन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सही है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं 31st पे, विच सेज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इसका देखते हैं आउटपुट क्या है। फॉर ये क्या है, आई डोंट नो एल है कि आई है, एल आई गेस, फॉर एल इन रेंज 3, ठीक है, फॉर एल इन रेंज 3, तो रेंज से 3 से क्या बन जाएगा 0 1 2, ठीक है, सो फॉर एल इन रेंज 3 मतलब एक एक करके एल पे हम जा रहे हैं, ठीक है, इफ एल इज इक्वल टू 2, अगर एल 2 के बराबर है तो कंटिन्यू करना है, ठीक है, पर क्योंकि एल जैसे 2 होगा तो आप कंटिन्यू क्या करोगे, आगे मतलब खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, तो एक्चुअली इसको पास भी लिख सकते थे, कोई मतलब नहीं कंटिन्यू का यहां पे। एल्स प्रिंट आई इज इक्वल टू, सॉरी एल्स प्रिंट आई और एंड कर देना स्पेस से, है ना, और एल्स फॉर के बाद एल्स में हेयर प्रिंट करना है, तो ये हेयर तो हमेशा प्रिंट होगा क्योंकि ब्रेक नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक में आप लूप से सीधे बाहर आते हो तो क्या होता है, ब्रेक में ये एल्स रन नहीं होता, बट यहां पे होगा फिलहाल रन, ठीक है, तो एल जीरो, जीरो क्योंकि टू के बराबर नहीं है तो आई प्रिंट होगा, वन भी नहीं है, वन भी क्योंकि टू के बराबर नहीं है फिर से आई प्रिंट होगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, हेयर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं तो सही आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन में सही आंसर आ जाएगा आपका आई आई हेयर, सो आई आई हेयर इज बी ऑप्शन, समझ में आया, आई आई हेयर इज बी ऑप्शन, तो सही आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज आई आई हेयर, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट इज 32nd क्वेश्चन, विच सेज पी प्लस क्यू इफ 12 डॉट इज डिजिट, ओके इज डिजिट में आई थिंक सो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, नाउ व्हाट इज इन इज डिजिट, एक्चुअली अभी हमने पढ़ नहीं रखा है ना इज डिजिट के बारे में, ठीक है, इज डिजिट एक्चुअली में स्ट्रिंग का एक ऑपरेट मतलब एक फंक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, ओके एक्चुअली आप 12th में ना हो, आपने तो पढ़ रखा है राइट, आपने तो पढ़ रखा है, सो स्ट्रिंग का एक ऑपरेशन होता है जिसमें आप डालते हो जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है उसमें डालते हो इज डिजिट, तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ये ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू रिटर्न करता है अगर सारी वैल्यूज नंबर्स हैं, ठीक है, फॉल्स रिटर्न करता है अगर नहीं है, नॉट नंबर्स, समझ में आया, ट्रू रिटर्न करता है अगर नंबर्स हैं, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं तो इस डिजिट स्ट्रिंग का है, तो स्ट्रिंग हमने 12 के फॉर्म में इस डिजिट में पास करी है, ठीक है, और ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट है जिसमें हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो एग्जीक्यूट करना है, फिर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखी हुई है, फिर एल्स वाला ब्लॉक लिखते हैं आर प्लस एस, ठीक है, नाउ 12 डॉट इज डिजिट, तो व्हाट वी आर चेकिंग इज कि अगर ये डिजिट है कि नहीं, 12 डिजिट है कि नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं, तो अगर एक स्ट्रिंग में सारा जो भी कैरेक्टर है वो डिजिट है तो ये कंडीशन ट्रू है, ये जो कंडीशन ट्रू है तो ये रन होता है, ठीक है, अगर नहीं है तो ये रन होता है आर प्लस एस, ठीक है, अब क्योंकि कंकैटिनेशन है तो P और Q को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो PQ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है, ट्रू क्योंकि डिजिट है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, A आंसर हो जाएगा, दैट इज PQ, समझ में आया। तो इसमें दो चीजें एक साथ पूछ ली गई हैं, एक तो शॉर्ट हैंड इफ एल्स का कंसेप्ट, कि क्या आपको शॉर्ट हैंड इफ एल्स का कंसेप्ट आता है, तो सिंटेक्स ध्यान रखना, पहले स्टेटमेंट फिर इफ वाला आपका पार्ट लगेगा, इसको एक्चुअली मैं हाईलाइट करता हूं तो बेटर समझ में आएगा, तो इफ आगे बीच में, फिर एल्स आगे यहां पे, और इसके पहले क्या आ जाता है आपका, तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ये आ गया आपका स्टेटमेंट, और ये आ गया आपका स्टेटमेंट, ये एल्स वाला स्टेटमेंट है राइट, और ये इफ, ठीक है, और ये जो बीच में लिखा हुआ है ना, ये कंडीशन है, बीच में जो लिखा हुआ है कंडीशन है, तो आपने इफ के साथ कंडीशन डाला कि कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो एल्स में ये एग्जीक्यूट कर दो, समझ में आया, तो दिस इज व्हाट हैपेंस, सो क्योंकि ये है डिजिट, अब इस डिजिट क्या करता है, चेक करता है कि एक स्ट्रिंग डिजिट है कि नहीं उसके सारे कैरेक्टर्स, तो 12 के साइड कैरेक्टर्स क्योंकि डिजिट है तो ट्रू हो गया, तो पी प्लस क्यू कंकैटिनेशन है, तो पी क्यू को कंकैटिनेट करोगे तो पी क्यू बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज पी क्यू इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 33rd क्वेश्चन पे, नाउ व्हाट वैल्यूज आर जनरेटेड व्हेन द फंक्शन 6 0 -2 इज एग्जीक्यूटेड, तो रेंज में आप पास करो 6 0 -2,
ठीक है। तो जैसे आप लोग को पता है कि आप रेंज फंक्शन में नेगेटिव वैल्यूज भी पास कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, अंटिल एंड अनलेस वो वैलिड है। ठीक है, कैसे वैलिड है? जैसे सिक्स है, ठीक है, अब सिक्स में सिक्स से स्टार्ट करना है, सिक्स से स्टार्ट करना है, जीरो पे जाकर रुकना है, और टू का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मतलब इसमें हमेशा ऐड किया जाता है। तो सिक्स में माइनस टू को ऐड करूंगा तो माइनस फोर आएगा, सॉरी सिक्स में टू को ऐड करूंगा तो फोर आएगा, सिक्स फोर में टू को ऐड करूंगा मतलब माइनस टू को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, टू आएगा, टू में माइनस टू को ऐड करूंगा तो जीरो आएगा, तो जीरो तक पहुंच जाएगा बट जीरो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये आ जाएगा। तो जब तक ये चीज हो सकती है ना, तब तक नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड। तो सिक्स फोर टू आंसर आ जाएगा, तो सी वुड बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो सी इज द करेक्ट आंसर, 642 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप रेंज फंक्शन को यूज करते हो। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है, इसको इंक्रीमेंट इसमें ऐड करते चलना है, भले ही पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, भले ही ये पॉजिटिव है नेगेटिव, आप इसको ऐड करते चलो इसमें। और कब तक करना है? जब तक आप एंड में नहीं पहुंच जाते। तो अभी 33rd का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 642। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़े। 33rd के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास 34th क्वेश्चन, विच सेज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड। तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी एम और एन की आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो चेक करिएगा यार, देखो ये भी अगेन अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो एम 3 है, ठीक है, तो एम की वैल्यू 3 है, रेफरेंस कर दिया एम को इसमें, ठीक है, एम की वैल्यू 3 है ना। फॉर एन इन रेंज 272, ठीक है ना, 272 मींस 2 से शुरुआत करनी है, दो दो का इंक्रीमेंट करना है 7 तक, ठीक है। सो 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 6, और 6 के बाद आ जाएगा आपका 8, जो 7 से बड़ा है, तो ये नहीं चलेगा। तो 246 आ गया, ठीक है। सो फॉर n इन रेंज 246, तो n सबसे पहले आपको क्या करेगा, n सबसे पहले पॉइंट करेगा आपका 2 को, ठीक है। n 2 को पॉइंट करेगा, क्या होगा, n को आप चेंज कर रहे हो m के साथ, ठीक है, तो n में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो m को। So, n क्या है अभी इनिशियली, n आपका 2 है, ठीक है, m 3 है। अब आप क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, n star is equals to m, इसका मतलब है n is equals to n star m, right? n में आप m को मल्टीप्लाई कर रहे हो, n में स्टोर कर रहे हो। तो अब n को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, तो 6 आ जाएगा और n में 6 स्टोर हो जाएगा। तो n में क्या स्टोर हो जाएगा भाई, n में 6 स्टोर हो जाएगा एक लूप के बाद। फिर n को वापस से चेंज करेंगे, n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n में 1 माइनस करेंगे और n में स्टोर करेंगे, तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, अब n जैसे यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, अब इसके बाद वापस से ट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो n अब क्या करने लगेगा, n आपका पॉइंट करने लगेगा किसको, 4 को। तो अब ये n चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, राइट। अब आप 4 में यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ये फिर 6 को पॉइंट करेगा तो ये n 6 बन जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो आप, जैसे ये 6 जाएगा तो ये जो है 4 जो है 6 बन जाएगा, ठीक है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर आके 6 बन जाएगा। और फाइनली अब जब 6 पे है तब हमें देखना है यार ये, तो 6 को हमें क्या करना है, n को हमें m से मल्टीप्लाई करना है, राइट, n को हमें m से मल्टीप्लाई करना है। सो 6 3 से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 में आप क्या करोगे, ये 18 बन जाएगा, 18 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 17 आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 17, m की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो n की वैल्यू इज 17, क्या पूछ रहे, m और n की वैल्यू पूछ रहे, तो m इज 3 और n इज 17, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट। समझ में आया? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा b, दैट इज 3 and 17। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको ये देखना था कि n की वैल्यू चेंज तो हो रही है पर फाइनली डिपेंडेंट किस पे है, जो इटरेट कर रहा है, राइट। चलो तो ये था 34th, आगे बढ़ता है 35th क्वेश्चन पे, विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप इन पाइथन। क्या इनमें से एक वैलिड लूप नहीं है, फॉर व्हाइल डू व्हाइल, डू व्हाइल नहीं होता यार पाइथन में, डू व्हाइल करके कोई लूप नहीं होता, ठीक है। सो 35, बल्कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप मतलब मॉडिफाई करके डू वाइल के ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो, बट डू वाइल करके कोई स्पेसिफिक लूप नहीं है, सिर्फ फॉर और वाइल ही है। तो 35th का आंसर हो गया सी, डू वाइल इज नॉट अ वैलिड लूप इन पाइथन, ठीक है। 36th क्वेश्चन सेज द टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर डैश एंड डैश। सो इनमें से क्या क्या एक मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, ठीक है, इन नॉट इन, ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू नन। तो एक्चुअली यार इन और नॉट इन, ठीक है, इन और नॉट इन क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो चेक करने के काम आते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई आइटम है कि नहीं, ये चेक करने का काम आता है इन नॉट इन का सीक्वेंस में, राइट। तो सही आंसर क्या हो गया, 36 का ए हो गया, दैट इज इन नॉट इन।
समझ में आया मेंबरशिप चेक करने के लिए. आगे देखो 37th, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड. तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए क्या कहलाता है, कहलाता है भाई आपका फ्लो ऑफ डेटा नहीं, बार चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट. ठीक है, जो मैंने हर बार आपको दिखाया है, ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया ना कि कैसे एक तरीके से एक चीजें फ्लो करती है, एक एल्गोरिथम कैसे फ्लो होता है, तो वो चीज मैंने आपको दिखाया, तो वो होता है आपका फ्लो चार्ट. तो सही क्या हो गया इसका आंसर, 37th का हो गया फ्लो चार्ट. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं 38th पे. विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स विल टर्मिनेट द होल लूप एंड प्रोसीड टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द होल लूप एंड प्रोसीड टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप. ओके भाई, बहुत ध्यान समझना, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स विल टर्मिनेट द होल लूप एंड प्रोसीड टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप. सपोज मैंने फॉर लिखा हुआ है, फॉर एक्स इन, सपोज कोई सीक्वेंस है ना. अब यहां कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, यहां पर कुछ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इनमें से कुछ, फिर आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है. अब इन ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है जो पूरे लूप को क्या कर जाएगा, एग्जिट कर देगा, और जो लूप फॉलोइंग है स्टेटमेंट, लूप के जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये पूछना चाह रहा है. ये नहीं कह रहा है कि इसके जस्ट बाद वाली चीजों को मिस कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं कह रहा है. लूप को टर्मिनेट करने के लिए कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स विल टर्मिनेट द होल लूप. टर्मिनेट द होल लूप मतलब लूप से बाहर आ रहे हो आप एंड प्रोसीड टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, फॉलोइंग द लूप पे जा रहे हो आप. तो क्या होता है वो, यू वेरी वेल नो ब्रेक, राइट, ब्रेक का काम है ये. तो 38th का आंसर क्या हो गया, बी ब्रेक इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था मतलब. नेक्स्ट इज 39th, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन सी. तो या तो ए बड़ा है बी से, ठीक है, या तो ए बड़ा है बी से, या तो का मतलब है कि आपको और से दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है. तो दो स्टेटमेंट एक दिख रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन सी, इन दोनों को किससे जोड़ना है आपको, और से जोड़ना है. देख लो यार, ए इज ग्रेटर देन बी, यस, और ए इज लेस देन सी, दिस इज करेक्ट. समझ में आया, दिस इज करेक्ट. तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया ए, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन सी. सही, अच्छा था. नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन, फंक्शन रेंज 3 इज इक्विवेलेंट टू. तो फंक्शन आपने बनाया है रेंज 3 इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके बराबर है भाई, तो इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दो यार. ठीक है, अब आपको पता है फंक्शन में, सॉरी रेंज फंक्शन में तीन चीजें जाती हैं, क्या, स्टार्ट, स्टॉप और गैप. स्टार्ट, स्टॉप और गैप ही तो जाता है, जिसमें ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट होता है. तो सबसे पहले जो भी आप पास करते हो वो क्या होता है, वो 3 होता है. ठीक है, मतलब एक वैल्यू पास करोगे तो वो 3 है. अब तीनों वैल्यूज पास करोगे तो आप स्टार्ट, स्टॉप और गैप ऐसे लोगे. तो इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज बता दो, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है. तो अगर 0, 0, 3 और 1 मैंने पास किया तो बिल्कुल सेम वैल्यू है. तो रेंज 0, 3, 1 दिख रहा है, दिख रहा है मुझे, बी दिख रहा है. तो आंसर भी क्या हो गया, बी ही हो गया, 0, 3, 1. तो 40th क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, दैट इज रेंज 0, 3, 1, दैट इज करेक्ट. समझ में आया, लेट्स सी. ओके, देख ही चुके आंसर तो बी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45th पे. विशेष नेम इज रोहित एंड एज इज इन बिटवीन 18 एंड 35. तो नाम है रोहित और एज है 18 से लेकर 35 के बीच में, एंड से जुड़ा हुआ है. ठीक है, कंडीशन बतानी है मोस्ट प्रोबेबली. तो नेम तो रोहित है, सो नेम तो रोहित है. राइट, नेम तो रोहित है, ऑल दो स्ट्रिंग फॉर्म में आनी चाहिए, बट यहाँ स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है. तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं यार, आई थिंक उन्होंने मिस कर दिया. सो नेम इज रोहित एंड एज इज इन बिटवीन, एंड एज इज इन बिटवीन 18 एंड 35. ठीक है, तो एज जो है 18 और 35 के बीच में, मतलब 18 से बड़ी एज. सो एंड एज इज ग्रेटर देन 18 एंड वॉट, लेस देन 35 एंड एज इज लेस देन 35. ठीक है, देखो क्या होगा, नेम इज रोहित, एज एंड, ठीक है, एंड देखना, एंड और एंड, तो लास्ट के तो दो हो नहीं सकते, पहला ही हो सकता है. नेम इज इक्वल टू रोहित एंड एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज ग्रेटर देन सॉरी एंड एज इज लेस देन 35, और इक्वल्स टू भी लगाओ क्योंकि बिटवीन है तो इंक्लूड कर रहे होंगे शायद. ठीक है, तो ये सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. राइट, ए इज द करेक्ट आंसर. देखो ए इज द करेक्ट आंसर. तो इन्होंने बाई चांस आई थिंक सो मिस कर दिया ये. ठीक है, आपको ये इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने चाहिए. ठीक है, तो कायदे से तो आंसर नन हो जाएगा, तो ध्यान रखना यार थोड़ी बहुत,
आपको मतलब टैकल करना पड़ेगा इन सिचुएशंस को, ठीक है, लॉजिकली कि हो सकता है वो एक्चुअली बनाने वाले पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड कर जाता है काफ़ी हद तक। चलो सही है, आगे बढ़े। 42 फंक्शन रेंज 3 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, तो ये क्या यील्ड करेगा ये बताओ, इटरेबल सीक्वेंस, जैसे कि ये क्या करता है 0, 1, 2 यील्ड करता है ना, मतलब रेंज फंक्शन क्या करता है इसमें बाय डिफॉल्ट रेंज में आपकी वैल्यूज होती हैं 0, 0 जो भी आपने डाल रखा है 3 और 1, मतलब 0 से स्टार्ट करो 3 तक जाओ 1, 1 का गैप रखो, 0 से स्टार्ट करो 1 का गैप 1, मतलब 1 ऐड कर दो पुराने वाले में, ठीक है, फिर 1+1 = 2 और 2+1 = 3, 3 जैसे पहुंचोगे जो लास्ट नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज कर दोगे, सो 0, 1, 2 आंसर आ जाएगा, तो 0, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर, 0, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया आपका ए, दैट इज 0, 1, 2, सही है। चलो बढ़िया, आगे बढ़े, 43 पे चलते हैं। द फंक्शन रेंज 0, 5, 2 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, तो 0, 5, 2 के यील्ड करेगा, देखो वही चीज, 0 से शुरुआत करनी है, ठीक है, 2-2 के गैप में 5 तक जाना है, तो 0+2 विल बी 2, 2+2 विल बी 4, 4+2 विल बी 6, अब क्योंकि 5 से बड़ा हो गया तो यहीं क्लोज हो जाएगा, तो आंसर आ गया 0, 2, 4, तो 0, 2, 4 सी दिख रहा है यार मुझे, समझ में आया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, दैट इज 0, 2, 4, सही है। नेक्स्ट इज डोनेशन इन द रेंज 4 to 5,000 और गेस्ट इज इक्वल टू 1, ओके, फिर से कंडीशन लिखनी आई गेस, तो डोनेशन जो है 4 से 5,000 के बीच में और गेस्ट 1 है, ठीक है, और सबसे पहले आपको मेरे ख्याल से यही रन कराना है, ठीक है, तो देखते हैं यार, डोनेशन इज ग्रेटर देन 4,000, डोनेशन 4,000 से बड़ा है एंड, ओके नहीं, क्योंकि यहां पे इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, तो पहले ये इक्वेट हो जाएगा, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, पहले आपको करना है कि यार 4,000 से 5,000 के बीच में ले आओ, ठीक है, तो एक्चुअली में ये सही लग रहा है मुझे, 4,000 से ज़्यादा है, 5,000 से कम है, डोनेशन एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब डोनेशन 4,000 से ज़्यादा भी होना चाहिए, 5,000 से कम भी होना चाहिए, तो वो 4,000-5,000 के बीच में आ जाएगा और गेस्ट 1 के बराबर होना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डोनेशन और नहीं चाहिए यार मुझे, ठीक है, सो डोनेशन इज ग्रेटर देन 4,000 एंड, ओके, इसमें शायद मेरे ख्याल से ब्रैकेट कंप्लीट नहीं कर रखा है यहाँ पे, ये तो एरर ही दे देगा, ठीक है, तो सही आंसर मुझे दिख रहा है बी, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, देखो बी ही आंसर है, समझ में आया, सो 44th का क्या आंसर आ गया, बी आ गया। आगे बढ़े, 45th पे चलते हैं, फंक्शन रेंज 10, 5, 2 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, तो 10, 5, 2, ठीक है, 10, 5, 2 मतलब 10 से शुरुआत करनी है 2 तक, सॉरी 10 से शुरुआत करनी 5 तक जाना है और 2 ऐड करते रहना है, ठीक है, तो जब भी आप ऐसा करोगे तो 2 के बाद फिर आ जाएगा 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, पर एक्चुअली में सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या 5 अचीवेबल है, क्या 5 तक पहुंच सकते हो, इस तरीके से अगर आप चलोगे तो, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो कभी 5 तक पहुंच ही नहीं सकते, तो जब आप 5 तक पहुंच नहीं सकते हो तो एक्चुअली में होगा क्या, आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती है यार, ठीक है, एक्चुअली एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं, एम्प्टी लिस्ट बन जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं यार, 46 फंक्शन रेंज ऑफ दिस विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस लाइक, 10 से शुरुआत करनी है 5 तक जाना है -2 ऐड करते चलना है, तो 10 से शुरुआत करी -2 ऐड किया 8 आ गया, -2 ऐड किया 6 आ गया, -2 ऐड किया 4 आ गया, -2 ऐड किया 2 आ गया, भाई रुक जाओ जरा, देख भी तो लो कहां तक जाना है, 5 तक जाना था, आप 4 पे पहुंच गए, यहीं पे क्लोज हो जाएगा ना यार, 10, 8, 6, सो 10, 8, 6 दिख रहा है, 10, 8, 6 डी में दिख रहा है मुझे, तो मैंने एक्चुअली -2 ऐड करते चला गया, मुझे मिल गया 10, 8, 6, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 46 का, डी हो गया, दैट इज 10, 8, 6, समझ में आया। चलो बढ़िया, आगे बढ़े, नेक्स्ट इज 47th, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है, इफ एलिफ एल्स आर नॉट कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या इफ एलिफ एल्स कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होता है यार, गलत है ये, ठीक है, गलत है ये, एल्स इफ कैन बी यूज इन पाइथन, गलत है यार, एल्स इफ नहीं, एलिफ यूज कर सकते हो आप, इंडेंटेशन वाइल वर्किंग विद ब्लॉक्स इज नॉट नेसेसरी इन पाइथन, गलत है, ब्लॉक्स काम कर रहे हो तो इंडेंटेशन तो चाहिए ही, अ पास स्टेटमेंट इज अ नल ऑपरेशन, इट डज नथिंग, यस दिस इज करेक्ट, वो सिर्फ वहां रहने के लिए होता है, नल ऑपरेशन होता है वो, तो यहां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, 4th दिख रहा है मुझे,
ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया? इफ एल इफ एल्स आर नॉट कंपाउंड स्टेटमेंट, भाई इन्हीं को तो कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं. और किसको कहते हैं? Else if can be used in Python. Else space if नहीं, L if use कर सकते हो. Indentation while working with blocks is not necessary in Python. भाई अब blocks को Python में represent ही indentation से कहते हो. यहाँ curly braces नहीं चलते, indentation ही चाहिए. A pass statement is a null operation. It does nothing. Yes, this is true. Null operation है, वो कुछ नहीं करता है. सिर्फ वहाँ पे रहने का काम करता है. That's all. ठीक है, that is not included in a work. So सही आंसर क्या हो गया? D, that is fourth. ठीक है, तो फोर्थ ही सही है. मैंने गलती से मार्क कर रखा था, तो इस वजह से उसी के ऊपर. नेक्स्ट इज 48 व्हिच सेज द सिंटैक्स ऑफ, सॉरी द सिंटैक्स फॉर शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट इज. सो शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स है? तो काफी सारी चीजें मैसअप करके दे रखी है यहाँ पे. ठीक है, उन्हें देखते हैं. चलो, एल्स फिर स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स. ओके, आई थिंक सो इन्होंने शायद गलत कुछ लिख दिया. ओके, ये लिखा स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स, स्टेटमेंट व्हेन ट्रू और इफ ऑफ ए कंडीशन. ऐसा तो नहीं होता यार, गलत है. ठीक है, तो एक्चुअली मैं सबसे पहले आता, देखो मुझे यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो इसी में पहले ऑप्शन से सेगमेंट बाइफरकेट करता हूँ, क्या क्या है उसको रीअरेंज करेंगे. ठीक है, तो एल्स दिख रहा है मुझे, फिर स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स दिख रहा है, स्टेटमेंट व्हेन ट्रू दिख रहा है, इफ दिख रहा है और कंडीशन दिख रही है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? एक्चुअली में स्टेटमेंट व्हेन ट्रू आना चाहिए. तो जब एक्चुअली स्टेटमेंट जो ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट रन कर जाता है वो आना चाहिए. तो स्टेटमेंट व्हेन ट्रू आना चाहिए सबसे पहले. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंडीशन, दैट इज इफ. फिर आता है इफ और फिर आता है उसके आगे कंडीशन. ठीक है, फिर हम रन करते हैं एल्स. ठीक है, फिर हम रन करते हैं एल्स और फिर डालते हैं स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स. राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी. राइट, स्टेटमेंट व्हेन ट्रू इफ कंडीशन, एल्स स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स. स्टेटमेंट व्हेन ट्रू इफ कंडीशन, एल्स स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स. बाकी के देख लो, एल्स स्टेटमेंट व्हेन फॉल्स, कंडीशन स्टेटमेंट व्हेन ट्रू, इफ गलत है. स्टेटमेंट व्हेन ट्रू ये फिर भी सही लग रहा है, इफ बट एल्स पहले आ गया फिर गलत कर दिया उन्होंने. ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए इसका? बी आंसर होना चाहिए. समझ में आया? देखते हैं क्या आंसर है. इसको यहाँ से हटा देता हूँ बस. ठीक है, तो लेट्स सी. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया 48th का आंसर? चलो नेक्स्ट चलते हैं 49th पे. कंसिडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज -5 प्रिंट आई, हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप रन, कितनी बार रन करेगा. ठीक है, तो रेंज आई है ना, आई रेंज आई -5 को रन कर रहा है. मतलब -5 मतलब हम 0 से शुरुआत करेंगे, 1 इसमें ऐड करते चलेंगे, -5 तक पहुंचना है. 1 2 3 4 5 पहुंच सकते हो कभी? नहीं पहुंच सकते ना. तो जब नहीं पहुंच सकते तो कभी भी इसको रन किया ही नहीं जाएगा. ठीक है, तो आई इनिशियली 0 पर पॉइंट करेगा और वहीं करता रहेगा. तो कितनी बार चलने वाला है ये? हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप रन? इट विल रन 0 नंबर ऑफ टाइम्स. इन्फिनिट नहीं बनेगा ये, क्योंकि इससे जो बनने वाली लिस्ट एक्चुअली में ये कुछ बनेगी ही नहीं. ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी. तो ये किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा. तो एक्चुअली में एक भी बार लूप नहीं चलेगा. तो रेंज -5 से जो बनने वाला है वो एक एम्प्टी लिस्ट बनने वाला है. आपको अगर सर 0 रहेगा तो 0 में एक बार तो चलेगा? नहीं भाई, एक भी बार नहीं चलेगा, बिकॉज एम्प्टी लिस्ट बनती है रेंज -5 से. एम्प्टी लिस्ट बनेगी अगर, तो डेफिनेटली कुछ इटरेट नहीं हो पाएगा, तो 0 बार चलेगा. अभी बताया क्योंकि की क्यों बनेगी नेगेटिव इससे पहले वाले क्वेश्चन में. राइट, तो बस वही सिनेरियो यहां पर भी है. तो आंसर क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है, तो कितनी बार चलेगा? 0 बार चलेगा. समझ में आया? बहुत सही. आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं 50th क्वेश्चन पे. दैट इज योर सेंचुरी. सेंचुरी का समय हो गया है. कंसिडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज 3 पास, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर दिस लूप. तो रेंज 3 क्या देगा हमें? एक लिस्ट दे देगा 0 1 2 की. ठीक है, 0 से शुरुआत होगी, 2 तक जाएगी, रेंज आ गई. ठीक है, पास कर देना है हर इटरेशन में. पास मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये लूप को ब्रेक नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, बस अब कर क्या रहे हो? पास कर रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो, बस ये चलते जा रहा है. ये पूछ रहे फाइनल वैल्यू क्या है आई की. तो आई सबसे पहले 0 रखेगा. ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे कुछ नहीं है, फिर ये 1 को पॉइंट करेगा, फिर भी पास में कुछ भी नहीं है, फिर 2 को पॉइंट करेगा और फिर खत्म हो जाएगा. तो दैट विल बी द फाइनल वैल्यू. तो आई की फाइनल वैल्यू क्या होगी? आई की फाइनल वैल्यू 2 होगी. तो क्या सही आंसर आ जाएगा इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा सी, दैट इज
दैट इज व्हाट, दैट इज 2. तो आंसर क्या हो गया, सी दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया, 50th क्वेश्चन का सही आंसर इज सी दैट इज 2. सही है, चलो आगे बढ़ते हैं 51st पे. सेज डज पाइथन हैव स्विच केस स्टेटमेंट्स. तो क्या स्विच केस स्टेटमेंट्स पाइथन में होते हैं? तो एक्चुअली स्विच केस के स्टेटमेंट्स बाकी सब लैंग्वेजेस में होते हैं, पाइथन में नहीं होते हैं. ठीक है, तो ट्रू होते हैं, नहीं यार नहीं होते हैं, फॉल्स हाँ नहीं होते हैं, तो दिस इज सही. ठीक है, क्या स्विच केस स्टेटमेंट होते हैं? नहीं होते, मतलब फॉल्स है स्टेटमेंट. ठीक है, पाइथन हैज स्विच स्टेटमेंट बट वी कैन नॉट यूज इट, नहीं ये दिस इज रॉन्ग, है ही नहीं, होते ही नहीं है, नन ऑफ द अबव. तो फॉल्स शुड बी द करेक्ट आंसर, कि स्विच केस स्टेटमेंट्स होते ही नहीं. Does Python have switch case statements? No, they don't have. So false is the correct answer to this. So B, false is the correct answer to this question. समझ में आया? चलो next बढ़ते हैं 52 पे. Which says which of the following is a must argument in range function? तो इनमें से क्या argument must है range में? मतलब जब हम ये एक single value देते हैं run range में, मतलब आप empty छोड़ोगे तो गलत आ जाएगा. वो कहेगा at least one argument is required. तो अब यहाँ जो fixed value देते हो वो किसकी होती है? है ना? Must कौन सा है? ऑप्शन में बाकी दो तो मस्ट कौन सा है? तो स्टार्ट, स्टॉप, गैप या ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही मस्ट है. तो नहीं यार, क्या मस्ट है एक्चुअली में? स्टॉप मस्ट होता है. क्या होता है? स्टॉप मस्ट होता है. स्टार्ट और गैप जो है ऑप्शनल होते हैं. आप चाहो तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट जीरो होता है. बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो होता है. मतलब देखो क्या होता है, जब आप रेंज लिखते हो तीन आर्ग्यूमेंट लेता है, स्टार्ट, स्टॉप और गैप. ठीक है, इसमें से ये मस्ट है, ये ऑप्शनल है. स्टार्ट और गैप, स्टार्ट की ऑफ ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो, गैप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वन. समझ में आया? सो बिकॉज ऑफ दिस जब आप सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो वो किसके तरीके से ट्रीट करी जाती है? वो स्टॉप की तरीके से ट्रीट करी जाती है. तो इसमें से क्या मस्ट वैल्यू है? तो मस्ट वैल्यू भाई स्टॉप है. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. 52 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी दैट इज स्टॉप. समझ में आया? आगे बढ़े, चलो 53 पे चलते हैं. विच स्टेटमेंट विल चेक इफ ए इज इक्वल्स टू बी. तो इनमें से क्या स्टेटमेंट चेक करेगा कि ए बी के बराबर है कि नहीं? तो क्या ए बी के, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी. तो ये कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, ये हम बी को ए को असाइन करते रहे. तो यार ये वाले और ये वाले में कंफ्यूज मत होना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. ये लेफ्ट वाली चीज को हम असाइन करते हैं, सॉरी राइट वाली चीज को हम असाइन करते हैं लेफ्ट वाली चीज को. जैसे मैं लिखता हूं 2 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार मैं, ए इज इक्वल्स टू 2. तो मैं 2 को असाइन कर रहा हूं ए को, तो दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. पर ये क्या है भाई, ये एक्चुअली में कंपैरिजन ऑपरेटर है. यू आर चेकिंग क्या क्या ए 2 के बराबर है, इज ए इज इक्वल्स टू 2. तो ए इज इक्वल्स टू 2 जो है चेक करते हो आप नीचे, तो ये गलत हो जाएगा यार, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं. ठीक है, पहले वाला, सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला बिल्कुल है, ट्रिपल नहीं, ट्रिपल नहीं. इफ ए इज इक्वल टू बी, ये भी सही है, बट कॉलन नहीं लगा हुआ तो ये भी गलत हो गया. ठीक है, तो सही सिर्फ एक ही हुआ, दैट इज बी. सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर भी यार बी ही हो जाएगा. तो बी इज द करेक्ट आंसर. इफ ए इज इक्वल टू बी इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया 53rd क्वेश्चन का आंसर, इफ ए इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट देखते हैं यार. नेक्स्ट इज कंसिडर द लूप गिवन बिलो फॉर आई इन रेंज 7, 4, -2 ऑफ ए ब्रेक कर दिया. ठीक है, नाउ द केस इज ऑल अबाउट दिस ब्रेक. देखो कैसे रेंज बना हुआ है 7, 4, -2, बिल्कुल सही है. 7 से शुरुआत करनी है, 4 तक जाना है, -2 को ऐड करते चलना है. तो 7 में -2 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. 5 में -2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 5 में -2 अगर हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3. 3 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1. पर आपको जाना कहां तक था, 4 तक जाना था, तो 3 भी नहीं काउंट होगा, यहां तक रुक जाओगे आप यार, 4 तक ही जाना था ना यार, तो 7 और 5. ठीक है, तो आई सबसे पहले 7 को पॉइंट कर रहा है, आई सबसे पहले 7 को पॉइंट कर रहा है, और फिर एक बार ये अंदर आया, ब्रेक हो गया. तो ब्रेक होते ही क्या हुआ, ब्रेक होते ही क्या हुआ, ब्रेक होते ही बाहर आ गया यार उस लूप से. तो बस इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन क्योंकि चला ही नहीं, तो फाइनल वैल्यू आई की क्या है, फाइनल वैल्यू 7 दिख रही है यार मुझे, 7 को पॉइंट कर रहा है, 5 नहीं गई. समझ में आया? तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां सही आंसर हो जाएगा 7, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. समझ माया पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके गुड, आगे बढ़े 55th पे चलते. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्लैंक कैन बी फिल्ड विद, ओके ओके यहां ब्लैंक है, फॉर ए इन दिस. ठीक है, फॉर ए इन व्हाट कॉलन. ठीक है, तो कहां भर सकते हो आप?
तो ब्लैंक में हम क्या एक इटरेबल सीक्वेंस भर सकते हैं, डेफिनेटली आ रही है कि इटरेबल सीक्वेंस की तो जगह है वो, ठीक है। फिर अरेंज फंक्शन फिल कर सकते हैं बिकॉज, मतलब यस बिकॉज रेंज फंक्शन एक इटरेबल सीक्वेंस बना देता है नंबर्स की। एक सिंगल वैल्यू फिल कर सकते हैं, नहीं यार। कि एक एक्सप्रेशन फिल कर सकते हैं, एक्सप्रेशन मतलब क्या 2+3+4 प्रिंट कर सकते, मतलब भर सकते हैं वहाँ पे, नहीं। सिंगल वैल्यू तो होगी, इवैल्यूएट करके तो सिंगल वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन भी फिल नहीं कर सकते। बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी सही है, है ना। इन दोनों दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, तो दो का मोस्ट अप्रोप्रिएट ई दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ई इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। समझ में आया गाइस, 55th का आंसर क्या हो गया, ई, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते 56 पे, इफ द कंडीशन इज डैश द स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है भाई, ठीक है। अदरवाइज द स्टेटमेंट इन द डैश ब्लॉक एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड, सॉरी। तो आंसर क्या हो गया, ट्रू और एल्स, तो ट्रू और एल्स बी दिख रहा है मुझे, ट्रू और एल्स। तो सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर हो गया ट्रू और एल्स बी, तो ट्रू और एल्स बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया 56th का, सही है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 57th पे, विच सेज कंसीडर द लूप गिवन बिलो, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर द लूप। ओके, इस लूप को कंसीडर करिए, आई की फाइनल वैल्यू बताइए। तो वही सेम केस है, ब्रेक पे चल रहा है, ठीक है। रेंज 10 है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की बनेगी, ठीक है। आई इन रेंज 1 है, मतलब आई सबसे पहले पॉइंट कर रहा है 0 को, और आगे बढ़ने अपन, तो एक बार इटरेशन चलेगी, पहली सिचुएशन में ब्रेक हो जाएगी, तो आई सिर्फ 0 को ही पॉइंट करता रह जाएगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो, यस, तो आंसर हो गया बी, दैट इज 0, सही है। आगे बढ़े, चलो 60th क्वेश्चन पे, सही 58th पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। तो ये जब कुछ कोड्स, मतलब ये जो कुछ फॉलोइंग लाइंस हैं ऑफ कोड्स, इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा। ए 11 है, तो एक यहाँ पे मेमोरी बनी हुई है 11 और 5। 11 को मैं रेफरेंस कर रहा हूँ ए से, 5 को मैं रेफरेंस कर रहा हूँ बी से, ठीक है ना। इफ ए डबल फॉरवर्ड स्लैश बी इज इक्वल टू 2, तो ए को मैंने बी से डिवाइड किया, 11 को मैंने 5 से डिवाइड किया भाई, ठीक है। तो ये मुझसे किसकी बात कर रहा है, ये मुझसे डिवीजन, मतलब रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा है, ये मुझसे फ्लोर डिवीजन की बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन की। सो 5 2 10 आएगा, -1 आएगा ना, मुझसे पूछ के रहा है 2 पूछ रहा है। तो क्या ए मॉड्यूलो बी 2 के बराबर, मतलब ये जो आंसर है ये 2 है, तो क्या 2 के बराबर है, यस 2 के बराबर है, तो प्रिंट क्या कर दो, यस, तो यस ही प्रिंट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, एल्स प्रिंट नहीं होगा, नो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है गाइस, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया बी, दैट इज यस। तो 58 का सही आंसर इज बी, दैट इज यस। समझ में आया, आगे बढ़े 59th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जंप स्टेटमेंट्स, इन चारों में से क्या एक जंप स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जंप स्टेटमेंट्स एक्चुअली दोनों ही है, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को ही जंप स्टेटमेंट्स कहते हैं। रीजन क्या, एक लूप में बीच से स्टार्टिंग से एंड में, मतलब सही बीच में कहीं से स्टार्टिंग में जाना है तो कंटिन्यू यूज करो, एंड पे जाना है तो ब्रेक यूज करो, तो जंप स्टेटमेंट्स दोनों को ही कहा जाता है। तो सी बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा इसका। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर जंप स्टेटमेंट्स, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो सी आर द जंप स्टेटमेंट, सॉरी बोथ ए एंड बी आर द जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते 60th पे, व्हाट विल बी आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स, इन इस लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कराया गया, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो आउटपुट, अच्छा सेम दे रखा है यार, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 5, तो मेमोरी में 11 बना 5 बना, ए को हम रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब 11 को रेफरेंस कर रहे हैं ए से, 5 को रेफरेंस कर रहे हैं बी से। सो ए को बी से डिवाइड किया गया, बट यहाँ रिमाइंडर की बात हो रही है भाई, यहाँ रिमाइंडर की बात हो रही है। तो 11 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो 5 2 10 आएगा, -11 -10 विल बी 1, ठीक है। तो रिमाइंडर तो 1 है यार, अब क्योंकि रिमाइंडर 1 है तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा यार। फिर हम चेक कर रहे हैं यार, ए मॉड्यूलो बी इज इक्वल टू 0, क्या ये 0, मतलब क्या ये 0 है, ये भी 0 नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा यार, ठीक है। तो एल्स चलेगा डेफिनेटली, सो सॉरी चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सो सॉरी। तो आंसर क्या हो गया 60th क्वेश्चन का, ए हो गया सो सॉरी, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से आपको हमेशा कोड को एग्जीक्यूट कर, मतलब चेक करना है
और फिर आंसर करना है क्वेश्चन का, सही है। चलो नेक्स्ट इज 61st, विच सेज कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट फॉर आई इन रेंज 2 से 4 प्रिंट आई, व्हाट वैल्यूज आर प्रिंटेड व्हेन इट एग्जीक्यूट्स। ओके, तो आप 2 से 4 तक का एक रेंज बना रहे हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप क्या ले रहे हो, जो इंक्रीमेंट सेगमेंट है उसको 1 ले रहे हो। सो 2 और 3 का एक बन जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। आई जो सबसे पहले किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो आई 2, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो 2 और फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई को ही प्रिंट कर रहे हैं। सो 2 एंड 3 वुड बी प्रिंटेड, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या प्रिंट हो जाएगा यार, डी प्रिंट हो जाएगा, 2 एंड 3, समझ में आया। तो सही आंसर क्या हो गया 61st का, डी 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 क्वेश्चन गाइस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इफ वी इनपुट 8। ओके, इनपुट 8 दे रखा है और बहुत लंबा चौड़ा सा कोड दे रखा है, लेट्स सी व्हाट इज द कोड। सो CH करके एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें इनपुट लिया गया है, जिसमें अंदर डाला गया एंटर डे ऑफ वीक 1 to 7। ओके गुड, इसको इंट में टाइप कास्ट करा दिया गया है। नाउ वी आर सर्चिंग इफ CH इज इक्वल टू 1, क्या कैरेक्टर 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो मंडे प्रिंट कर दो, 2 के बराबर LF पे रन किया गया है ट्यूजडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, सही वेडनेसडे थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, इसके अलावा संडे प्रिंट करना है। मतलब अगर इनपुट 8 है तो डेफिनेटली पहले में से तो कुछ चलेगा ही नहीं, तो एल्स वाला ब्लॉक ही चलेगा यार हमेशा, तो एल्स में संडे प्रिंट होना चाहिए। पर कायदे से तो गलत हो गया, मतलब गलत प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, प्रोग्राम गलत बनाया गया है। यहाँ पे कायदे से एलिफ में 7 के लिए संडे होना चाहिए, तो एल्स के लिए रॉन्ग इनपुट आना चाहिए था, पर चलो ठीक है। फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट 8 के लिए संडे हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, तो देखो ए इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो 63rd पे आ जाते हैं। द सिंटेक्स ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इज, सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की क्या होता है, मतलब क्या सिंटेक्स, ठीक है। तो देखो सिंपल से सिंटेक्स बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी होती है, जिस जो भी लिस्ट का नाम है वो लिस्ट का नाम देना पड़ता है, जैसे मुझे ए देना है सपोज, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना होता है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना होता है। यहाँ पे आप डालते हो स्टेटमेंट, सबसे पहले डालते हो स्टेटमेंट जो भी आपको एग्जीक्यूट कराने हैं, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट डालो, ठीक है। इसके बाद आता है फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे सपोज मुझे कराना है, मुझे हर नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मुझे सपोज ए स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर आगे मैं ए स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म, ये स्टेटमेंट है ना, फॉर लगाऊंगा और फिर आगे कहूंगा फॉर जो भी वेरिएबल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आप अंदर यूज कर रहे हो या फिर बिना उसके भी आप यूज कर रहे हो, पर इटरेट करने के लिए वेरिएबल यूज कर रहे हो वो यूज करना है। सो फॉर ए इन जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस डाल दीजिए, रेंज डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। सो फॉर ए सॉरी फॉर आई इन या कुछ भी, फॉर आई इन जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं यार कुछ इस तरीके से कहाँ लिखा हुआ है, लिस्ट फॉर पहले यूज नहीं हो सकता, गलत है। बी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सबसे पहले फॉर फिर आएगा फिर वैल इन सीक्वेंस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो लिस्ट, इसमें कुछ और गलती तो नहीं, इक्वल्स टू है स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट सही लिखा हुआ है, लिस्ट इज इक्वल्स टू वैल स्टेटमेंट, ये वैल फॉर ये बिल्कुल ही गलत है, फॉर के बाद क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत, लिस्ट इन से शुरुआत नहीं होती, गलत। तो बी सही मिल गया यार, है ना, बी सही मिल गया। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया यार बी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज लिस्ट इज इक्वल टू स्टेटमेंट फॉर वैल इन सीक्वेंस, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 63rd क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू 64th, विच सेज व्हेन द फॉलोइंग कोड रन्स हाउ मेनी टाइम्स इज द लाइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू 2 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जब ये कोड को हम रन करते हैं तो ये लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है ना। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स 1 है, है ना, इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स ही चेंज हो रहा है तो एक्स ही रखता है मैं, तो एक्स की वैल्यू 1 है। क्या एक्स 20 के बराबर है, डेफिनेटली है, एक्स 20 के बराबर है, ठीक है। तो अच्छा मैं यहां काउंट करता चलूंगा कितनी बार रन हुआ है, जो x20 से कम है डेफिनेटली है, तो हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 हो जाएगा और x पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक बार आपने एग्जीक्यूट कराया, ठीक है। फिर वापस से चेक करेंगे क्या 220 से छोटा है, डेफिनेटली है, तो हम क्या करेंगे 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 हो जाएगा भाई, तो दूसरी बार एग्जीक्यूट हो गया,
ठीक है, फिर 4 को चेक किया जाएगा, 20 से कम है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये फिर से 3 हो जाएगा, फिर 8 फिर से कम है तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स चल गया, ठीक है, 16 परफेक्टली है, ठीक है, क्या 16 कम है, डेफिनेटली है, तो 16 2 जा 32 होगा, तो 16 2 जा 32 होगा और एक और बार कोड चल जाएगा, ठीक है, अब चेक करेंगे 32 20 से कम है, नहीं है तो नहीं चलेगा, तो कितनी बार कोड चला, 5 बार चला, तो 5 सही हो जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, इवन उन्होंने नियर बाय वैल्यूज भी नहीं दे रखी ताकि कंफ्यूजन हो, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन राइट, कि क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं 65th पे, which says what is the output when this code executes, ओके कुछ ऐसे ऐसे ही कोड है बट थोड़ा सा लगे, तो x 1 है, आउटपुट पूछ रहे हैं क्या है, ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1, नो वाइल x इज लेस देन 5, तो जब तक x जो है 5 से कम है, तो 1 5 से कम है ना, इनिशियली x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 5 से कम है, तो x, ओ हो मिला मुझे यहाँ पे गेम, ये x इज इक्वल टू x प्लस 1 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 लिखा हुआ है, मतलब ये इन्होंने एक, ओके चलो मैं दिखाता हूँ, इन्होंने क्या किया, मेमोरी में 1 बना हुआ है, x को पॉइंट करा दिया 1 से, अब क्या होगा, जैसे ही लूप चलेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब x पास जो भी वैल्यू उससे एक बढ़ा के यहां बना देंगे, पर इसको रेफरेंस करने वाला कोई है नहीं है, तो वो एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, फिर प्रिंट तो लूप खत्म होने के बाद करना है, फिर ऊपर चलोगे, फिर से आप आओगे, ठीक है, तो वापस रन करोगे, तो x क्योंकि 1 ही है अभी इनिशियली, तो 1 है क्योंकि, तो कम दिख ही रहा है आपको, 5 से साथ कम दिख ही रहा है, फिर x प्लस 1 फिर से कर दोगे, फिर से 2 बना दोगे, तो फिर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड सो ऑन, इसे बनते चले जाएगा, मेमोरी जाएगी आपकी पूरी, और इवन ये लूप चलता चला जाएगा, ठीक है, तो ये लूप कभी भी रुकेगा नहीं और नो आउटपुट देगा एक्चुअली में, ठीक है, आउटपुट तो कुछ दे ही नहीं रहा। अच्छा, हो सकता है कि इसी ऑब्जेक्ट को आप दोबारा ना बनाओ, ठीक है, हो सकता है यही ऑब्जेक्ट काम चल जाए, बट वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, उस पर हम नहीं चाहेंगे अभी डिटेल में, अब ये आपको मैं उसमें नहीं लेके जाऊंगा, फिलहाल समझो कि क्योंकि ये इसको आप पॉइंट नहीं कर रहे हो, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही बार बार, तो एक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली 1 है, 5 से छोटी रहेगी, क्या चेंज नहीं कर रहे हो ना एक्स की, आप एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखते हो वो समझ में आता, पर आपने वो नहीं लिखा हुआ, आप एक्स की वैल्यू 1 कर रहे हो और उसको कंटिन्यूसली आप बढ़ा नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप यहां बढ़ा नहीं रहे हो और चेक कर रहे हो 5 से छोटा है, तो हमेशा ही 5 से छोटा 1 ही रहेगा, तो 5 से छोटा ही रहेगा, तो आंसर नो आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये कभी रन ही नहीं होगा, व्हाइल लूप खत्म ही नहीं होगा, ये रन ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा डी, दैट इज नो आउटपुट, समझ में आया 65th क्वेश्चन, चलो बढ़िया आगे बढ़े 66 पे चलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये फॉलोइंग कोड, x 1 है, ठीक है, while x, ओके सेम कोड लिखा हुआ था, आई थिंक सो, x इज इक्वल टू 1, while x इज लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस 1, प्रिंट x, कितनी बार रन होगा, यार वी नो ना इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रन हो रहा है, राइट, क्योंकि क्या है, बार बार, हर बार x 1 है, हर बार x हमने देखा 1 है, हर इटरेशन में x 1 है, जब हर इटरेशन में 1 है तो 1 हमेशा ही 5 से छोटा है ना, अब 1 हमेशा ही 5 से छोटा है, तो ये कोड तो हमेशा ही रन होगा, तो कितनी बार रन होगा, इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम रन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, तो कभी भी ऐसे देखिए कि कोई भी लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो क्या है, वो इनफिनिट लूप है, राइट, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 67th पे, ओके गुड क्वेश्चन, आई थिंक सो, बड़ा सा है, देखते चलो, कंसीडर द फॉलोइंग लूप, ठीक है, जे इज इक्वल टू 10 के बराबर है, बहुत सही, जे जो है भाई 10 के बराबर है, वाइल जे इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो जे जब तक 5 से बड़ा है प्रिंट कर दो एक्स को, ठीक है, और जे को जे से जे 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 में एक कम करो और जे में स्टोर कर दो, और मैंने वाई क्यों बना दिया, जे बनाना था ना मुझे, तो देखो एक बार एक्स प्रिंट होगा, डेफिनेटली एक बार एक्स प्रिंट होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, अभी फिलहाल जे 10 है, ठीक है, जे क्योंकि 10 है तो 5 से बड़ा है, तो डेफिनेटली रन होगा, एक्स रन हो गया, फिर जे को क्या कर दिया, 10 से हटा के 9 कर दिया गया है, ठीक है, अब जे क्या 9 जो है 5 से बड़ा है, डेफिनेटली है, तो फिर से एक्स प्रिंट होगा, फिर जे को कम कर दिया गया, 8 हो गया है, ठीक है, क्या जे 8 क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल है, एक और बार एक्स प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 8 की जगह 7 कर देगा इसको, ठीक है, फिर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, फिर चेक करोगे कि 7 क्या 5 से बड़ा है, डेफिनेटली है, तो x फिर से प्रिंट कर दोगे और j को कम कर दोगे, 7 से 6 ले आओगे, ठीक है, आप फिर ऊपर जाओगे, क्या 6 बड़ा है 5 से, बिल्कुल है, तो 6 की जगह आ जाएगा 5, ठीक है, अब 5 आ जाएगा तो आपने फिर प्रिंट कर दिया, ठीक है, आपने फिर x को प्रिंट कर दिया, फिर j एक्चुअली में 5 से
4 हो गया, राइट। 5 से 4 हुआ, क्या 4 बड़ा है जैसे? नहीं है, तो फिर आप नहीं चलोगे, तो ये रन नहीं होगा। तो एक्चुअली में कितनी बार एक्स प्रिंट हो गया? 5 टाइम्स प्रिंट हो गया और वैल्यू आपकी 10 से लेके 4 तक चली गई। समझ में आया? एक बार फिर से करते हैं, आई थिंक सो कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है फिर से करते हैं। तो जे इनिशियली 10 था, जे इनिशियली 10 था, क्या 10 से बड़ा है जे? डेफिनेटली है, तो एक्स एक बार रन हुआ, ठीक है। जे को कम किया गया, 9 कर दिया गया यहां पे, ठीक है। फिर हम ऊपर चले गए, 9 क्या 5 से बड़ा है? डेफिनेटली है, दूसरी बार रन कर दिया गया इसको, दूसरी बार एक्स रन कर दिया गया क्योंकि 9 है 5 से बड़ा, ठीक है। फिर कम करा गया तो जे आपका 8 हो गया है, ठीक है। आप यहां रन कर चुके हो, ठीक है, ये रन हो चुका, तो ये रन हो चुका है, ठीक है, 8 कर चुके हो, ठीक है। अब 8 क्या 5 से बड़ा है? बिल्कुल है, ठीक है। तो एक और बार रन करोगे तो ये भी रन कर दिया आपने, ठीक है। फिर 8 का 7 बन चुका है, ठीक है। 7 चेक कर रहे हैं, क्या 7 5 से बड़ा है? डेफिनेटली 7 5 से बड़ा है, तो एक और बार रन होगा, ठीक है। ये एक और बार रन हो गया 7 के लिए, ठीक है। 7 को हमने बना दिया 6, ठीक है। क्या 6 5 से बड़ा है? डेफिनेटली 6 5 से बड़ा है, तो 6 5 से बड़ा है तो एक और बार रन हो जाएगा, ठीक है। ये एक और बार रन हो गया, ठीक है। फिर 6 का हमने बना दिया 5, तो 6 माइनस 1 जो है 5 बन गया, ठीक है। अब 5 बन गया तो क्या जे 5 से बड़ा है या बराबर है? डेफिनेटली है, तो ये एक और बार एक्चुअली में रन होना चाहिए, वही मैं कहता हूँ, मुझे यही कन्फ्यूजन हो रहा था, 6 बार रन होना चाहिए, राइट। 10 9 8 7 6 5 5 6 बार, ठीक है। तो देखो यार, इनमें से 6 बार क्या बना सकता है आपका कोड, ठीक है। नाउ फॉर जे इन रेंज माइनस 1 से, अच्छा एक सेकेंड पहले कोड तो पढ़े, विच द फॉलोइंग फॉर लूप्स विल जनरेट द सेम आउटपुट एज द लूप शोन प्रीवियसली। तो पहले जो शोन है उससे पहले, मतलब सेम कोड को जनरेट करें, तो 6 बार हमें आउटपुट चाहिए, 6 बार, राइट। 6 बार देखो क्या है, फॉर जे इन रेंज माइनस 1 से माइनस 5 माइनस 1 तक, राइट। माइनस जे से माइनस 5 माइनस 1 के गैप में आना है, तो माइनस 1 से आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। माइनस 5 से शुरुआत कर रहे हो, माइनस 1 ऐड करते चले जा रहे हो, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। और बस, तो 1 2 3 4 चार ही बार हुआ ये, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर फॉर 0 से 5 तक 0 1 2 3 4, ये 5 टाइम्स रन हुआ, नहीं चलेगा। ये देखो 10 से लेके माइनस 1 तक 2 2 का गैप है, 10 8 6 4 2, ठीक है। और माइनस 1 तक जाना है ना, तो 0 भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस वुड वर्क, राइट, आई थिंक दिस कुड वर्क। 10 से लेके, 10 से आप 8 जा रहे हो, 8 से आप 6 जा रहे हो, ठीक है। माइनस 2, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, और माइनस 1 तक जाना है, तो सही चल रहा है आपका। 0 के बाद माइनस 2 करोगे तो माइनस 2 इज नॉट अलाउड, तो 6 आ गए, 1 2 3 1 2 3 6, तो ये चल जाएगा यार। नेक्स्ट देखो, 10 से लेके 5 तक, ठीक है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 1 आप ऐड कर रहे हो, तो ये तो चलेगा नहीं यार, ये तो गलत ही आ जाएगा। 10 11 12 13 14, तो ये तो चलेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया, ठीक है। देखते तो देखा भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो 6 बार लूप को चलाना है, 6 बार चलाया हमने, राइट। समझ में आया चीज? चलो बहुत सही, आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से इज, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट्स। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा, ये दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। इसको लिख लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई इनटू 2 लिखा हुआ है। तो अभी इनिशियली आई 1 है, इनिशियली आई क्या है? 1 के बराबर है। क्या 1 7 से छोटा है? डेफिनेटली 1 7 बराबर भी है, छोटा भी है, तो ये लूप चलेगा, ठीक है। आई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 = 2, आई को आई में 2 स्टोर कर देंगे, ठीक है। प्रिंट अभी नहीं करेंगे, लूप वापस चलेगा। क्या आई 2 से छोटा है? डेफिनेटली आई 2 से छोटा, सॉरी 7 से छोटा है, डेफिनेटली 7 से छोटा है। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4 आ जाएगा, और आई में 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस लूप चलाएंगे, 4 7 से छोटा है, डेफिनेटली है। सो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 आ जाएगा, ठीक है। पर 4 अब क्योंकि एक बार के लिए चल गया है, तो 8 आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है यहाँ के। अब नेक्स्ट बार जब चेक करा जाएंगे, तो क्या 8 छोटा है 7 से? नहीं यार, 8 7 से छोटा नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएगा। तो आपकी जो आई की वैल्यू वो क्या रह जाएगी? 8 रह जाएगी। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए। समझ में आया? तो अभी अगर मैं 68th क्वेश्चन की बात करूं, तो 68th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 68th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 8। समझ में आया? तो आंसर हो गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 69th पे।
व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट्स. तो ये जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा आउटपुट. तो ए इनिशियली जीरो है, ठीक है, ए की इनिशियली वैल्यू जीरो है, बहुत सही. आगे दे रखा है फॉर आई इन रेंज 4 से 8, तो रेंज बना लेते पहले 4, 5, 6, 7 एंड दैट्स ऑल. 8 को काउंट नहीं किया जाता है. आई को हम रेफरेंस कर रहे हैं इसमें, ठीक है, आई को 4 पे रेफरेंस कर दिया पहले, सॉरी. अब हम कह रहे हैं आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आई को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया, तो क्या 0 के बराबर है. तो 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 ही आंसर आया. तो 2 के अगर आंसर आया तो आपको ए में 2 को ऐड करना, मतलब ये 0 है तो इसके अंदर आ जाएंगे, तो ए में 2 को ऐड करना है और ए में स्टोर कर देना है. तो ए 0 में 4 को ऐड करूंगा, 0 में 4 को ऐड करूंगा और यहां 4 ही स्टोर कर दूंगा, राइट. फिर नेक्स्ट ए 4 के बराबर, अच्छा अभी तो ए आई को ही बना रहे हैं अपना आगे, तो अब आई नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आई जो है 5 हो जाएगा, ठीक है. 5 क्योंकि मॉड्यूलो 2 नहीं है, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर नहीं, एक्चुअली है इवन नंबर्स का सम कह रहे हैं, सिंपल सी बात, पर हम इटरेशन वाइज चलेंगे, ठीक है. तो 5 को 2 से डिवाइड किया, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है. आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे 6 पे, तो 6 क्या 2 से डिविजिबल है, 6 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, तो ए में आई को स्टोर कर देंगे, तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, और ए में सेव कर देंगे तो 10 हो गया ए में, ठीक है. नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, आई में 7, मतलब आई 7 हो गया, 7 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये फिर से नहीं चलेगा, बाहर आ जाओगे क्योंकि सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, फाइनली प्रिंट हो जाएगा 10. तो आंसर क्या आ गया आपके पास, तो आपके पास आंसर आ गया 10. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10, विच इज सी. लेट्स सी, सी 10 इज द करेक्ट आंसर. समझ में आया, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट कंटेन एन एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड लूप. ओके, इनमें से कौन से एग्जांपल में नेस्टेड लूप छिपा हुआ है, पहचानो यार. फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई, तो ये देखो ये सेम लेवल पे है, तो ये तो इंडेंटेड नहीं हो सकते, सॉरी ये तो नेस्टेड नहीं हो सकते, तो कैंसिल कर दो यार इसको. इसमें देखो यार, तो ये फॉर लिखा हुआ है, ये इसका इंडेंटेशन और इसके अंदर नेक्स्ट फॉर लिखा हुआ है, तो यस ये मुझे नेस्टेड दिख रहा है, वेरी गुड, ठीक है. ये देखो यार, क्या ये नेस्टेड लूप है, नहीं मुझे ये भी नेस्टेड नहीं दिख रहा है, रीजन क्या, सेम इंडेंटेशन है फॉर और वाइल, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दो अलग अलग ऑप्शन है, तो मुझे दिख रहा है बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. तो नेस्टेड का एग्जांपल पूछ रहे हैं, तो नेस्टेड का एग्जांपल क्या हो गया, नेस्टेड का एग्जांपल आपका 17th क्वेश्चन ही हो गया, सॉरी बी ऑप्शन ही हो गया, 17th क्वेश्चन नेस्टेड का एग्जांपल बी हो गया ना, समझ में आया. फॉर आई इन रेंज 10 और इसी के इंडेंटेशन पे है ना, ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ये देना है, सॉरी ध्यान आपको ये देना है कि ये फॉर लिखा हुआ है, इसमें इंडेंट करके हमने नेक्स्ट प्रिंट लिखा और इसके अंदर फॉर लिखा, ठीक है. तो इस फॉर के इंडेंटेशन में ही, मतलब इस फॉर की बॉडी में नेक्स्ट फॉर लिखा हुआ है, इस चीज को हम नेस्टिंग कहते हैं, तो दिस इज नेस्टेड, फॉर के अंदर फॉर. समझ में आया, तो ये था आपका 17th क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट आपका 71st क्वेश्चन, विच सेज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इज नोन एज. तो यार देखो सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ ली गई है, तो कौन कहता है डेफिनेशन नहीं आती एमसीक्यूज में, भाई डेफिनेशन आती है एमसीक्यूज में, ठीक है. आपसे पूछ लिया गया है कि द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज, किस चीज की डेफिनेशन है बताइए. तो किसकी डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन है, राइट. फ्लो ऑफ कंट्रोल इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम. सो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब किस तरीके से पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है एक प्रोग्राम में, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, राइट. जब समझाया था तभी समझाया था कि चैप्टर का नाम जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, ठीक है. तो क्या हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया ए, दैट इज 71st का ए, ठीक है. तो आंसर क्या हो गया, ए दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल. समझ में आया, इज दैट पॉइंट क्लियर. चलो तो ये था आपका 71st क्वेश्चन. आगे बढ़ते 72nd पे. नाउ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ राइटिंग सिंपल इफ स्टेटमेंट इज. तो सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखना है, उसका सिंटैक्स क्या है, तो बहुत यार डिटेल में बताया सिंटैक्स क्या है. इफ कीवर्ड लिखना है, ठीक है, लोअर केस में इफ कीवर्ड लिखना है. फिर क्या लिखना है, फिर कंडीशन डालनी है, जो भी कंडीशन है आपकी, कंडीशन डाल दी फिर आपने, फिर कॉलन लगाया और फिर इंडेंट करके इसके स्टेटमेंट लिखने. दिस कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना,
ठीक है, तो इफ आ गया कंडीशन आ गई पर कॉलन नहीं आया तो गलत हो गया, इफ आ गया कंडीशन आ गया कॉलन नहीं आया मिसिंग है, इफ आ गया कंडीशन आ गया कॉलन आ गया स्टेटमेंट्स आ गए दिस इज करेक्ट, इफ आ गया कंडीशन आ गया डैश डैश नहीं चाहिए कॉलन चाहिए तो दिस इज रॉन्ग। तो सही क्या दिख रहा है मुझे, सही मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सी। तो सही आंसर क्या हो गया अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया आपका सी, राइट क्लियर है। तो सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया, इफ कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट्स, ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया 72, 73। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। नाउ डैश स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन इफ ब्लॉक, ओके। तो कितने स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, 2 स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन, 4 स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन, 10 स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन। मतलब जब आप इफ ब्लॉक बनाते हो, इफ कंडीशन कॉलन और यहां पे आपने स्टेटमेंट्स लिखे हुए, कितने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, नंबर बताइए कितने स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो कुछ बाउंड्री थोड़ी होती है, कुछ लिमिटेशन थोड़ी होती है, कितने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, नहीं होती ना। तो यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सो एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन व्हाट इन इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक में कितने भी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन इफ ब्लॉक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं 74th पे, विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएंट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। इनमें से क्या एक कंडीशनल स्टेटमेंट का वेरिएंट है, मतलब टाइप है, ठीक है, वेरिएशन है कंडीशनल स्टेटमेंट का, इनमें से क्या, सिंपल इफ विदाउट एल्स, मतलब खाली इफ एल्स के बिना, तो यस ये तो होता है यार, इफ एल्स ब्लॉक डेफिनेटली इफ एल्स भी होता है, इफ एल इफ होता है क्या, यस इफ एल इफ भी होता है। तो क्या सही हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सही, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी मैं इसका आंसर कहूं तो सही क्या हो गया, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, बिकॉज तीनों ही सही है, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब आप कंडीशंस पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, तो कंडीशंस मैंने दिखाए थे ना बहुत सारे तरीके से, आई थिंक सो शायद इतना मुझे नंबर याद है, एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं है, आई गेस 6 तरीके आपको मैंने दिखाए, राइट, 6 तरीके मैंने आपको दिखाए हैं जिस तरीके से आप कंडीशनल को बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी काउंट किया है शायद, तो इस वजह से 6 है, ठीक है। तो उनमें से पूछ रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, तो सारी वैरायटी पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, राइट। तो 74th का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया 74th का आंसर, चलो बहुत सही, आगे बढ़े 75th पे चलते हैं। नंबर ऑफ एलिफ इन अ प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन द, तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने एलिफ स्टेटमेंट्स डालने हैं ये किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एलिफ इन अ प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन द, किस चीज पे डिपेंड करता है, एलिफ कितने होने चाहिए। आपने लिखा इफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स, फिर एलिफ कंडीशन, फिर कॉलन, फिर स्टेटमेंट्स, फिर एलिफ। अब ये कितने एलिफ होंगे, या ये एलिफ का नंबर क्या होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, भाई जितने कंडीशन चेक करनी है आपको, जितनी कंडीशन चेक करनी है उतने एलिफ डालोगे, तो कंडीशन में डिपेंड करता है ना। देखो क्या क्या है, नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड, यस पहला सही दिख रहा है मुझे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम, नहीं यार वेरिएबल्स पे थोड़ी डिपेंड करता है, अगर 10 वेरिएबल है तो 10 एलिफ लगाएंगे, ऐसे जरूरी थोड़ी है ना, हो सकता है आप एक ही एलिफ में चेक कर लो सारा, ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स इन अ प्रोग्राम, नहीं नंबर ऑफ लूप्स तो कतई डिपेंड नहीं कर सकता, हो सकता है लूप ही ना हो उसमें, राइट, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं, बिकॉज हमें नंबर ऑफ कंडीशन वाला ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन मिल गया है। तो इसका सही आंसर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसका सही आंसर दिख रहा है क्या आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, सो ए इज द करेक्ट आंसर दैट आई कैन सी। तो 75th का सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया, दैट इज नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं 76th, विच सेज एन इफ कंडीशन इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड, इफ के अंदर इफ लगा दिया आपने, इफ कंडीशन ठीक है, और इसके अंदर मतलब इसकी बॉडी में, ठीक है, इसके अंदर एक और इफ डाल दिया आपने, ठीक है, नेक्स्ट वही कंडीशन कॉलन और फिर नेक्स्ट ऐसे चल रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज नेस्टिंग, राइट। तो ये क्या है, सेकंड इफ, क्या इसको हम सेकंड इफ बोलते हैं, क्या इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, या इसको अनदर इफ बोलते हैं, तो इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, एक के अंदर दूसरा डालना इज व्हाट इज नेस्टिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नेस्टिंग का, तो नेस्टेड इफ है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया नेस्टेड इफ, राइट। चलो नेक्स्ट इज 77th, विच सेज लीडिंग वाइट स्पेसेस, स्पेसेस और टैब्स एट द बिगनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो यार जो फाइल आपने बनाई है, इतनी इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, तो ये फाइल आपने जो बनाई है, तो ये स्टेटमेंट आपने लिखे हुए हैं, तो ये बीच में स्पेसेस छोड़े हुए हैं, यूजुअली 4 स्पेसेस जो आप छोड़ते हो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आप बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है, तो वो जो स्पेसेस होते हैं टैब्स के फॉर्म में जो आप देते हो वो क्या है,
ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उसको इंडेंटेशन कहते हैं यार, ओरिएंटेशन थोड़ी कहते हैं, इटरेशन कहते हैं, उसको इंडेंटेशन कहते हैं। जो इनिशियल स्पेसेस हैं, जो इनिशियल स्पेसेस हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखते समय, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इंडेंटेशन कहते हैं, राइट। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी, दैट इज इंडेंटेशन। सही आंसर क्या हो गया 77 का, बी दैट इज इंडेंटेशन। समझ में आया, चलो बहुत सही। आगे बढ़ते हैं 78th पे, विच सेज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस पर्टिकुलर कोड का आपको आउटपुट बताना है, ओके, अमेजिंग, लेट्स सी। सो y इज इक्वल्स टू 2, एक आपने बनाया तो 2 बनाया मेमोरी में, इसको रेफरेंस किससे कर रहे हैं हम, 2 को y से कर रहे हैं, y से हम 2 को रेफरेंस कर रहे हैं। नाउ दे आर सेइंग इफ 2 इज इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू y, अगर 2 y के बराबर नहीं है तो 2 तो y के बराबर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या आउटपुट दे रहा है वो देखना, 2 is not equals to y, 2 is not equals to y, ठीक है, y 2 है, तो एक्चुअली मैं ये पूछ रहे हैं 2 is not equals to y, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो ये सिंपली कह रहा है कि 2 के बराबर नहीं है, तो यार मुझे दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फॉल्स है। जब फॉल्स है आंसर इसका, तो ट्रू वाला तो चल नहीं सकता, एल्स वाला चलेगा, तो के आंसर आ जाएगा, तो बी आ जाना चाहिए आंसर, के आ जाना चाहिए आंसर, राइट। देखते हैं यार बी आंसर है क्या, हाँ देखो बी आंसर है, के इज द ओनली आंसर, अंडरस्टूड। तो के आंसर आ गया आपका 78th का, ठीक है। चलो आगे बढ़े 79th पे, 79th, अ स्टेटमेंट इनसाइड इफ हैज एन इंडेंटेशन ऑफ डैश स्पेसेस, ठीक है। अ स्टेटमेंट इनसाइड इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसके स्टार्टिंग में कितने स्पेसेस होते हैं, आई थिंक सो, इंडेंटेशन के लिए। अ स्टेटमेंट इनसाइड इफ हैज एन इंडेंटेशन ऑफ डैश स्पेसेस, कितने स्पेसेस का गैप होता है, कितने स्पेसेस का इंडेंटेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट 4 का होता है, जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 4 का होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया बी, दैट इज 4। समझ में आया, सो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस आप देते हो टैब से भी, वो 4 स्पेसेस देते हो, ठीक है। चलो ये था 79th, आगे बढ़ते 80th। Now, Ram wants to create a program to check whether an year is leap year or not. For this, he should have a good understanding of, तो leap year है कि नहीं एक particular year, ये check करने के लिए किस चीज की अच्छी understanding चाहिए हमें, for loop, while loop, conditional statements, all of the above. अब ये इनमें से crack करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कैसे आप एक particular year, leap year है कि नहीं, ये कैसे find out कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज दैट लॉजिक, कि अगर आपको एक ईयर गिवन है, तो अगर आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये ईयर 400 से डिविजिबल है कि नहीं, या 400 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, 400 का मल्टीपल। इसके बाद अगर ये 400 का मल्टीपल है तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये लीप ईयर है, बट अगर 400 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं है, ठीक है। पर सिर्फ 400 पे जज करना इज नॉट फाइन, मतलब इज नॉट करेक्ट, कि अगर 400 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा, दिस इज नॉट फाइन, ठीक है। एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता है, क्या अगर कोई भी एक नंबर 4 से डिविजिबल है पर 100 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है पर 100 से डिविजिबल नहीं है साइमल्टेनियसली, ठीक है, 100 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं कहता हूं कि ईयर जो है क्या है, लीप ईयर है। अब ये चेक करने का सबसे अच्छा सा तरीका तो आपका क्या है, कंडीशंस को क्लब करना और ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देना, सिंपल सी बात। मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ईयर पर्टिकुलर ईयर अगर आपका डिविजिबल है 400 से, ठीक है, और एक कंडीशन डाल दूंगा जो एंड में रहेगी, एंड में क्या रहेगी कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ईयर जो है डिविजिबल होना चाहिए 4 से, ठीक है, सॉरी, 400 इज इक्वल टू 0, 400 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए आपका, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, राइट, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यार ये चीज तो मैं सिंपल एक कंडीशनल में भी लिख सकता हूं, ठीक है, जिसमें ना फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, ना वाइल की, ना कंडीशनल की, ठीक है। मतलब कंडीशन इस तरीके से लिख सकता हूं, विदाउट द हेल्प ऑफ व्हाट, विदाउट द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स के बजाय, ठीक है। पर अगर आप चाहो आप इस स्टेटमेंट को, इस प्रोग्राम को इफ एल्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल से कि कंडीशनल स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बार ठीक है इस स्टेटमेंट को भी कंडीशनल स्टेटमेंट में काउंट कर लेते हैं, पर यूजुअली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं, आपके जो इफ एल्स वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होते हैं।
अब कैसे आप इसको इफ एल्स की वजह से कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। ईयर है सपोज आपके पास, तो सबसे पहले चेक क्या कर लो कि आपका जो ईयर है वो फोर से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, फोर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर फोर से डिविजिबल है, अगर फोर से डिविजिबल है तो आपके पास कंडीशन है कि आपको 100 से चेक कराना है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो मैं नीचे लिखता हूं एक्चुअली, ठीक है, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, डेफिनेटली अगर नहीं है डिविजिबल तो नॉट अ लीप ईयर, पर फोर से डिविजिबल है तो हाँ कुछ चांस हो सकता है। आपको चेक कराना है कि एक ईयर, आपका जो ईयर है, जो पर्टिकुलर ईयर है वो 100 से डिविजिबल है कि नहीं, वो 100 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 100 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है। पर हाँ, मैं इसको एक और ऑप्शन दूंगा कि 400 से और चेक कर लो। ठीक है, भले ही 4 और 100 वाला केस बन रहा हो, बट अगर ये 400 से डिविजिबल हो गया तो डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, पर अगर ये 100 से डिविजिबल नहीं हुआ, अगर सपोज 100 से डिविजिबल नहीं, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये क्या है, अगर ये 100 से डिविजिबल नहीं है सपोज इन केस, तो मैं कहूंगा कि लीप ईयर है। ठीक है, यस ये लीप ईयर है। ठीक है, अब यहां 100 वाले सिचुएशन में मैं चेक कर रहा हूं कि इफ ईयर, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 400, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर 400 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली लीप ईयर है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नॉट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअली इस सिचुएशन में आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इफ एल्स की। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, भले आपको लूपिंग ना आती हो, क्योंकि यहाँ लूपिंग का कोई काम ही नहीं है। एक ही काम बहुत बार नहीं करना आपको, बहुत बार नहीं करना, बस एक बार आपको कंडीशन चेक करनी है, बस। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किसकी नॉलेज अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, 18th का, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। सो 18th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 81st पे, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से क्या है कीवर्ड नहीं है पाइथन का, ट्रू कीवर्ड है डेफिनेटली है, फॉल्स कीवर्ड है डेफिनेटली है, सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, मतलब आप इनका केस भी चेक करते चलना। ठीक है, इफ बिल्कुल है, लोअर केस में लिखा हुआ है, बट फॉर नहीं है। ठीक है, कैपिटल सेंटेंस केस में फॉर लिखा हुआ, दिस इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, तो फॉर कीवर्ड नहीं दिख रहा, तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसका सही, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ कीवर्ड पूछे, कीवर्ड नहीं है, फॉर नहीं है कीवर्ड। समझ में आया, कैपिटल एफ वाला फॉर नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया इसका, इसका सही आंसर हो गया डी, फॉर इज नॉट अ कीवर्ड। समझ में आया 81st क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़े 82nd, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट लिखना है आपको। ठीक है, अगर x 10 के बराबर है, तो मेरे पास मेमोरी में 10 है, इस 10 को रेफरेंस कौन कर रहा है, x कर रहा है। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि अगर x 7 से बड़ा है ना, और साइमल्टेनियसली x जो है 10 से छोटा है, मतलब एंड लगा हुआ है, x is greater than 7 and x is less than or equals to 10, x is less than or equals to 10, ठीक है, तो x greater than 7 है और less than equals to 10 है, तो मुझे दिख रहा है कि क्या 10 7 से बड़ा है, डेफिनेटली 10 7 से बड़ा है, तो ट्रू आ गया। ठीक है, क्या x 10 से छोटा या बराबर है, तो डेफिनेटली बराबर है, छोटा तो नहीं है बट बराबर है, तो क्योंकि दोनों ट्रू है तो मुझे पता है यार एंड को फुलफिल करने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ट्रू है तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, मुझे ट्रू ही मिल जाएगा आउटपुट, राइट। तो अगर ट्रू मिल जाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा, तो पास तो रन हो ही जाएगा यार, मेरा पास तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आगे एंड लगा रखा है आपने किसी बिना गैप के, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं डबल और गैप नहीं है उनके बीच में, तो बिना गैप के आपने एंड डाल रखा है, मतलब इसके बाद वाली नेक्स्ट चीज इसके बाद ही प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद जो लिखा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट चलेगा चलेगा, कंडीशन पे डिपेंडेंट है ही नहीं, वो चलेगा चलेगा, तो फेल चलेगा चलेगा, तो पास फेल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, न्यू लाइन में नहीं, सेम लाइन में, तो पास नहीं है, फेल नहीं है, पास फेल दो अलग अलग लाइन में नहीं है, सेम लाइन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी, तो 82 का आंसर हो गया डी आपका। समझ में आया 82 का आंसर डी कैसे आया, चलो बढ़िया आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं 83rd पे, विच सेज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इस पर्टिकुलर कोड का आपको आउटपुट बताना है क्या आएगा। ठीक है, नाउ एक्चुअली पूरा कोड इस पे बेस्ड, किसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, विल इट बी इक्वल्स टू और नॉट, मतलब आपको एक ऑपरेशन यहां दे रखा है, देखो करता हूं मैं ऑपरेशन यहां परफॉर्म। ठीक है, विच इज व्हाट, 3+8 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू तो बाद में देखेंगे अपन, पहले तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वी नो नॉट इक्वल्स टू पहले से, नॉट इक्वल्स टू के परफॉर्म होने से पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले आपका क्या होता है,
सॉरी अब असाइनमेंट कह रहा हूं, कंपैरिजन ऑपरेटर से पहले आपको क्या आता है, पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, तो पहले ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू 7 से काम नहीं चलेगा, है ना, इसको डायरेक्टली चेक नहीं करेंगे अपन, ऐसा नहीं कहेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 7 बी रन करो, ऐसा नहीं है, क्या होगा पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर से ये सब चीजें कैलकुलेट करी जाएंगी, 3 + 8 मॉड्यूलो 2, ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या आएगा, लेट सी, ठीक है, अब इसमें भी अगर आप ये सोचो 8 + 3 क्या होता है, 8 + 3 इज 8, मतलब आपके बस प्रायोरिटी है ना कि प्लस सॉल्व करो कि फ्लोर डिवीजन सॉल्व करो, तो पहले मैं प्लस करता हूँ इसका, मतलब इसका जो आंसर दोनों तरीके से निकालते हैं क्या आएगा, ठीक है, तो अगर मैं 8 + 3 करूँ, सो 8 + 3 इज व्हाट 11, 11/2 करूंगा क्या आएगा 5.5 आ जाएगा, ठीक है, 11/2 इज व्हाट 5.5। अच्छा इसके अलावा अगर मैं ये करूँ कि 8 को 2 से डिवाइड करूँ फ्लोर, तो 2 4 8 हुआ और 4 + 3 7 आ गया, तो इसका आंसर 7 आ रहा है यार, ठीक है, अब कौन सा ले, तो एक में तो इक्वल्स टू आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना यार प्रायोरिटी प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, पहले इसकी होती है फिर इसकी आती है, पहले फ्लोर डिवीजन होगा फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका एडिशन होगा, मतलब ये करेक्ट आंसर, तो इसका आउटपुट क्या आपके पास 7 है, तो फाइनली पूछ रहे हैं क्या 7 के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, 7 के बराबर है, ठीक है, 7 is equals to 7 राइट, 7 is equals to 7, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर False हो गया, तो run क्या हो जाएगा, B run हो जाएगा, else वाला part, तो answer क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, that is, अच्छा literally B आ जाएगा, है ना, option भी B और answer भी B, तो answer क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, that is B, false, समझ में आया, क्यों आया, precedence की बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले precedence हमने देखा, क्योंकि 2 is not equals to 7, सीधे-सीधे true करते हैं, पैच करके आते गलत हो जाता, ठीक है, अगर आपने पहले 3 + 8 कर दिया होता 5.5 इज नॉट इक्वल टू 7, आप ट्रू कहते एच करके आते, पर यहां तो कहानी अलग ही है, यहां तो 7 रन करना है ना पहले आपको, समझ में आया, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट पॉइंट इन माइंड, तो आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट बताना है और ऑप्शन यहां नहीं दे रखे, आई थिंक सो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, लेट्स चेक, तो हमने यार 4 वेरिएबल बनाए, A5, B6, C7, D8, ठीक है, अब देखो यार सबसे बड़ी बात, कोड्स को देख के डरना नहीं है, बहुत बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, बहुत सारे नेस्टेड इफ्स लगे हुए हैं, डरना नहीं है, धीरे धीरे करके चेक करना है, ठीक है, डेफिनेटली आप कर पाओगे, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, नो वी हैव 4 वैल्यूज मेमोरी में, 4 वैल्यूज है, ठीक है, व्हाट आई कैन सी इज 5, 6, 7 और 8, 5 को हम रेफरेंस कर रहे हैं ए से, 6 को हम रेफरेंस कर रहे हैं बी से, 7 को हम रेफरेंस कर रहे हैं सी से, और 8 को हम रेफरेंस कर रहे हैं डी से, ए बी सी डी आ गया, राइट, नाउ दे आर सेइंग इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर ए जो है बड़ा है बी से, ठीक है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, तो नहीं है यार, ठीक है, अब देखो यार कितना इजी हो गया क्वेश्चन, समझ में आया बात, देखो पहली कंडीशन मुझे गलत दिख रही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, 5 इज ग्रेटर देन 6, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, दिस इज फॉल्स, आर यू सीइंग दिस, दिस इज फॉल्स, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, इसकी बॉडी कुछ भी नहीं चलेगी ये, ठीक है, सब बेकार है, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, सीधे सीधे नेक्स्ट लाइन चलेगी आपकी, प्रिंट व्हाट, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड, समझ में आई बात, तो यार कोड को देख के डरना नहीं है, बड़े बड़े से कोड को देख के डरना नहीं है, ठीक है, पहली कंडीशन में फॉल्स हो गया ये, है ना, ए बड़ा नहीं आया बी से, मतलब 5 बड़ा नहीं आया 6 से, पहली कंडीशन में फॉल्स हो गया ये, ठीक है, तो जब ये फॉल्स हो गया तो सीधे सीधे आगे बढ़ोगे ना यार आप, ये वाला पार्ट रन करोगे, तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या आ गया, व्हाट दिख रहा है मुझे सिर्फ आंसर, ठीक है, सिर्फ व्हाट दिख रहा है, ओनली व्हाट, ठीक है, देखते हैं क्या है, तो मुझे दिख रहा है व्हाट, हेलो बी ए, तो व्हाट है यार सिर्फ आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है यार, देखो कितना इजी क्वेश्चन होगी, समझ में आया, मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम्स को देख के डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, आगे फेस करना है, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, डरना नहीं है बस, ठीक है, 85 पे चलते हैं, रेपिटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग, तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रेपिटेशन आप कैसे अचीव कर सकते हो, यूजिंग सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स, सीक्वेंशियल लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स, नन ऑफ दीस, तो यार लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स होता है ना, राइट, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स, सिलेक्शन के लिए इफ एल्स वगैरह हो गया, सीक्वेंशियल लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम अप्रोच हो गया, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हो गया, जिसमें आप चेक करते हुए पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आपको रिपीट कराना है पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, सो लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हो गया, तो आंसर क्या हो गया 85th का, सी हो गया, दैट इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स, समझ में आया, बहुत सही, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 86 पे, विच सेज कंडीशन इन लूप्स इज चेक्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड द
ओके, तो जो वेरिएबल हम लेते हैं जिसकी कंडीशन हम चेक कर रहे होते हैं लूप्स में, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको स्पेशल वेरिएबल कहते हैं, क्या उसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, क्या उसको एग्जीक्यूशन वेरिएबल कहते हैं? तो एक्चुअली हम इसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं भाई, जिस वेरिएबल के बेस पे आप कंडीशन चेक करते हो। द कंडीशन इन लूप्स इज चेक्ड बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल की वैल्यू पे जिसमें आप कंडीशन चेक करते हो, उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूप्स कंट्रोल वेरिएबल, व्हिच इज बी। समझ में आया? तो 86 का आंसर क्या हो गया? 86 का आंसर हो गया बी, दैट इज लूप्स कंट्रोल वेरिएबल। इज दैट पॉइंट क्लियर? चलो बढ़िया, आगे बढ़े, 87th पे चलते हैं। सेज इफ द कंडीशन गिवन इन द लूप नेवर रिटर्न फॉल्स देन द लूप, ओके, अगर एक लूप में जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स रिटर्न करे ही ना, एक आप वाइल लूप चला रहे हो, सपोज एक वाइल लूप चला रहे हो उसमें कंडीशन कभी रिटर्न करे ही ना फॉल्स, तो वो लूप कब तक चलेगा? नेवर एंड्स, एंड्स आफ्टर 50 टाइम्स एग्जीक्यूशन, एंड्स आफ्टर 150 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन, या गिव एरर। तो एरर तो देगा नहीं, एरर तो देता नहीं है, फिक्स लिमिट कुछ है नहीं कि 50 और 150 टाइम्स चलेगा। तो एक्चुअली अगर लूप का कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है तो वो नेवर एंडिंग लूप बन जाता है, जिसको हम इन्फिनिट लूप कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिट लूप करते हैं, इन्फिनिटी तक वो चलता रहता है, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, वो बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, चलता रहेगा वो लूप। ठीक है, वो नेवर एंडिंग वाला लूप हो जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ में आया? तो 87th का अगर मैं आंसर कहूं तो 87th का आंसर क्या हो गया? ए हो गया, नेवर एंड्स, तो कभी खत्म होगा ही नहीं आपका लूप। समझ में आया पॉइंट 87th का? ओके, चलो आगे बढ़े, 88th पे चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर आई इन 43210। ओके, ये एक टपल है भाई, ये क्या है? एक टपल है। ठीक है, पैरेंथेसिस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से ये टपल है। अब आई को इटरेट कर रहे हो टपल में, तो आपके पास एक टपल है 43210, टपल है 43210। अब एक आई एक वेरिएबल है आई, जिसको आप क्या कर रहे हो? पॉइंट कर रहे हो, तो आई 4 के बराबर है। ठीक है, तो जब आई 4 के बराबर है तो आपको प्रिंट करना है आई को, एंड कर देना है स्पेस से। ठीक है, बीच में स्पेसिंग दे रखी है, स्पेस से एंड कर देना। तो जब आई इनिशियली आपका 4 पे पॉइंट कर रहा है, तो पहले 4 प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर एंड क्या हो जाएगा? ठीक है, एंड में आपने गैप दे दिया तो यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आई आपका चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, 3 पे पहुंचेगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 के बाद फिर 2 पहुंचेगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 के बाद क्या होगा? 1 पहुंचेगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 के बाद 0 पहुंचेगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 4310। तो आंसर क्या आ जाएगा? 43210। तो डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, 43210। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया, दैट इज 43210। क्लियर है? 88th ईजी था, राइट? एक टपल में बस आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, मतलब यहां समझना क्या है, टपल में इंडेक्सिंग पॉसिबल है, एरर नहीं आएगा, दैट्स ऑल। अगर आपको यह समझ में आता है, दैट इज क्लियर। मतलब आई का आप जो मेंबरशिप ऑपरेटर है फॉर के साथ आप यूज कर सकते हो किसी भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट के लिए, लिस्ट हो, टपल हो, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कर सकते हो आप इटरेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। चलो 88 समझ में आया, आगे बढ़े 89th पे, 89th पे चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आपको आउटपुट लिखना है, क्या है? फॉर आई इन रेंज दिस, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज लिखी हुई है 4 से 7। ठीक है, तो 4 से 7 रेंज लिख लेते हैं, सपोज 4 से शुरू हो गए, ठीक है, 4 से शुरू होंगे, 1-1 का गैप है क्योंकि वो लिखा नहीं हुआ है, तो 4 से शुरू होंगे और 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, 7 जाएंगे, 8 जाएंगे, पर 7 पे बाउंड्री लगा लेंगे, बिकॉज 7 इज नॉट अलाउड, 7 इज द लास्ट लिमिट, अपर लिमिट है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद हम कर रहे हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 3। तो इनिशियली आई एक वेरिएबल बन जाएगा जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? आई को आई प्लस 3 कर दे रहे हो। तो इनिशियली आई क्या है यार? इनिशियली आई 4 है। ठीक है, अब ये 4 है, आपने क्या किया? आई को आई प्लस 3 किया, मतलब 4 प्लस 3 क्या कर दिया? 7 कर दिया। ठीक है, तो 4 प्लस 3 7 बन गया वो। ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया, तो डेफिनेटली हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब देखना यार लूप में कैसे चेंज हो रहा है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा कि सर अब 7 हो गया है, 7 उसके अंदर है नहीं, तो यार ये तो लूप बंद हो जाना चाहिए, तो एक ही बार प्रिंट होना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए सी। अगर आपने ये करा ना, गलती कर जाओगे, क्योंकि यहां पे जब आप आई का कंडीशन चेक नहीं करते हो यार, जब ये फॉर लूप लगाते हो ना यहाँ पे, तो कंडीशन चेक नहीं करते हो, आप चेक करते हो कि क्या आई अभी भी, मतलब एलिमेंट्स बचे हुए हैं कि लिस्ट में या फिर टपल में, ट्रेबल ऑब्जेक्ट में क्या एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तब तक करते हो रन। आई आप भले ही चेंज कर रहे हो तो आई चेंज होता रहेगा, पर आई को चेक नहीं किया जाता कि यार उसके अंदर है कि नहीं, चेक क्या किया जाता है कि अभी तक कंप्लीट हो गया है नहीं हो गया। समझ में आया? तो ये चीज समझ में आई, फिलहाल आपका हो गया कि आपका एक बार नहीं होगा रन। ठीक है, आई 7 है, अब क्या होगा? इस नेक्स्ट, ये एक इटरेशन रन हो गई, अब नेक्स्ट इटरेशन में चेक नहीं किया जाएगा, आपका आई चेंज कर दिया जाएगा 5 में, मतलब जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती।
तो नेक्स्ट आइटम फेच किया जाता है इस सिचुएशन में फॉर लूप के साथ, नेक्स्ट आइटम फेच किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस समझाने के लिए, फॉर लूप में कभी भी कंडीशन चेक नहीं करी जाती, क्या होता है नेक्स्ट आइटम को फेच किया जाता है, अगर नेक्स्ट आइटम है डेफिनेटली फेच होगा, आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है, आई की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। अब एक्चुअली में जैसे आप नया आइटम फेच करोगे, 5 जैसे फेच कर रहे हो तो 7 आपका बदल के हो जाएगा 5, समझ में आया। अब बदल के 5 तो हो गया, पर जब आपने नेक्स्ट लाइन रन करी आई इज इक्वल टू आई प्लस 3, तो 5 प्लस 3 जैसे आपने किया तो आपका आंसर आ गया 8, तो ये 5 चेंज होकर 8 हो गया, ठीक है। फिर आपने हेलो प्रिंट किया तो डेफिनेटली फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आया। फिर से हेलो रन हो गया, फिर से प्रिंट हो गया। अब आपने क्या किया, अब आप चेक करोगे 8 है उसके अंदर, नहीं है, आपने अगर लूप एंड कर दिया 2 आंसर कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, गलत आंसर कर दिया आपने। करना क्या है आपको, आगे चेंज करना है, नेक्स्ट एलिमेंट है ना, नेक्स्ट एलिमेंट फेच करना है 6, तो 6 फेच करोगे तो आई की वैल्यू 8 से चेंज होकर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, समझ में आया, 6 हो जाएगी और यहां पे 6 चेंज हो गई, सॉरी ये 6 चेंज हो गई, अब यहां पे आई क्योंकि 6 है तो 6 प्लस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहां वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। फिर से हेलो प्रिंट करोगे तो आपका हेलो फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब यार इन्होंने कायदे से क्वेश्चन पूछा है, क्या कायदे से इन्होंने पूछा है कि इस कोड का आउटपुट क्या है, तो डेफिनेटली 3 हेलोस आउटपुट हो जाएंगे, बट आई विल से कि यार ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर ये पूछते कि यार इसके लूप के बाद आई की वैल्यू क्या है, दैट वुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी लाता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे कंसेप्ट तक के चेक करता है। अगर आई जो है, मतलब ये पूछा तो उन्होंने कि लास्ट में आई की वैल्यू क्या है, हो सकता है आगे पूछ ले, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से आई की वैल्यू चेंज होती है, किस तरीके से प्रिंट होती है चीजें, आई होप दैट इज क्लियर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया 89th का, 89th का आंसर हो गया ए, दैट इज 3 बार हेलो प्रिंट होगा, बिकॉज 3 बार आप इटरेट कर रहे हो लूप में, ठीक है, तो हमेशा लूप के इटरेशन पे आपको काम करना है। तो आंसर क्या हो गया यार इसका, ए हो गया, दैट इज 3 टाइम्स हेलो, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं 90th पे। नाउ 90th क्वेश्चन सेज फॉर आई इन रेंज, ओके वही सेम क्वेश्चन, ओके नो, नाउ दे हैव गिवन यू अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, जो चीज मैं कह रहा था वही चीज उन्होंने दे दी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है, आपने एक इटरेशन बनाई, ठीक है, 4 से लेके 7 तक, तो 4, 5, 6 और दैट्स ऑल, 7 काउंट नहीं होगा, ठीक है। आई एक वेरिएबल बनाया, आई को आप रेफरेंस कर रहे हो पहले 4 पे, ठीक है, यहां पे हम आई की वैल्यू की वेरिएशन देख रहे हैं, तो इनिशियली आई क्या हो जाएगा यार, इनिशियली आपका आई हो जाएगा 4, राइट, इनिशियली आपका आई है 4, ठीक है। अब आप यहां पर आए, ठीक है, आई क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3, तो 4 में 3 ऐड किया तो आपका 4 क्या बन गया, 7 बन चुका यार, ठीक है। अब आप प्रिंट कर रहे हो हेलो और आई, हेलो तो प्रिंट हो रहा है परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर द क्वेश्चन इज कि आगे आई में क्या प्रिंट होगा, स्पेस सेपरेशन के बाद आई में क्या प्रिंट होगा, तो आई में ध्यान रखना हमेशा 7 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू देखो क्या है, 7 है ना, तो 7 प्रिंट होगा, समझ में आया। पर इसके बाद जैसे इटरेशन कंप्लीट हो गया, आप दोबारा नेक्स्ट इटरेशन चेक करोगे तो ये नहीं चेक करोगे 7 उसके अंदर है कि नहीं, आप नेक्स्ट आइटम फेच करोगे और आई को असाइन कर दोगे, तो आपने नेक्स्ट आइटम फेच किया 5, जो आपने आई को असाइन कर दिया तो आई की वैल्यू हो गई 5, तो अब ये वैल्यू 7 से चेंज होकर 5 हो चुकी है, ठीक है। ये और अच्छा क्वेश्चन बनता अगर इससे पहले आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 से पहले एक और प्रिंट लगा देता आई का, और अच्छा क्वेश्चन बन जाता, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 5 को फेच किया गया, ठीक है, तो 5 जैसे हमने फेच किया फाइनली वैल्यू हो गई आई की 5। अब यहां पे नेक्स्ट आप लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर आई को 3 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो 5 प्लस 3 किया तो क्या हो गया, 5 प्लस 3 आपका हो गया 8, 5 प्लस 3 क्या हो गया, 5 प्लस 3 हो गया 8। अब 8 हो गया है, आप हेलो प्रिंट करो, डेफिनेटली हेलो प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अब यहां पे आ क्या जाएगा, यहां पे 8 प्रिंट हो जाएगा आई की जगह, तो जो आई प्रिंट करना है वो आई हो गया 8 दिख रहा है। अब 8 चेक नहीं किया जाएगा उसके अंदर है कि नहीं, क्या होगा आपका नेक्स्ट आइटम फेच किया जाएगा, तो नेक्स्ट आइटम 6 को फेच किया गया, तो 6 फेच किया गया, तो अब आपका जो आई की वैल्यू वो 8 से चेंज होकर 6 हो चुकी है, समझ में आया, 6 हो चुकी है। अब ये जैसी 6 हो गई, आई को प्रिंट किया गया तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 आया, अब आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 आया तो आपका 6 चेंज होकर क्या हो गया, 9 हो गया यार अब, ठीक है। अब जैसे ये 9 हुआ तो जब आप प्रिंट में गए तो आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा हेलो, और यहां आ जाएगा 9 क्योंकि आई की लास्ट वैल्यू 9 है। अब देख लो क्या ऑप्शन है, 9 7 8 9 4 5 6 4 और एरर, तो एक्चुअली आंसर हो जाएगा ए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आंसर नहीं आ पाएगा, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेफिनेटली आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 90th का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, दैट इज हेलो 7 हेलो 8 हेलो 9, 3 अलग अलग लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे हो रही है चीजें, राइट। 90th क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े।
चलो 91st पे चलते हैं. 91st क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो इस पर्टिकुलर कोड का आपको आउटपुट बताना है. लेट सी वॉट टू डू. तो 2 और 6 दो वैल्यूज है मेमरी में, ठीक है. तो मेमरी में क्या है यार आपके पास, मेमरी में दो वैल्यूज है, एक है 2 एक है 6, ठीक है. 2 को आप पॉइंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ x, 6 को आप पॉइंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ y. तो x पॉइंट कर रहा है 2 को, y पॉइंट कर रहा है 6 को, राइट. अब आपने क्या किया, आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया किसके ऊपर, x और y के ऊपर, और x में स्टोर कर दिया, ठीक है. अब ऑपरेशन क्या है, देखो ये है क्या है, x प्लस y डिवाइड बाई 2 प्लस y फ्लोर डिविजन 4. तो ये तो इंटीजर डिविजन है, सॉरी ये इंटीजर डिविजन है, ये फ्लोटिंग पॉइंट डिविजन है, ठीक है. तो एक तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये अलग अलग डिविजन है, इन दोनों के मतलब पता होना चाहिए. साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, कि आपको लेफ्ट टू राइट चलते नहीं जाना है. x प्लस वाई करके 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 प्लस 6 8 करके 8 को 2 से डिवाइड किया फिर वाई में, ऐसा नहीं करना. यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, यहां पे इंपॉर्टेंस है आपकी प्रेसिडेंस की. दिखाता हूं दोनों आंसर दिखाता हूं. चलो x और y तो पता है इसमें ज्यादा कोई यूज नहीं है, चेंज तो कर ही नहीं रहे हैं. x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो कर लेंगे यार बस हम, ठीक है, मेमोरी की जरूरत नहीं है. तो हमें चाहिए क्या, x प्लस y डिवाइड बाई 2 प्लस y फ्लोर डिविजन 4, राइट. तो अगर मैं x प्लस, अब दोनों दो आंसर दिखाता हूं, एक तो प्रेसिडेंस को चेक करते हुए, एक बिना प्रेसिडेंस को चेक करते हुए लेफ्ट से राइट ऑपरेट करना, ठीक है. तो 2 प्लस 6 किया, तो देखो 2 प्लस 6 किया तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 किया तो 8 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस y की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 फ्लोर डिविजन 4 हो जाएगा, ठीक है. अब 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.0, क्योंकि डेसिमल आंसर आता है, ठीक है. प्लस 6 करोगे, इसको फ्लोर डिविजन करोगे 4 से, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 प्लस 4 10, फ्लोर डिविजन 4, तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, तो 2 आंसर आ जाएगा इसमें आपका, समझ में आई बात. ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है ध्यान रखते हो यहां पे किस चीज का, प्रेसिडेंस का, तो आपको पहले ये डिवाइड करना है, फिर मतलब पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐड करना है. तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो x की वैल्यू 2 है, प्लस 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 y की वैल्यू क्या है 6, तो 6 को 2 से डिवाइड किया, फ्लोर डिविजन है, सॉरी फ्लोर नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट डिविजन है, ठीक है. 6 को डिवाइड किया 2 से, 6 को डिवाइड किया 2 से, चलो अभी लिख देता हूं सिर्फ, फिर आगे इक्वेट करते हैं. और 6 को डिवाइड किया 4 से, ठीक है, 6 को डिवाइड किया 4 से भी, ठीक है. तो 2 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर क्या जाएगा, 2 3 जा 6 मतलब 3.0. और यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 को 4 से डिवाइड करोगे फ्लोर डिविजन, सो 4 1 जा 4 आ जाएगा, ठीक है. तो आपका आंसर आ गया 2 1 3 प्लस 3 विच इज 6.0. तो यहां आंसर आ रहा है 6.0. समझ में आया भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है. अच्छा एक चीज यहां पे मैंने गलत कर दी, 10.0 आना चाहिए आंसर, 10.0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा. तो 2 तो यार यहीं का, यहां कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ एक वाला 6.0 का दिख रहा है. तो आपको जो है प्रेसिडेंस का हमेशा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंस का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है. अच्छा आगे का तो कोड देखे नहीं, 6.0 मार्क तो कर दिया बट आगे का कोड तो देखा ही नहीं. तो हमने ये किया और x में वैल्यू चेंज कर दी, मतलब 2 से कट के वैल्यू हो जाएगी 6.0 और हम x को प्रिंट कर रहे हैं तो 2 आंसर नहीं आएगा यार, ठीक है. तो फाइनली इसमें तो आंसर 2 ही आ गया, तो 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं. तो आंसर क्या आपका, बी है 6.0. तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर, अच्छा 6 या 6.0 है ना, ये भी है ना. तो इसमें मत फंस जाना, 6 और 6.0 में मत फंस जाना. रीजन क्यों, क्योंकि देखो यार यहां पे आप जब 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड कर रहे हो, ठीक है. तो अगर डेसिमल में आंसर आता है तो परफेक्ट है ही, तो आएगा ही आएगा, ठीक है. पर अगर नहीं आता है तो भी आपको आंसर 0.0 लिखना है, ठीक है, 0.0 मतलब डेसिमल लगाना जरूरी है, ठीक है. तो फाइनली जब आप 2 को 3.0 और 1 के साथ ऐड करोगे तो 2 जो है टाइपकास्ट हो जाएगा, इंप्लिसिट टाइपकास्टिंग, 2 2.0 बन जाएगा, 1 1.0 बन जाएगा, ऐड करोगे तो 6.0 आंसर आएगा. तो 6.0 इज द आंसर, 6 इज नॉट द आंसर, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा. तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं 91st का, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इज 6.0. समझ में आया, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा चीज का, ठीक है, कि जब भी आप किसी भी नंबर को फ्लोर डिविजन करते, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट डिविजन करते हो, भले ही ये परफेक्ट आंसर है, डेसिमल मतलब इसमें वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, मतलब मैं 10 को अगर सपोज 4 से डिवाइड करता हूं तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 4 2 8, ठीक है, 4 2 8, 20 बच रहा है, 4 5 20, 2.5 बच रहा है, ठीक है. तो डेफिनेटली ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो आप इसको डेसिमल लिख रहे हो, पर इस सिचुएशन में क्या, इसमें तो डेसिमल आ ही नहीं रहा, 2 3 6 परफेक्टली कट रहा है, ठीक है. तो क्या इसका आंसर 3 आएगा, तो यस, मतलब सॉरी दिस इज रॉन्ग, 3 नहीं आएगा, 3.0 आएगा, कीप दैट पॉइंट इन माइंड.
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका आंसर क्या है, 3.0 हो जाएगा. तो अगर अभी फिलहाल इसका आंसर कहूं तो 6.0 आएगा. ठीक है, बाकी प्रेसिडेंस का तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं ध्यान रखना ही रखना है. ठीक है, एटलीस्ट कुछ बहुत मेजर ऑपरेटर्स का तो प्रेसिडेंस ध्यान रखना ही रखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है 92 पे, विच सेज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ए इज इक्वल्स टू 7 फॉर आई इन 7 प्रिंट ए. ठीक है, तो ए जो है 7 के बराबर है, हम मैं कह रहा हूं फॉर आई इन 7. तो यार एक कंडीशन हमेशा बताई गई है कि आपको यहां पे फॉर आई इन, यहां जो डाला जाता है फॉर आई इन व्हाट, आई इन अ सीक्वेंस. यहां पे क्या आना चाहिए भाई, इटरेबल ऑब्जेक्ट, या तो सीक्वेंस आना चाहिए. ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए, सीक्वेंस आना चाहिए, या तो या कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट आ जाए. सीक्वेंस या कोई भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट आ जाए जो मैं रेंज की मदद से भी बना सकता हूं. पर यहां पे क्या डिनाइड है, क्या चीज अलाउड नहीं है, सिंगल वैल्यू अलाउड नहीं है. यहां पे सिंगल वैल्यू अलाउड नहीं है. ठीक है, सिंगल वैल्यू इज नॉट अलाउड है. ठीक है, सिंगल वैल्यू इज नॉट अलाउड. जो भले ही आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखो या नंबर लिख दो, दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. तो अगर अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर कहूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एरर. तो 92 क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आपका ए आ गया, दैट इज एरर. क्लियर है बात, समझ में आया 92 क्वेश्चन, यस और नो, यस, परफेक्ट. आगे बढ़े 92 के बाद, 93 पे चलते हैं. राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, पर्टिकुलर इस कोड का आपको आउटपुट बताना है क्या होगा. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वेलकम टू माई ब्लॉग, ओके, वेरी गुड. ठीक है, जे इज इक्वल टू आई. तो आपने दो वैल्यूज बनाई, क्या एक तो पहले स्ट्रिंग बनाई. ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपकी, वेलकम टू माय ब्लॉग. ठीक है, ठीक है, और आई वैल्यू बनाई जिसको रेफरेंस कौन कर रहा है, जे कर रहा है. ठीक है, आई भी एक स्ट्रिंग है जिसको रेफरेंस कर रहा है जे. ये कैरेक्टर है एक तरीके से. ठीक है, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है, समझ में आया. नाउ हम कह रहे हैं फॉर जे इन एक्स, तो जे जब तक एक्स में है. ठीक है, वाइल जे इन एक्स, तो जब तक जे एक्स में है. ठीक है, तो वाइल जे इन एक्स, तो जे एक्स में है, बताओ भाई क्या जे एक्स में है, क्या आई एक्स के अंदर है, क्या आई एक्स के अंदर है, नहीं है. वाइल जे इन एक्स नहीं आएगा यार. ठीक है, अच्छा एक बात यह कि यार इसका ट्रू आंसर आना चाहिए, क्योंकि वाइल है ना, तो ये ट्रू है. जे इन एक्स, क्या जे एक्स के अंदर है. ठीक है, ये ट्रेड नहीं कर रहा, कंडीशन चेक कर रहे हो, क्या जे एक्स के अंदर है, जे इन एक्स, तो ये जे एक्स के अंदर तो दिख ही नहीं रहा मुझे. तो जब नहीं दिख रहा है तो इसका कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये तो कभी भी प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, जे कभी भी प्रिंट नहीं होगा, राइट, जे कभी भी प्रिंट ही नहीं होगा, इस लूप के अंदर आप जाओगे ही नहीं. ठीक है, अच्छा आई को प्रिंट नहीं करो, फॉर नहीं लिखा हुआ, फॉर जे इन एक्स नहीं लिखा हुआ. ठीक है, फॉर जे इन एक्स, देखो अच्छा ये चीज देखना है ना, डिफरेंस है. यहां पे फॉर जे इन एक्स नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ. फॉर जे इन एक्स का मतलब होता है एक्स में जितने भी वैल्यूज है सबको देखना है और उसको प्रिंट करना है. ठीक है, तो वो चीज नहीं हो रही है, यहां क्या लिखा जा रहा है, फॉर जे इन एक्स. ठीक है, तो जे एक्स के अंदर जब तक हो, तो जे एक्स के अंदर तो मुझे दिख ही नहीं रहा, वेलकम टू माई ब्लॉग है ही नहीं जे, राइट, स्टार्टिंग में ही नहीं है तो चलेगा ही नहीं. ठीक है, तो जब नहीं है तो नो आउटपुट आंसर आ जाएगा यार, इसका कोई आउटपुट ही नहीं आएगा. ठीक है, तो कर दिस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देख लेते पहले आंसर देख लेते, आंसर इज ए, दैट इज नो आउटपुट. ठीक है, क्योंकि है ही नहीं यार, जब है ही नहीं तो कैसे रन होगा, सही है. चलो 94 पे आ जाते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट बताना है आपको. लेट्स सी, अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, एट द रेट लगा रखा है लास्ट में. लेट्स सी, ए 10 है. ठीक है, ए क्या है भाई, ए 10 है. आपने कहा व्हाइल ए इज ग्रेटर देन 5, जब तक ए 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही. चलो ए को 7 से डिवाइड करना, और अगर रिमाइंडर 0 है तो ये प्रिंट करने का है. ठीक है, तो ए को 10 को 7 से डिवाइड किया, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इनिशियली प्रिंट नहीं, मतलब इनिशियली ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो एल्स चलेगा. ठीक है, तो एल्स में प्रिंट क्या करना है आपको, प्रिंट करना है ए माइनस 1. ठीक है, यहां प्रिंट करता हूं, चलो ए माइनस 1 क्या आ गया, 10 माइनस 1 9 आ गया, 9, और एंड में आपको प्रिंट कर देना एट द रेट, तो नेक्स्ट एट द रेट प्रिंट कर देना. ठीक है, नेक्स्ट एट द रेट प्रिंट करना, बाकी चीज आके इसके आगे ही प्रिंट करनी है. ठीक है, और इसी के देखो इंडेंटेशन बिल्कुल सही है, ए इसी के इंडेंटेशन में वाइल के साथ ही, मतलब वाइल के अंदर नहीं है, वाइल ये रहा. ठीक है, मतलब यहाँ इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, वाइल ये रहा.
ठीक है, और ये सब इतना यहाँ पे इंडेंटेड है, मतलब ये जो a इज इक्वल टू a माइनस 3 है ये while की बॉडी है, तो a को हम a 3 से कम कर देंगे, ठीक है, सो 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 7 आ जाएगा तो 7 आ गया तो फिर से चेक करेंगे क्या 7 5 से बड़ा है, बिल्कुल है। फिर इफ चेक करेंगे, इफ 7 इज डिविजिबल बाय 7, डेफिनेटली 7 7 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा, 7 रिमाइंडर 7 क्या 0 है, डेफिनेटली 0 है, तो प्रिंट कर दोगे a स्क्वायर मतलब जो 7 है, तो 7 है ये, तो 7 का स्क्वायर है 7, 7 से 49 आ जाएगा, ठीक है। और फिर एंड में फिर से एट द रेट प्रिंट करना है तो फिर से एट द रेट आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा, आप एज इक्वल टू ए माइनस 3 पे जाओगे तो 7 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 3 इज व्हाट, 4, तो ये 4 बन गया, राइट, 7 माइनस 3 इज व्हाट, 4, तो अगर ये 4 बन गया है तो क्या 4 जो है 5 से बड़ा है, नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा, एंड हो जाएगा, एंड दिस शुड बी योर आंसर, 9 एट द रेट 7 नहीं, ये गलत है, 9 एट द रेट 49 सही है, 9 एट द रेट 49 गलत है, 9 एट द रेट 7 एट द रेट 5 गलत है, तो आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बी, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है मुझे बी, दैट इज 9 एट द रेट 49 एट द रेट, तो 94th क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आपका आ गया बी, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 95th पे, विच सेज इफ द कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स देन द लूप विल एग्जीक्यूट, तो अगर इनिशियली लूप व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स है तो लूप कितनी बार चलेगा, 0 टाइम, भाई एक भी बार नहीं चलेगा, ये डू व्हाइल लूप नहीं है, डू व्हाइल लूप पाइथन में डू व्हाइल लूप का कांसेप्ट ही नहीं आता, पर डू व्हाइल लूप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स है तो आगे नहीं चलेगा, पर एक बार तो कंडीशन चेक करेगा ही करेगा ना, यहां पे ऐसा नहीं है, पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ऐसा होता है डू व्हाइल लूप का कांसेप्ट ही नहीं है, व्हाइल लूप अगर एक भी बार कंडीशन फॉल्स है तो वो एक भी बार नहीं चलेगा, तो ये 0 टाइम रन करेगा, समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो अच्छा क्वेश्चन होता, ठीक है, पर यहां तो डू व्हाइल का कंसेप्ट ही नहीं है। चलो नेक्स्ट इज 95th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विल थ्रो एरर, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा, ओके सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इफ 5 ÷ 4: प्रिंट एरर, ठीक है, तो क्या इसमें एरर प्रिंट होगा, थ्रो बोला है प्रिंट नहीं बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिंट नहीं बोला, थ्रो एरर मतलब एरर देगा ना कि प्रिंट करेगा, ठीक है, तो एरर तो यहां पे सब में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। चलो तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या इफ के आगे कंडीशन में 5 को 4 से डिवाइड करना अलाउड है, तो डेफिनेटली इफ के बाद नंबर्स अलाउड है, ठीक है, इफ के बाद नंबर्स अलाउड है, पर नंबर्स क्या अलाउड है, तो नंबर्स एक्चुअली में कुछ भी अलाउड है, सारे अलाउड है, 5/4 भी अलाउड है, 5 भी अलाउड है, -3 भी अलाउड है, तीनों ही नंबर्स अलाउड है, तो तीनों ही नंबर आई थिंक सो परफेक्टली रन करेंगे, कॉलन मुझे सब में दिख ही रहा है, इंडेंटेशन है ही प्रॉपर, तो ये मेरे ख्याल से तो दिख रहा है कि तीनों ही रन करेंगे, ठीक है, तो विल थ्रो एन एरर, तो नन ऑफ द अबव विल थ्रो एन एरर, ठीक है, नन ऑफ दीस, तो इनमें से कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, तो 95th का सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया, नन ऑफ दीस, ठीक है, 95th का सही आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ दीस, राइट, समझ में आया, आगे बढ़े, चलो 96 पे चलते हैं, 96 सेज इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन द वर्ड गिवन टू अ ब्लॉक ऑफ कोड इज, ओके पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में कह रहे हैं कि जैसे सपोज आपने इफ लिखा, इफ के आगे लिखा कंडीशन, कॉलन लगाया, अब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो पाइथन में, इसको क्या कहते हैं, सूट कहते हैं, पैक कहते हैं, बंडल कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक तो यार हम कह ही रहे हैं, तो बाकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लॉक कहते हैं, बट पाइथन में एक्चुअली ब्लॉक नहीं कहते, वी यूज ब्लॉक, हम ब्लॉक यूज करते हैं, बट पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में ब्लॉक वर्ड यूज नहीं होते, ठीक है, तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में फिर क्या यूज होता है, तो यार पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैंने बता रखा है इस चीज को हम कहते हैं सूट, ठीक है, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपको दिखेगा कि ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है, या ब्लॉक ऑफ कोड की जगह जब भी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है उन्हें, तो वो कहेंगे सूट, ठीक है, सूट ऑफ कोड, ठीक है, ना कि पैक, ना कि बंडल, और ब्लॉक तो कतई यूज नहीं करेंगे, ऑल्दो हम लोग क्योंकि जो प्रोग्राम मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं या प्रोग्रामर्स हैं जो, ठीक है, वो बहुत पहले से ही वर्ड ब्लॉक यूज करते आ रहे हैं बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सो दे स्टिल यूज ब्लॉक फॉर पाइथन, पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन में सूट आता है, तो सही आंसर 96 का क्या हो गया, ए हो गया, दैट इज सूट, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं 97th पे, विच सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वैर आफ्टर द फॉर लूप कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, ओके तो ये पूछ रहे हैं यार ये जो वैर है ना, वैर जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, चलो चेक करते हैं यार, तो अच्छा सा कोड लग रहा है देखने में, लेट्स सी,
तो वेयर की इनिशियली वैल्यू है 10, वेयर की इनिशियल वैल्यू है 10, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, तो 10 तक पहले तो बना दो यार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और आई बना रहे हैं, आई को हम सबसे पहले पॉइंट कर रहे हैं किससे, 0 पे, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं फॉर जे इन रेंज 2 से लेके 10, 1 तक, तो जब आई 1 चलेगा फिर जे चलेगा आपका नेक्स्ट, क्योंकि नेस्टेड लूप है, ठीक है। तो 2 से लेके 10 तक एक एक के गैप में, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब एक कम बस, सॉरी दो कम बस, ठीक है ना। इफ वेयर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इफ वेयर इज डिविजिबल बाय 2 कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो अगर वेयर 2 से डिविजिबल है तो कंटिन्यू कर दो, आगे कोड रन नहीं करो, ठीक है। पर इस वेयर प्लस 1 का कुछ सेंस ही नहीं बना यार, क्योंकि देखो जब ये रन होगा, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, और जैसे ही स्टेटमेंट रन होने लगेगा कंटिन्यू करते ही आप मतलब इस पे चले जाओगे, सॉरी इस लूप पे चले जाओगे वापस से चेक करने कंडीशन। तो इस वेयर प्लस 1 का तो कुछ सेंस ही नहीं बना, तो अगर मैं इसको काट भी दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं है, राइट। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि यहां पे मैं जे को डिवाइड करके नहीं देख रहा हूं, मैं हर बार वेयर को ही 2 से डिवाइड करके देख रहा हूं, वेयर कौन सा, ये वाला वेयर, और चेंज भी नहीं कर रहा हूं इसको, ये वेयर हमेशा बस यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार, देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियली वेयर 10 है, आई से रेंज बना दे, जे से रेंज बना दे, जे अभी फिलहाल 2 को रेंज कर रहा है, मतलब पॉइंट कर रहा है। हमने चेक किया कि क्या वेयर 2 से डिविजिबल है, यस वेयर 2 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर से कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे बढ़ जाओगे आप, ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा है ना, ये नहीं रन होगा, ये ध्यान रखना। कंटिन्यू कर दोगे आप, आगे बढ़ोगे, 3 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। 2 से आप पहुंच गए 3 पे, 3 से फिर से चेक कर रहे हो, 3 के लिए बट अगेन वापस से चेक क्या कर रहे हो आप, जे को नहीं कर रहे हो, 2 को चेक नहीं किया तुमने से पहले, या 3 को चेक नहीं करना है अपने को, हमें चेक किसको करना है, वेयर को। तो 10 फिर से 2 से डिविजिबल है, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाओगे आप, ठीक है। फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाओगे, ऐसे 4 कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि बार बार आप वेयर को ही तो डिवाइड करके देख रहे हो, वेयर 10 है, 10 हमेशा 2 से डिविजिबल है, तो जब बार बार आप वेयर को ही 2 से डिवाइड करके देख रहे हो तो हर बार कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे 4 से 5 पहुंचोगे आप, 5 से 6 पहुंचोगे आप, 6 से 7 पहुंचोगे आप, 7 से 8 पहुंचोगे आप, 8 से 9 पहुंचोगे आप, समझ में आया। और जैसे ही 9 आप पहुंचोगे, 9 में भी आप यही देखोगे कि फाइनली फिर से कंटिन्यू हो गया, और कंटिन्यू होते जैसे ये लूप खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही ये लूप खत्म हुआ एक बार, ठीक है, तब आप क्या हुआ आपका, फिर ये वेयर प्लस 1 हो गया, मतलब अब ये 10 से 11 बन गया, ठीक है, ये 11 बन गया, और आपका लूप मतलब आई आगे बढ़ गया, तो अब आई जो है 1 बन गया है, ठीक है। अब क्योंकि आई 1 बन चुका है, तो आई 1 बनने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब वापस ये वाला अंदर वाला लूप चलाओगे, पर आप यहां पे चेक अगर आप करो, फिर से आप 2 से लेके वापस से 9 तक रेंज करने वाले हो, वापस 2 से लेके 9 तक रेंज करने वाले हो, बट इस बार वेयर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 11 2 से डिविजिबल नहीं है, बार बार हर इटरेशन में 2 से 3, मतलब 2 से आप 3 जाओगे, 4 जाओगे, 5 जाओगे, 6 जाओगे, 7 जाओगे, 8 जाओगे, 9 जाओगे, हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपका ये डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, आप वापस कंटिन्यू करके वापस से आ जाओगे, वेयर प्लस 1 हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक्चुअली अंदर वाले लूप का कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मतलब इससे कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है, मतलब जो अंदर वाला लूप है ना, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे जैसे इटरेशन आगे बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे इटरेशन आगे बढ़ रही है, मेरा वेयर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे मतलब इससे मेरा कोई सेंस ही नहीं बना, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, कंटिन्यू हो जा रहा है, क्योंकि अंदर वाला कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा इससे। तो एक्चुअली जब मैं इसको करूंगा तो 12 से मतलब ये फिर से वही सारे इटरेशन के लिए रन होगा, 2 से लेके 9 तक, ठीक है, आई 2 है, ठीक है, फिर आई 2, तो आई 2 पे ये हो गया, अब ये 12 से फिर 13 बन जाएगा, ये चेंज होके 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 13 से 14 होगा, तो ये चेंज होके 4 आ जाएगा, ठीक है, 14 से 15 होगा, फिर 4 चेंज होके 5 आ जाएगा, फिर 15 से 16 होगा, ये चेंज होके 6 आ जाएगा, फिर 17 होगा, ये चेंज होके 7 आ जाएगा, 17 से 18 होगा, ठीक है, ये चेंज होके 8 आ जाएगा, फिर ये 19 होगा, फिर ये 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये 20 होगा, और फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये लूप जैसी खत्म होगा, ये लूप जैसी खत्म होगा, तो इसका else वाला पार्ट चलेगा, else में भी वेयर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 20 आप चेंज करके कहां चले जाओगे, 21st में चले जाओगे, तो 21st, तो फाइनली जो वेयर की वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है 21st, मतलब अंदर वाले वैल्यू की कोई सेंस ही नहीं बना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा बनाया गया है, अगर सेंसिबली बनाया गया है, पर मुझे जो दिख रही है एक्चुअली में इसमें गलती, वो ये दिख रही है कि वेयर एक्चुअली इनिशियली होना चाहिए था,
तब तक कुछ सेंस बनता, कंटिन्यू करके वायर प्लस वन का कोई सेंस ही नहीं है प्लस इक्वल्स टू वन करने का, राइट right? तो आई थिंक सो अभी फिलहाल इस कोड के हिसाब से तो आंसर 21st आ जाना चाहिए, पर दिस इज अ यूजलेस क्वेश्चन, सेंसलेस क्वेश्चन, इसका कोई सेंस ही नहीं, फायदा नहीं बन रहा। हो सकता है इंटेंशनली भी क्वेश्चन दिया गया हो, ये भी पॉसिबल है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है क्वेश्चन तो किसी तरीके से बन सकता है, देखते हैं आंसर क्या है। देखो आंसर तो 21st ही है, समझ में आया, आंसर तो 21st ही है, मतलब वही सेंस है, ठीक है, तो सेंसिबली बनाया गया क्वेश्चन, ठीक है, पर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वाइज कहो तो अच्छा है, कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ फंस जाओगे, ठीक है, सही से नहीं करोगे तो फंस जाओगे यार फाइनली, सही है, तो अच्छा क्वेश्चन था। 97th, आगे बढ़ते हैं, 98th, which says, what is the value of x after the following nested for loop completes its execution? तो जब ये nested for loop अपना execution complete करेगा, तो क्या पूछ रहे हैं, x की value क्या हो जाएगी finally? Value of x after the following nested for loop completes its execution, सब complete हो जाएगा तब, ठीक है, let's see, so x की value initially 0 है, x की value initially 0 है, ठीक है, आपने for i in range 10 बनाया, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एक्चुअली, ठीक है, 9 तक, फिर फॉर जे इन रेंज -1 से -10 बनाया, तो -1 से -10 मतलब -1 से शुरू करेंगे, माइनस करते चले जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, दैट्स ऑल, -10 काउंट नहीं होगा तो यह आ जाएगा, राइट right? I को रेफरेंस कर रहे हो आप इससे, J से आप इसको रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है, और हर लूप में करके आ रहे हो, X को एक आगे बढ़ा दे रहे हो, X इज इक्वल्स टू X प्लस वन कर दे रहे हो, X में एक आगे बढ़ा दे रहे हो हर लूप में, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, मतलब इसके 9 इटरेशन है, मतलब इसके एक जीरो के लिए आप इसको कितनी बार चला रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बार चला रहे हो ना इसको, इस एक इटरेशन के लिए आप इसको 9 बार चला रहे हो, तो ठीक है, 9 बार चला रहे हो आप इसको एक इटरेशन के लिए, तो आप एक इटरेशन 0 पे ये 9 बार चलेगा, तो ये 9 बार आगे ऐड हो जाएगा, तो जैसे ये एक इटरेशन, मतलब ये जैसे जे यहां से पूरा कवर करेगा, तो x को एक आगे बढ़ाओगे तो 0 क्या हो जाएगा, 0 से 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है, फॉर वन इटरेशन ऑफ i, जब ये जे पूरा चल जाएगा, फिर ये i, मतलब जैसे ही आपका ये एक बार लूप चला, एक लूप ये चला, ठीक है, एक्चुअली प्रिंट आप बार बार करते चले जा रहे हो, बट आपको आउटपुट नहीं पता ना, आपको x की वैल्यू पता नहीं पूरे लूप के बाद, ठीक है, तो जब ये हो जाएगा फिर इसके बाद फिर से आप आगे बढ़ोगे, है ना, तो नेक्स्ट लूप चलोगे तो आई आपका 1 हो गया, तो जैसे आई 1 हुआ फिर ये 9 बार चलेगा, तो 9 बार चलेगा तो 9 2 18 हो जाएगा, तो एक्चुअली ये चलता रहेगा कब तक, ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम चल रहा है, मतलब आपका जो 9 की टेबल है 0 से 9, 9 से 18, 18 से, तो 9 3 से 27, 9 4 से 36, 9 5 से 45, इस तरीके से चलता रहेगा कितनी बार, 10 बार, ठीक है, तो जब 10 बार आ जाएगा तो 9 10 कर दो सीधे सीधे, सो 9 10 क्या आ गया, 9 10 90 आ गया, तो फाइनली जब ये लूप कंप्लीट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा फाइनली आंसर, समझ में आया, तो आपका आंसर मुझे दिख रहा है जो वो है बी, दैट इज 90, समझ में आया, मतलब 9 9 का चेंज कर रहे हैं हम 10 बार, जब 9 9 का चेंज आप 10 बार करोगे तो 9 9 का चेंज 10 बार, पहले 9 फिर 9 फिर 9 9, इस तरीके से क्या होगा, 90 हो जाएगा ना, या ये समझ लो 10 10 का चेंज 9 बार कर रहे हो, ये कह लो, ये भी बात सही है, ठीक है, तो एक्चुअली टोटली आप 90 बार ऐड करो तो आंसर क्या जाएगा, बी दिख रहा है मुझे, दैट इज 90, तो देखो बी ही आंसर है, राइट, अंडरस्टूड, तो इस तरीके से यार आपका पूरा ही कोड चल रहा है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया आंसर आपका, एक्स का 90 हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99th पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लूप, तो इस लूप का आउटपुट क्या आएगा, फॉर एल इन जॉन, तो जॉन एक स्ट्रिंग है, एल जो है क्या कर रहा है, इसके एक कैरेक्टर्स को रेफरेंस कर रहा है, तो फॉर एल इन जॉन, इफ एल इज नॉट इक्वल्स टू ओ तो पास कर दो, अगर एल जो है ओ के बराबर नहीं है तो पास कर दो, नहीं तो प्रिंट करो, ठीक है, तो पहले जे पे गए तो जे क्या ओ के बराबर है, नहीं है, तो एल पे आ गए यार आप, ठीक है, सॉरी मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ गए प्रिंट, तो एल को प्रिंट करना है कॉमा से प्रिंट करके, तो जे प्रिंट कर देना है, ठीक है, और लास्ट में कॉमा लगेगा, ठीक है, फिर आप एच पे गए, एच क्या ओ के बराबर है, नहीं है, फिर से प्रिंट हो जाएगा कॉमा लगा के, ठीक है, फिर ओ पे गए, ओ
है तो ओ में पास लिखा हुआ, पास करोगे तो कुछ नहीं होगा, ब्रेक भी नहीं कर रहे हो आप, कंटिन्यू भी नहीं कर रहे हो, पास कर रहे हो, पास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये रन होगा ही होगा तो ओ एन भी रन होगा, मतलब ओ भी रन होगा। फिर एन पे गए तो एन पे गए तो एन भी फिर से ये होगा, मतलब ये नहीं होगा केस, ये प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा तो एन कॉमा आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जे एच एन नहीं, ओ मिस नहीं हो रहा है, जे एच, अच्छा इनमें डिफरेंस देखो कॉमा का है, ठीक है, तो नहीं ये तो आंसर ही नहीं है, जे एच ओ एन इज नॉट करेक्ट, सॉरी, ठीक है, लास्ट में कॉमा ऐड होना चाहिए। तो ये दिख रहा है मुझे आंसर, जे कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा आना चाहिए, लास्ट में कॉमा जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एंड के लास्ट में कॉमा जोड़ रहे हैं अपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 99th का, डी हो जाएगा, जे कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा आ जाएगा, जे कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा आंसर आ जाएगा, विच इज डी। सो 99th का आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। अब 99 पे फेल नहीं होना, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, 100 सेंचुरी मार के जाना, ठीक है, चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन 100 सेंचुरी के लिए आ जाओ। फॉर सॉरी, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड लूप, तो इस नेस्टेड लूप का आउटपुट क्या है, दैट इज व्हाट यू वांट टू टेल, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब लूप व्हाट इज द प्रोग्राम, फॉर नम इन रेंज 10 से 14, ओके 10 से 14 मतलब 10 11 12 13, ठीक है, नम एक वेरिएबल है जो इसके एक एक एलिमेंट्स को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। नाउ फॉर आई इन रेंज 2 टू नम, फॉर आई इन रेंज 2 टू नम मतलब जो भी नम है उतने उस हिसाब से अलग अलग नया बन जाएगा, जैसे अगर मैं 10 के लिए बनाऊं सो 2 से नम मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक बन जाएगा फिलहाल, तो ठीक है 2 से लेके 9 तक। इफ नम मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 1, अगर नम को आई से डिवाइड किया गया, ठीक है, नम को आई से मतलब देखो आई जो है रेंज में है, मतलब सेकेंड लूप में है, तो आई एक्चुअली ये है, तो अगर नम को आई से डिवाइड किया गया, ठीक है, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो प्रिंट कर दो नम को, ठीक है, अगर आंसर 1 आता है तो, ठीक है, तो अच्छा रिमाइंडर अगर 1 आता है तो नम को प्रिंट कर दो और जैसी मिले उसको ब्रेक कर दो, पहले ही अगर आपको मिल जाए 1 रिमाइंडर तो ब्रेक कर दो, तो देखते हैं यार। तो 10 के लिए अगर फिलहाल मैं कहूं तो 10 के लिए 2 से डिवाइड किया गया तो परफेक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, ठीक है, सो 25 से 10 नहीं आएगा तो आई चेंज हो जाएगा, 25 से 10 है ना, 1 नहीं आया रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 सर्च करें ना, नम डिवाइड बाय आई, नम को आई से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आना चाहिए, नहीं आया फिलहाल, 3 पे आ जाओ, आई 3 बन गया, 10 को 3 से डिवाइड किया 3 3 से 9 1 रिमाइंडर आया, तो जैसे ही 1 रिमाइंडर आया नम प्रिंट कर दो तो 10 आ गया आंसर इनिशियली, राइट 10 आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये मिले तो ब्रेक कर दो, मतलब इस लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है, इस वाले लूप से बाहर आ जाओ, तो ये आपका फाइनली पूरा ये जो काम है ये बेकार हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर आ जाओ आप, ठीक है, और इस नम को आगे ट्रेड कर दो, तो 10 से आप आगे आ जाओ 11 पे, ठीक है 11 पे आ जाओ, ठीक है। अब 11 के लिए फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इफ नम मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 1, सो 11 मॉड्यूलो आई, तो आई पहले 2 है, ठीक है, तो 11 को 2 से डिवाइड किया गया तो 2 5 10, तो पहले में ही दिख गया है 2 5 10 1 रिमाइंडर 11 दिख रहा है, तो 11 को प्रिंट कर देंगे, नम को प्रिंट कर रहे हैं, नम 11 है ना, 11 प्रिंट कर दिया गया, और जैसे ही प्रिंट फिर ब्रेक, तो बाकी का बेकार, किसी मतलब का नहीं, बाकी का बेकार, ठीक है, तो ये लूप पूरा बेकार, आगे चलो, आगे नेक्स्ट इटरेट कर दो, 12 पे आ जाओ, 12 के लिए फिर 2 से लेकर 12 बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, आई सबसे पहले 2 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने 12 को डिवाइड करके देखा 2 से, तो 12 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज नॉट द केस, ठीक है, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 से 12 परफेक्टली नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 3 से 12 परफेक्टली ऑल राइट नॉट अ प्रॉब्लम, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 2 से 10 डिवाइड तो नहीं होगा परफेक्टली बट 2 रिमाइंडर छोड़ेगा 1 नहीं छोड़ेगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा 6 2 से 12 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है काम का नहीं है, 7 से करके देखते हैं 7 1 से 7 आ जाएगा तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा किसी काम का नहीं है, ठीक है 8 से देखते हैं 8 2 से 16 तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका क्या आपका रिमाइंडर आ जाएगा 8 2 से 16 तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा किसी मतलब का नहीं, 9 में देख लेते हैं 9 1 से 9 रिमाइंडर 3 आ रहा है किसी मतलब का नहीं, ठीक है 10 से देख लेते हैं 12 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ रहा है 2 किसी मतलब का नहीं, 11 से देखते हैं 12 को 11 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 1 तो 12 भी प्रिंट हो जाएगा यार, समझ में आया,
चलो आगे देखते हैं। अब जैसे 11th लास्ट पे आ गए तब ब्रेक किया तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरा तो यूज किया आपने, अच्छी बात है, 12th ने पूरा यूज यूटिलाइज किया। तो अगर ये आउटपुट जानने के बजाय अगर हमसे ये पूछते हैं कि बताओ कितनी बार ट्रेड कर रहा है, कितनी बार रन हो रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, पर ये पूछ नहीं रहे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब नम 13 पे आ गए अपन। सो 13 पे जब हम आ गए तो 13 तक बनाएंगे, ठीक है, तो 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ठीक है, अब ये 12 जब आप n तक बना ही रहे हो, नम तक बना ही रहे हो, तो एक ना एक तो मिल ही जाएगा ना आपको हमेशा 12, आप देखो 12 से डिवाइड करोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 2 से करोगे 2 से ही मिल जाएगा, 2, 6, 12 एक ही मिल, पहले 2 पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन ये तब बनता जब ये पूछते कि कितनी बार ये ट्रेड होगा, कितनी बार रन होगा, तो 13 में प्रिंट हो जाएगा। सो 10, 11, 12, 13 मुझे आउटपुट दिख रहा है, सी दिख रहा है, ये कोड बहुत अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता था अगर ये पूछते कि कितनी बार ट्रेड कर रहा है, कितनी बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, कितनी बार चल रहा है लूप में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता। ठीक है, अब आपको समझ में आएगी कैसे आंसर करोगे। ठीक है, अभी अगर इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर करूं तो इस क्वेश्चन का तो आंसर सी हो गया, 10, 11, 12, 13 मुझे तीनों ही दिख रहे हैं, चारों ही दिख रहे हैं, समझ में आया। बट आपको ये भी समझ में आ गया हो कैसे आप इटरेट कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन एंड आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आई होप कि इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एज इट इज लगे, और डेफिनेटली लगेंगे, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो लगेंगे। प्रोग्राम्स का थोड़ा सा मुश्किल होता है लगना एज इट इज, बट आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस करके आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो छूट गए हैं वो रिवाइज हो गए, छूट गए मतलब जो आपने बहुत पुराने पढ़ रखे हैं वो सब रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी रिवाइज नहीं हो तो एक बार मेरे लेक्चर देख लो, जाओगे देखोगे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे 100%। एक बार वो करके वो सारे वीडियोस देख के अगर आप वापस आओगे ना, तब इन क्वेश्चंस को करोगे, सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे, एक बार वो बस देख के आओ। ठीक है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहे होंगे। ठीक है, और आप ये क्वेश्चंस कर पाए होंगे। नहीं बने हैं क्वेश्चंस तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक बार क्या करो, एक बार इस पूरी वीडियो को दोबारा से देखो स्टार्टिंग से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वापस से अटेम्प्ट करो, बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो यार फंस जाओगे क्वेश्चंस में। तो एक बार तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आओ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एक बार वो क्लियर करके आओगे ना, तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको 100 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट लगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना, डेफिनेटली आई विल एड्रेस इट। ठीक है, मेरी टीम जरूर देखेगी और मुझे बताएगी, देन आई विल टेल यू द डाउट। ठीक है, चलो तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज द एंड, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है, प्लेलिस्ट वगैरह अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंच से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे तीसरे तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।